सुनो, अभी नेक्स्ट चैप्टर देखो अपना क्या है, कैपिटल गेन्स। अब देखो कैपिटल गेन्स का चैप्टर ब्रॉडली हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल गेन्स का बेसिक कंडीशंस एंड कंप्यूटेशन। बेसिक कंडीशन एंड कंप्यूटेशन मतलब व्हेन टू कंप्यूट कैपिटल गेन्स एंड हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन्स, ओके। एंड फिर सेक्शन वाइज पढ़ना पड़ेगा, ओके। अब सेक्शन वाइज पढ़ने में इन लोग ने सीए इंटर में सारे सेक्शंस कैपिटल गेन्स के नहीं रखे, लेकिन जितने भी सेक्शन है वो अपने को पढ़ने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, ओके। तो उसी पहले मैं चालू कर रहा हूँ, बेसिक कंडीशंस एंड कंप्यूटेशन। इधर मैंने क्या बोला, क्या पढ़ना अपने को, व्हेन टू कंप्यूट कैपिटल गेन्स एंड हाउ टू कंप्यूट। तो उसी इसके लिए मैं ना एक फ्लो चार्ट से बता रहा हूँ। ये देखो, इधर अपने को मालूम पड़ेगा व्हेन टू कंप्यूट कैपिटल गेन्स, एंड फिर इधर अपने को मालूम पड़ेगा हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन्स, ओके। तो सी व्हेन टू कंप्यूट मतलब उसके लिए कंडीशन है, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना तो ही कैपिटल गेन्स कंप्यूट होता है। पहली कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट। फिर दूसरी कंडीशन है देयर मस्ट बी ट्रांसफर। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ ना तब कैपिटल गेन्स कंप्यूट होता है। तो ये था व्हेन टू कंप्यूट कैपिटल गेन्स। फिर हाउ टू कंप्यूट बाद में है, पहले इसको अच्छी तरह करना पड़ेगा। तो सी व्हेन टू कंप्यूट में पहला कंडीशन क्या, देयर मस्ट बी कैपिटल असेट। अब कैपिटल असेट मतलब क्या होता है, मैं ऐसा एसेट जिसमें कमाने का पावर होना चाहिए, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ सब एसेट्स कैपिटल असेट होते हैं, क्योंकि हर एसेट में कमाने का पावर होता है। लेकिन देर आर फाइव आइटम्स विच आर एक्सक्लूडेड, देर आर फाइव आइटम्स विच आर एक्सक्लूडेड। ये देखो इधर लिखा हुआ है मिसिस जीएस, एक कीवर्ड है। मिसिस जीएस में जो एसेट्स है ना उसको गवर्नमेंट कैपिटल से ट्रीट नहीं करती है, और वो कैपिटल असेट ही नहीं है तो उसमें कैपिटल गेन्स नहीं आएगा, ओके। तो सी मिसिस जीएस क्या होता है, लुक हियर, मिसिस जीएस में एम का मतलब होता है मूवेबल पर्सनल एसेट्स। ये देखो इधर लिखा हुआ है मूवेबल पर्सनल एसेट, दीज आर नॉट कैपिटल असेट। मतलब घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इसको गवर्नमेंट कैपिटल असेट नहीं बोलती है, क्योंकि इनमें कमाने का पावर नहीं है, ना इनमें कमाने का पावर है, ना इनको कमाने के इरादे से लिया है। इसे जो घर में जो सामान पड़ा ना, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, उसको गवर्नमेंट कैपिटल असेट नहीं बोलती है, यानी कि इनको बेचा तो कैपिटल गेंस नहीं आएगा। लेकिन सी हर मूवेबल पर्सनल एसेट कैपिटल असेट नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। ये देखो देर आर सर्टन एक्सेप्शंस। इधर नीचे जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये आइटम्स क्या है, मूवेबल है, पर्सनल है, बट फिर भी इसको गवर्नमेंट कैपिटल से ट्रीट करके इसमें कैपिटल गेन्स कंप्यूट करवाती है। तो उसमें क्या क्या है, ज्वेलरी, ओके। फिर डप्सा, डप्सा का मतलब ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, मतलब आर्टिस्टिक चीज है। फिर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल मतलब पुराने जमाने की एंटीक चीजें जो हम संभाल के रखते हैं वो। तो ये तीन चीजें ना अपने पर्सनल लाइफ के मूवेबल एसेट है, लेकिन बिकॉज इनमें कमाने का पावर है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, इसको तो हम कैपिटल असेट मानेंगे, ओके। किसको, ज्वेलरी, डप्सा एंड आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। इसके अलावा घर का कोई भी सामान हुआ ना, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हर मूवेबल पर्सनल एसेट के लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि वो कैपिटल असेट नहीं है और उसमें कैपिटल गेंस नहीं आएगा, ओके। बट वो एक्सेप्शन याद रखना, ज्वेलरी, डप्सा एंड आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ओके। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट इज आर, आर फॉर मिसिस जीएस है ना, तो उसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ। आर क्या है, रैली, रैली मतलब रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, मतलब एग्रीकल्चर लैंड को भी गवर्नमेंट कैपिटल से नहीं ट्रीट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस देना चाहती है। दैट मीन्स अगर किसी किसान ने अपना खेत बेचा तो खेत बेचने के ऊपर कैपिटल गेन का टैक्स नहीं आएगा, इससे क्या किसानों को थोड़ा बेनिफिट मिलता है, ओके। लेकिन वो रूरल एरिया में खेत होना चाहिए, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर वाला खेत, वो भी इंडिया में होना चाहिए। तो उसे क्या क्या याद रखना, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, तो कैपिटल गेन्स नहीं आएगा। फिर स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड को भी गवर्नमेंट क्या बोल रही है, देखो ये कैपिटल असेट नहीं है, क्यों, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड बेच के तो इनकम फ्रॉम बिजनेस आता है। स्टॉक इन ट्रेड मतलब वो ये वो चीज़ है जिसका मेरा बिजनेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज़मीन, सोना, चांदी, ये कैपिटल असेट होता है, लेकिन अगर इसको मैंने अपना धंधा ही बना दिया तो मेरे लिए गुड्स के बराबर हो गया ना, फिर उसको बेच के तो इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगा और वो अलग चैप्टर है। इससे स्टॉक इन ट्रेड को गवर्नमेंट कैपिटल असेट नहीं ट्रीट करती है, क्योंकि उससे अलग हेड क्रिएट होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिर ये देखो गोल्ड बॉन्ड्स और स्पेशल बेरर बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स एक्चुअली कैपिटल असेट होता है, लेकिन ये दोनों बॉन्ड्स है ना गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है ना,
और गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक रूल बनाई है कि हमारे बॉन्ड्स में पैसा डालोगे तो उसको हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे, डैट मीन उसको कभी बेचना पड़ा तो उसमें कैपिटल गेन नहीं आएगा, टैक्स भी नहीं आएगा। ये जानबूझ के ऐसा रूल रखा है ताकि गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को अट्रैक्टिव बना सके, ओके। और अट्रैक्टिव बन गया ना, इसमें कैपिटल गेंस नहीं आएगा। तो बस अपने को ये पांच चीज़ याद रखनी है, ये पांच चीज़ पे कैपिटल गेंस आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो मूवेबल पर्सनल एसेट्स था विद द एक्सेप्शन ऑफ ज्वेलरी, डप्सा एंड आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन जिसमें कैपिटल गेंस आता है, फिर मूवेबल पर्सनल एसेट के बाद रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, स्टॉक इन ट्रेड, गोल्ड बॉन्ड्स एंड स्पेशल बेरर बॉन्ड्स, ओके। तो सी हियर, ये देखो ये फ्लो चार्ट पे ध्यान देना, मिसेस जीएस के अलावा बाकी सब एसेट्स को गवर्नमेंट कैपिटल एसेट ट्रीट करती है। फिर कैपिटल एसेट के पड़े पड़े गेन नहीं होता है, उसको बेचना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि बेचो, ट्रांसफर करो, क्योंकि बेचना एक बहुत लिमिटेड टर्म हो जाता है, बेचना मतलब सेल। लेकिन सी कैपिटल गेन सेल के अलावा दूसरे ट्रांजेक्शन में भी आता है, इसे लॉ ने ही नहीं बोला कि बेचो, क्योंकि बेचो करके बोलते हैं ना तो कैपिटल गेंस खाली सेल तक ही सीमित हो जाता। लेकिन तुम लोग खुद नोटिस करोगे कैपिटल गेंस सेल के अलावा दूसरे ट्रांजेक्शन में भी आता है, इससे लॉ ने सेल वर्ड यूज नहीं किया है, क्या लिखा है, ट्रांसफर होना चाहिए। और ट्रांसफर मतलब चेंज इन ओनरशिप, जब अपनी चीज पराई हो जाती है ना, ओनरशिप चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। और ट्रांसफर के लिए गवर्नमेंट ने ना ये देखो 6 ट्रांजेक्शन दिया है, ये उसका कीवर्ड है सरक, 6 ट्रांजेक्शन दिए है। इन 6 ट्रांजेक्शन को गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये हम लोग के लिए ट्रांसफर है, और ऐसा कभी हुआ तो कैपिटल गेंस कंप्यूट करके टैक्स भरने का। और वो 6 ट्रांजेक्शन की लिस्ट देखो क्या है, ये देखो 6 ट्रांजेक्शन है, कीवर्ड क्या था, सरक टू, ओके। सरक टू में देखो फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, एस, एस का मतलब सेल ऑफ कैपिटल असेट, एस मतलब सेल ऑफ कैपिटल असेट, मतलब कैपिटल असेट की सेल हुई तो कैपिटल गेंस आता ही है। फिर एक्सचेंज ऑफ कैपिटल असेट में भी कैपिटल गेंस आता है, एक्सचेंज ऑफ कैपिटल असेट मतलब बार्टर सिस्टम, एक एसेट को देके बदले में कोई दूसरा एसेट ले लिया तो एक्सचेंज होता है। सी सेल में तो क्या, एसेट को बेच के रोकड़ा मिलता है, लेकिन एक्सचेंज में क्या होता है, एसेट को बेच के रोकड़े के बदले कोई दूसरा एसेट बदले में मिलता है, तो उसमें भी गवर्नमेंट बोलती है बार्टर सिस्टम है तो क्या है, उसमें भी कैपिटल गेंस आएगा। लेकिन सी कैसे कैलकुलेट करना उसके ऊपर बाद में करेंगे, लेकिन अभी पढ़ना क्या है कि कब आएगा कैपिटल गेंस, तो सेल में आएगा, एक्सचेंज में आएगा, फिर एक होता है रेलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल असेट, इसका मतलब हम लोग टाइम आने पे समझेंगे, अभी खाली सुन लो, रेलिंक्विशमेंट। फिर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स इन अ कैपिटल असेट, इसका भी मतलब टाइम आने पे बताऊंगा, रेलिंक्विशमेंट था, फिर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स इन अ कैपिटल असेट, फिर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, फिर कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इन टू स्टॉक इन ट्रेड। सी एक्चुअली क्या होता है, ये सब चीज़ों का मीनिंग अभी नहीं बताने का होता है, मैं जब सेक्शन वाइज पढ़ाता हूँ ना तभी कोई ना कोई सेक्शन में कवर होता ही है, मतलब ये सब पॉइंट किसी ना किसी सेक्शन में कवर हो ही जाएंगे, इससे अभी इसका डिक्शनरी मीनिंग बता के टाइम वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि ये सब के ऊपर डिस्कशन होने वाला है कब, ये देखो मैंने बताया था ना हम लोग सेक्शन वाइज पढ़ने वाले, तो सेक्शन वाइज जब चर्चा होगी तो सबका डिस्कशन होगा। अभी तुम लोग खाली इतना समझ लो ना कि कैपिटल गेंस खाली सेल तक ही सीमित नहीं है, देर आर 6 ट्रांजेक्शंस, उसका कीवर्ड है सरक, और सरक में भी टू है, तो मैं तो बच्चों को ऐसे बोला सरक टू, मैं क्यों सरकू, सरक टू। तो एस क्या था, सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट और राइट्स इन अ कैपिटल सेट, कंपल्सरी एक्विजिशन और कन्वर्जन ऑफ कैपिटल सेट इन टू स्टॉक इन ट्रेड, तो ये ट्रांजेक्शन में कैपिटल गेंस आता है। तो सी ऐसे याद रखो ना, लुक हियर, अगर मिसेस जीएस सरकी ना तो उसको बोलना चाहिए सरक तू, तेरे सरकने से कुछ नहीं होता है, कैपिटल गेंस नहीं आता है, क्योंकि मिसेस जीएस कैपिटल असेट ही नहीं है। तो देखो मैंने क्या बोला, मिसेस जीएस के सरकने से कुछ नहीं होता है, उसको तो बोलना चाहिए सरक तू, तेरे सरकने से कुछ नहीं होगा, नो कैपिटल गेंस। लेकिन मिसेस जीएस के अलावा कोई और एसेट सरका तो उसके सरकने पर आता है कैपिटल गेंस, और इधर सरकने का मतलब ट्रांसफर होना, ओके, बट ट्रांसफर होना इज मस्ट, वो भी क्या ट्रांसफर होना चाहिए, मिसेस जीएस के अलावा दूसरी चीजें। फिर मैंने क्या बोला, मिसेस जीएस के अलावा कोई दूसरे एसेट्स का सरकना चाहिए, लेकिन वो सरकना कितने टाइम में चाहिए, अगर 3 साल में सरका तो शॉर्ट टर्म होता है, 3 साल से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म होता है, अरे मतलब अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ,
शॉर्ट टर्म कब होता है? अगर कोई एसेट 3 इयर्स के अंदर ही ट्रांसफर हो गया तो शॉर्ट टर्म, 3 इयर्स से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म, लेकिन कभी कभी 1 ईयर होता है। ये देखो 1 ईयर कब होता है? लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड फंड, तो 1 ईयर। ओके, लिस्टेड सिक्योरिटी, यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इसमें 1 ईयर होता है। क्योंकि सी ये सब के क्या रोज शेयर मार्केट में भाव आते हैं ना, तो शेयर मार्केट में भाव देख के बेचने का मन चलता है, तो कोई 1 ईयर से ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता है। इससे गवर्नमेंट ने बोला 1 ईयर होल्ड करो, 1 ईयर होल्ड करोगे तो उसके बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। एंड गवर्नमेंट चाहती है लोग लॉन्ग टर्म करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म करके क्या है, पूरी इकोनॉमी की हालत खराब हो जाती है। शेयर मार्केट में लोग क्या है, फटाफट खरीद बेच करते हैं ना, तो अपना स्टॉक एक्सचेंज एकदम वॉलेटाइल हो जाता है, ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अपना स्टॉक एक्सचेंज कैसा होना चाहिए, स्टेबल, ऊपर जाना चाहिए एकदम। लेकिन वो कब होगा, जब सब लोग लॉन्ग टर्म करेंगे। इससे गवर्नमेंट चाहती है लोग लॉन्ग टर्म करें, इससे तो लॉन्ग टर्म को गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया है। तुम लोग पूरे चैप्टर में देखोगे लॉन्ग टर्म को हमेशा गवर्नमेंट अच्छा ही ट्रीटमेंट देती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि लॉन्ग टर्म करें लोग, और शॉर्ट टर्म से गवर्नमेंट को नफरत है। ये देखो मैंने इधर लिखा भी था, शॉर्ट टर्म को गवर्नमेंट डिस्करेज करती है, क्योंकि शेयर मार्केट में देखा ही है ना, लोग शेयर्स खरीदते फटाक से बेचते, तो अपने स्टॉक एक्सचेंज की हालत क्या हो जाती है, ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन वो गलत है ना, इसलिए गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म को डिस्करेज करने के लिए उसके लिए गंदे प्रोविजंस बनाई है, और लॉन्ग टर्म को एंकरेज करने के लिए अच्छे प्रोविजंस बनाई है। ओके, तो सी हियर, तो शॉर्ट लॉन्ग के लिए कैसे डिसाइड करना है, 1 ईयर का रूल कब होगा, अगर लिस्टेड सिक्योरिटी हुआ। लिस्टेड सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर, बॉन्ड, प्रेफरेंस, इक्विटी, कुछ भी होना चाहिए, लेकिन वो लिस्टेड होना, लिस्टेड मतलब जिसके स्टॉक मार्केट में प्राइस आते हैं। फिर यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है, मतलब म्यूचुअल फंड है, लेकिन ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जो पब्लिक से पैसा लेके 65% इक्विटी में डालता है। पब्लिक से पैसा लेके मिनिमम 65% इक्विटी में डालता है, तो इसको बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ओके, ये देखो ड्राइंग देखो, म्यूचुअल फंड जो पब्लिक से पैसा लेके मिनिमम 65% इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर देगा, तो इसको बोलेंगे ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। लेकिन सी, इक्विटी ओरिएंटेड के लिए एक और क्राइटेरिया है। कभी कभी क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड पब्लिक से पैसा तो ले लेती है, लेकिन खुद स्टॉक मार्केट में डालती नहीं है, वो दूसरे म्यूचुअल फंड को दे देती है, फिर दूसरा म्यूचुअल फंड कहीं इन्वेस्ट करता है, तो ऐसा वाया हुआ ना कि एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड को देगी, फिर दूसरी वाली म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगी, तो उसमें देखो ड्राइंग देख के समझ जाओ ना कि ये वाली म्यूचुअल फंड पब्लिक से जो पैसा लेगी ना, वो मिनिमम 90% दूसरी म्यूचुअल फंड को देनी चाहिए, फिर वो दूसरी वाली म्यूचुअल फंड मिनिमम 90% इक्विटी में डालेगी, तब जाके इसको हम लोग बोलेंगे इन दोनों को इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। लेकिन सी, अगर डबल म्यूचुअल फंड नहीं होता है, एक ही म्यूचुअल फंड है बिटवीन पब्लिक एंड स्टॉक मार्केट, तो 65% का रूल है। लेकिन ऐसे वाया होता है ना, दो म्यूचुअल फंड इन्वॉल्व है, तो 90% का रूल है। ओके, तो ये सीन याद कर लेना। तो ये क्या था, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता है, और ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि इन लोग के लिए 1 ईयर होता है, लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड फंड के अलावा कोई दूसरे टाइप की म्यूचुअल फंड हो ना, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, तो उसमें 1 ईयर का रूल नहीं है, फिर उसमें ये 3 इयर्स का रूल आ जाता है। ओके, लेकिन सी, कोई कोई एसेट में तो 2 इयर्स का रूल आता है, किसमें, अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का 2 इयर्स होता है, और अनलिस्टेड में शेयर्स, हाँ, अनलिस्टेड में दूसरी चीज नहीं, जैसे अनलिस्टेड डिवेंचर्स हो गया, अनलिस्टेड बॉन्ड्स हो गया, तो वो सब अदर्स में आएगा। तो इधर अनलिस्टेड क्या है, शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका 2 इयर्स का रूल है, बाकी सब एसेट्स में 3 इयर्स है। तो सी हियर, हम लोग का फ्लो चार्ट इधर पहुंचा है। सी, ये फ्लो चार्ट खत्म होगा ना, तब जाके हम लोग क्या बोल सकते, अपना पार्ट 1 खत्म हो गया है। ओके, फिर सेक्शन वाइज चालू होगा। तो सी, फ्लो चार्ट में हम लोग कहाँ पहुंचे, व्हाट इज कैपिटल एसेट मैंने बता दिया, सब एसेट कैपिटल एसेट है मिसेस जीएस के अलावा। फिर कैपिटल एसेट के होने से कुछ नहीं होता है, उसको ट्रांसफर होना पड़ेगा, मतलब सरकना पड़ेगा। फिर कैपिटल गेंस आता है, फिर वो विद इन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर हुआ तो शॉर्ट टर्म, और 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के ऊपर हुआ तो लॉन्ग टर्म। ऐसे इसमें ऐसा होता है ना, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के ऊपर एक दिन भी गया तो लॉन्ग टर्म। और गिनते कैसे वाले, परचेज डेट टू ट्रांसफर डेट, कट टू कट, डेट टू डेट गिनना होता है, मतलब किस दिन एसेट को खरीदा था वो डेट पकड़ो, डेट, तब से लेके उसको
बेचा खपना नहीं बोलना चाहिए, ट्रांसफर। इस चैप्टर में सेल मत बोलो, ट्रांसफर। ओके, ट्रांसफर एक ब्रॉड टर्म है। तो परचेज डेट से ट्रांसफर डेट मेजर करो, और अगर एग्जैक्ट 1, 2 या 3 ईयर आया तो शॉर्ट, एक दिन भी ऊपर हो गया तो लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म है तो मैंने बोला ना, अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है अपने को। अब देखो कैपिटल गेन्स कंप्यूट कैसे करना है, तो सी उसका फॉर्मेट है। मैंने बताया हम लोग दो चीज पढ़ रहे हैं, व्हेन टू कंप्यूट कैपिटल गेन्स एंड हाउ टू कंप्यूट। तो अभी हाउ टू कंप्यूट का देखो फॉर्मेट क्या है। ये देखो पहले शॉर्ट टर्म का फॉर्मेट देखना, फॉर्मेट कैसे चालू होता। सबसे पहले क्या लिखते हैं, एफ ई ओ सी। व्हाट डू यू मीन बाय एफ ई ओ सी? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। सी इस चैप्टर में अपना एसेट जा रहा है, और अपना एसेट जा रहा है तो बदले में कुछ आ रहा है, तो जो बदले में आता है ना उससे चालू करो। क्योंकि हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जानना ये कि अपने को मिला क्या, कमाया क्या हमने। तो एसेट तो चला गया, लेकिन बदले में जो आया उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। और अगर मैं सेल के एंगल से सोचूं तो सेलिंग प्राइस। सेल करते एसेट जाता तो बदले में क्या आता, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस लिखनी होती इधर। और फुल वैल्यू क्यों बोलते हैं, फुल फुल मतलब ग्रॉस, फुल का मतलब ग्रॉस। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम लोग एसेट बेचते हैं तो बीच में कोई एजेंट होता है, कोई मिडलमैन होता है, उसको दलाली ब्रोकरेज कमीशन देना पड़ता है। तो अपने को तो काट पीट के हाथ में थोड़ा नेट मिलता है ना, तो नेट नहीं, इधर गवर्नमेंट बोलती है ग्रॉस बता। हाँ, तेरा दलाली ब्रोकरेज में कुछ पैसा गया है तो उसको तो अलग से ये देख, ट्रांसफर एक्सपेंस में लेस कर दे। लेकिन शुरुआत में तुमको दिखाना है कि ग्रॉस कितना पैसा मिला है। तो फुल का मतलब होता है ग्रॉस। तो क्या बोलना चाहिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सिंपल लैंग्वेज है, सेलिंग प्राइस ही है बट वो ग्रॉस वाला। फिर ट्रांसफर एक्सपेंस में क्या आ जाएगा, कमीशन ब्रोकरेज वगैरह, मतलब एसेट को बिकवाने में अपना जो भी दलाली ब्रोकरेज लगता है वो लेस कर देंगे। फिर बाद में एनसी का मतलब है नेट कंसिडरेशन, काट पीट के जो नेट आया वो नेट कंसिडरेशन है, मतलब नेट सेल प्राइस है। लेकिन सी अभी भी सेल प्राइस आया ना, सेल प्राइस को कॉस्ट से कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। फिर अभी अपने को कॉस्ट माइनस करना है। सी इधर कॉस्ट दो टाइप के होते हैं, कौवा एंड कौवी। व्हाट डू मीन बाय कौवा? कौवा शॉर्ट फॉर्म है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कौवी का मतलब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो जब मैं कौवा बोलूंगा मतलब समझ जा, कौवा इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ सी ओ ए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कौवी का मतलब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ओके, तो दो तरह की कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो परचेज प्राइस होता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, एसेट खरीदने के बाद उसमें हमने इम्प्रूवमेंट किया होता है। जैसे मान लो मेरा घर था, घर मैंने खरीदा था वो टाइम जो प्राइस पड़ा वो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, लेकिन घर खरीदने के बाद वो दो माले का घर था उस पर तीसरा माला बनाया, दो माले के घर पे तीसरा माला बनाया तो घर का साइज बड़ा हो गया, तो वो इम्प्रूवमेंट हो गया, तो वो भी कॉस्ट में आ जाता है। क्योंकि जब मैं घर बेचूंगा तो पूरा घर बेचूंगा ना इम्प्रूवमेंट के साथ। ओके, तो कॉस्ट दो टाइप की होते, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। लेकिन इंप्रूवमेंट हर एसेट में नहीं आता है, जैसे घर जैसा एसेट है उसमें आ सकता है, लेकिन बाकी हर एसेट में तो इंप्रूवमेंट नहीं होता। जैसे शेयर्स है, डिबेंचर्स है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट करूंगा, उसमें तो जो खरीदा वही कॉस्ट होती है, बाद में इंप्रूवमेंट जैसा तो कुछ होता नहीं है ना। लेकिन लॉ क्या बोलता है, अगर कुछ इंप्रूवमेंट का कॉस्ट है तो वो भी लेस कर दो। ओके, तो फॉर्मेट तैयार हो गया अपना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस नेट कंसिडरेशन। ये पूरा सेल प्राइस ही है, पहले ग्रॉस बाद में नेट कर दिया उसको। फिर माइनस दो कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फिर माइनस करके क्या आएगा, सटक जी। सटक जी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का फॉर्मेट सेम ही है, थोड़ा चेंज क्या है, जिधर मैंने कौवा लिखा था उसके बदले इंडेक्स कौवा, और जिधर मैंने कौवी लिखा था उसके बदले इंडेक्स कौवी। इंडेक्स करना मतलब उसको इन्फ्लेट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म मतलब क्या, बहुत पुराना एसेट है ना। अब इतने पुराने एसेट का कॉस्ट भी बहुत पुराना है, तो पुराने जमाने की कॉस्ट को अपने को नए जमाने में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए अपने इंडेक्स करेंगे। और इंडेक्स कैसे करते हैं, इसका भी फॉर्मूला सुनो, कॉस्ट इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेस। और ये इंडेक्स क्वेश्चन में दिया होगा, अरे इंडेक्स देते ही देखो ऐसा एक इंडेक्स नंबर होता है ना, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बोलते, क्या बोलते उसको, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। और इन्फ्लेशन क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म मतलब एसेट बहुत पुराना है और अभी महंगाई बढ़ गई है, तो महंगाई बढ़ गई तो वो हिसाब से अपने को कॉस्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा महंगे जमाने के हिसाब से। ओके, तो सी क्वेश्चन में अगर कॉस्ट 5 लाख दिया है और अगर वो बहुत पुराना है
लॉन्ग टर्म मतलब पुराना एसेट है ना, तो उतनी पुरानी कॉस्ट को अपने को महंगाई के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए अपने को ये इंडेक्स नंबर यूज करने पड़ते हैं, और क्वेश्चन में इंडेक्स नंबर दिया होगा। ओके, अब देखो ये सब इंडेक्स नंबर तो पता है ना, 2001-2 का इंडेक्स 100 है, मतलब वो बेस ईयर है। एंड फिर इसका मतलब ही क्या होता है, जो चीज़ 100 रुपये में मिलती थी 2001 में, उसका भाव 105 हो गया, फिर उसका भाव 109 हो गया, आज वो चीज़ का भाव क्या है 348। इससे मालूम पड़ता है महंगाई बढ़ रही है। ओके, तो इसकी मदद से अपने को है ना अपना जो कॉस्ट है ना उसको कन्वर्ट करना है इनटू इन्फ्लेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए। जैसे देखो ये मेरे एग्जाम्पल में कॉस्ट मैंने कब इंकर की थी, 2003-4। अब 2003-4 में इंडेक्स नंबर ये था और उस वक्त अपनी कॉस्ट ये थी, तो उसका आज क्या कॉस्ट होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आता है। एंड फिर उसका एक फॉर्मूला ही डेवलप हो गया इधर देखो, और ये फॉर्मूला को मैं बच्चों को ऐसे याद करने को बोलता हूँ, कॉस्ट इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेस। ऊपर ट्रांसफर मतलब जिस ईयर में ट्रांसफर किया वो ईयर का इंडेक्स। जैसे ये देखो इधर ट्रांसफर कब किया है, 23-24, और 23-24 का इंडेक्स क्या है 348, तो मल्टीप्लाई बाय 348 आएगा, दिख रहे हैं, और डिवाइड बाय ईयर ऑफ परचेस, मतलब परचेस कब किया था 2003-4 में, और 3-4 का इंडेक्स क्या है 109, तो नीचे 109 आ जाएगा। तो ऊपर ट्रांसफर वाले ईयर का इंडेक्स, नीचे परचेस वाले ईयर का इंडेक्स, इसलिए पता है इसको गाने की तरह याद करो, कॉस्ट इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज, मतलब ऊपर ट्रांसफर वाले ईयर का इंडेक्स और नीचे परचेज वाले ईयर का इंडेक्स, और ये इंडेक्स अपने को क्वेश्चन में देना ही पड़ेगा, दिए बिगर अपने को थोड़ी एक्सपेक्ट करेंगे। तुम लोग को हर साल के इंडेक्स याद आने चाहिए, ये बहुत सारे इंडेक्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 2001-2 से लेके 23-24 तक, हर साल का अलग इंडेक्स है वो इन लोग देंगे, और इन लोग क्या फालतू में एक्स्ट्रा इंडेक्स भी दे देते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। जैसे इधर मुझे खाली 348 और 109 का जरूरत था ना, तो इन लोग एक्स्ट्रा भी इंडेक्स दे देते हैं, लेकिन अपने को एकदम कन्फर्म रहना चाहिए कि फालतू इंडेक्स पे ध्यान मत दो, अपना गाना गा के याद रखो ना, कॉस्ट इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर वाले ईयर का आएगा, नीचे परचेज वाला ईयर। तो ये हो गया इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन। तो सी ईयर, ये तो इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन था ना, अब बाद में कॉस्ट इंप्रूवमेंट भी तो होता है, उसका भी इंडेक्सेशन करना पड़ता है, उसके लिए भी फॉर्मूला है, और उसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे इंप्रूवमेंट। फर्क इतना है खाली, इधर नीचे ईयर ऑफ परचेस को बेस लिया था ना, क्योंकि एक्विजिशन मतलब परचेस, और इधर इंप्रूवमेंट है तो नीचे ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा। तो जैसे इस समय ऐसा बोला होगा कि 2005-06 में हमने दो माले के घर पे एक तीसरा माला चढ़ा दिया, अब तीसरा माला चढ़ा दिया मतलब इंप्रूवमेंट आया ना, लेकिन वो कब आया 2005-06 में, तो 2005-06 का इंडेक्स नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, मतलब फिर कैसे हो जाएगा, कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ये वाले ईयर का इंडेक्स, नीचे ये वाले ईयर का इंडेक्स आएगा। इससे पता है लोग गलती क्या करते हैं, हमेशा न्यूमरेटर में 348 लिख देते हैं, 348 अपना लेटेस्ट इंडेक्स है, और लोग क्या अंधाधुन ऊपर 348 लिख देते, लेकिन ऐसा मत करना, हमेशा ये गाने के हिसाब से आना, कॉस्ट इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज ना, तो ऊपर ट्रांसफर मतलब ईयर ऑफ ट्रांसफर चेक करना, 99% क्या होगा, ईयर ऑफ ट्रांसफर 23-24 होगा, तो अपना 348 सेट हो जाएगा। लेकिन कोई कोई समय ऐसा होता है ना कि ट्रांसफर इन लोग का 23-24 में नहीं, कोई अलग ही ईयर में होता है, तो अपने से धोखा हो जाता है, अपने क्या इतने सम सॉल्व करके 348 न्यूमरेटर में लेने की आदत सही हो जाती है। लेकिन बी केयरफुल, अंधाधुन न्यूमरेटर में 348 मत लेना, कितने लोग ने तो यही रटा होता है कि जो भी कॉस्ट दिया होगा मल्टीप्लाई बाय 348 कर देंगे, ऐसा नहीं है, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज, मतलब मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ट्रांसफर वाले ईयर का इंडेक्स, और ट्रांसफर वाला ईयर क्वेश्चन में चेक करना, भले 99% सम में 23-24 ही होगा, लेकिन 1% सम में कोई अलग ईयर आ गया ना, तो बोल के नहीं आएगा, अचानक आ जाएगा, उस वक्त धोखा नहीं होना चाहिए। ओके, ये देखो क्या बात चल रही है, देखो मैं तुमको एक फॉर्मेट बता रहा था, तो पहले शॉर्ट टर्म का फॉर्मेट बताया, फिर लॉन्ग टर्म का बता रहा था, और लॉन्ग टर्म में चेंज क्या था, जिधर हम लोग कौवा और कौवी को डायरेक्टली माइनस करते, इधर डायरेक्ट माइनस करना है कि इंडेक्स करके,
इंडेक्स करके, और इंडेक्स का मैंने दो गाना बता दिया है, एक था कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेस, दूसरा था कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स ऊपर ट्रांसफर नीचे इंप्रूवमेंट। ओके फिर सुनो, ये इंडेक्स भी है ना, इंडेक्स के लिए मैंने क्या बोला, ये ऐसा नंबर गवर्नमेंट सॉरी ऐसा नंबर क्वेश्चन में दिया होगा ना, लेकिन है ना ये सब इंडेक्स गवर्नमेंट ने 2012 से चालू करके दिया है। ऑल दिस इंडेक्स गवर्नमेंट ने जो दिया है ना वो कब से दिया है, 2012, मतलब गवर्नमेंट ने 2012 को बेस ईयर पकड़ा है, कि मतलब इस ईयर को बेस रखते हुए महंगाई किस तरह से बढ़ रही है उसका इंडिकेटर है। मतलब जो चीज़ 100 में मिलती थी 2012 में, उसका आज भाव 348 हुआ है, मतलब 2012 को बेस पकड़ा है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में 2012 के पहले का ट्रांजेक्शन हुआ तो, अरे 2012 का है और उसके बाद का है तो अपने पास इंडेक्स नंबर है भी, लेकिन 2012 के पहले का हुआ तो क्या करना चाहिए। तो सी अगला पॉइंट क्या है, अगर परचेस 1/4/2001 के पहले हुआ तो क्या करेंगे। जैसे ये देखो इस सब में क्या है, 96-97 में परचेस किया था, देखते हो जो दिखाता हूँ, 96-97 में परचेस किया था, और 96-97 का तो इंडेक्स है ही नहीं, गवर्नमेंट ने इंडेक्स कब से दिए, 2012 से, लेकिन मैंने तो 96-97 में परचेस किया था, और अभी मैंने गाना कैसे गाया था, कॉस्ट इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेस, लेकिन नीचे परचेस वाला ईयर तो 96 है, उसका तो इंडेक्स ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अपने को 100 से काम चलाना चाहिए, क्योंकि अपने पास पुराने से पुराना इंडेक्स कौन सा है, 100, तो 100 से काम चलाएंगे। तो देखो इधर मैंने नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 100 चाहिए था मुझे 96-97 का इंडेक्स, लेकिन नहीं था तो किससे काम चलाया, 100 से, तो 100 आ गया। लेकिन सी चूंकि हम 100 वाला इंडेक्स ले रहे 1-2 वाले ईयर से, तो अपने को उस ईयर का मार्केट वैल्यू लेने का, फिर एक्चुअली तो मेरी कॉस्ट मैंने 96 में इंकर की थी ना, लेकिन 96 में कॉस्ट इंकर किया था, लेकिन इंडेक्स तो नहीं है ना, तो अपने को इंडेक्स तो 2012 का लेना पड़ रहा है ना, तो अपने कॉस्ट भी 2012 का लेंगे। मतलब क्वेश्चन में ऐसा फेयर मार्केट वैल्यू दिया होगा, ऐसा बताएंगे 2012 में अगर वो एसेट खरीदा होता तो ये भाव में पड़ता, उसका मार्केट वैल्यू देंगे, उसी को कॉस्ट मान लेंगे, जबकि मेरी असल में कॉस्ट है ये वाली 96 वाली, लेकिन उस वक्त का इंडेक्स नहीं है, तो अपने इंडेक्स 2012 का लेते हैं, तो कॉस्ट भी 2012 का लेंगे। लेकिन सी ये मार्केट वैल्यू से मेरी एक्चुअल कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लेंगे, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, मार्केट वैल्यू ले लो, लेकिन अगर तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट और ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला ले लो, क्योंकि किसी का एक्चुअल कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा माइनस करने की इच्छा रखेगा ना, क्योंकि अपने माइनस करेंगे तो डिडक्शन मिलता है, टैक्स बचता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि मार्केट वैल्यू ले लो, और यूजुअली क्या मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या है 96-97 तो पुराना ज़माना हो गया ना, और मार्केट वैल्यू तो हम लोग 2001 की ले रहे हैं, और जैसे ज़माना बढ़ता है चीज़ें महंगी होती है, तो हमेशा यही अमाउंट ज़्यादा होगा, लेकिन बाई चांस अपना ओरिजिनल कॉस्ट ज़्यादा है तो वो ले लो। तो सी इसका एक फॉर्मूला है, एक्चुअल कॉस्ट और FMV एज ऑन 1/4/2001 विचर इज हायर, ये कब करोगे बताओ, ऐसा अगर परचेज 1/4/2001 के पहले हुई तो, क्योंकि सी 2001 के बाद परचेज हुआ ना तो अपने पास हर साल का इंडेक्स है ना। सी प्रॉब्लम क्या है कि इंडेक्स नहीं होता पुराने सालों का, तब क्या करते, एक तो इंडेक्स पुराने साल का नहीं तो 100 से काम चला लिया, और कॉस्ट में एक्चुअल कॉस्ट और FMV एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर करेंगे। लेकिन सी इसमें भी रूल है, ये FMV किस दिन का लेते हम लोग, 1/4/2001 का ना, लेकिन अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो देखो ऐसा करना पड़ता है, FMV और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विचर इज लोअर लेना पड़ता है, किस दिन का, 1 अप्रैल 2001 का FMV, 1 अप्रैल 2001 का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, दोनों में से जो लोअर है वो लेंगे, कहाँ पर, ये वाले में, फिर उसकी टक्कर एक्चुअल कॉस्ट से तो करनी पड़ेगी, फिर बाद में इन दोनों में से विचर इज हायर करना पड़ेगा। ओके लेकिन सी ये सब मगजमारी कब होगा, वेन एवर परचेज इज बिफोर 1/4/2001। ओके
सी अपने एग्जाम्पल सेल तो 23-24 में होगा ना, ये परचेज का बात हो रहा है। तो सी ये पॉइंट है ना, कितने लोगों को पता ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों 99% सम में क्या है, अपने एफएमवी ले लेके सॉल्व करते आते हैं, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी का सम वाना खास करके ध्यान देना, इन लोग दो फिगर देंगे, एफएमवी भी देंगे, एचडीवी भी देंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वो भी किस दिन की, 1 अप्रैल 2001 की। उन दोनों में से अपने को लोअर वाला फिगर पकड़ना है, फिर वो कंपेयर विद एक्चुअल कॉस्ट विच इज हायर। बट सी ये क्या था, परचेज बिफोर 1/4/2001। अगर इम्प्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 हुआ ना इम्प्रूवमेंट, तो इसको इग्नोर कर दो। 2001 के पहले कुछ इम्प्रूवमेंट किया है तो उसको इग्नोर करना। मतलब 2001 के पहले मैंने एक घर के ऊपर तीसरा माला बनाया था, चौथा माला बनाया था, फ्लोर बनाया था, तो कुछ भी इम्प्रूवमेंट तुमने 2001 के पहले का क्या, इग्नोर कर दो, क्योंकि हम लोग वैसे भी 2001 की मार्केट वैल्यू ले रहे हैं ना, और 2001 की मार्केट, अरे 2001 की मार्केट वैल्यू ले रहे हैं ना, अब 2001 की मार्केट वैल्यू तो अपडेटेड है पूरी, और अपडेटेड मार्केट वैल्यू ले रहे हैं तो उसके पहले का इम्प्रूवमेंट भी इग्नोर कर दो। तो क्वेश्चन में कभी भी है ना, ये देखो इम्प्रूवमेंट दिया और उसकी डेट 1/4/2001 के पहले की, तो इग्नोर कर दो। ओके, ये देखो नोट 7 दिख रहा है ना, एक्चुअली तुमने नोटिस नहीं किया, मैंने बातों में तुमको 7 पॉइंट पढ़ा है, ये बताता हूँ, गिन के याद रखो तो समाप्त हो जाएगा बराबर। ये देखो ये जो पार्ट वन चल रहा है ना अपना, पार्ट वन, इसके अंदर टोटल 7 पॉइंट मैंने पढ़ाए थे। पहला, व्हाट इज अ कैपिटल असेट, तो आंसर क्या है, मिसेस जीएस के अलावा सब कैपिटल असेट है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा, ट्रांसफर मतलब क्या, तो ट्रांसफर मतलब खाली सेल होना चाहिए ऐसा नहीं है, देर आर 6 ट्रांजेक्शन जिसको बोलते हैं ट्रांसफर, और उसका कीवर्ड था सरक टू, दो, ये सेकेंड पॉइंट था, दो नोट हुई। तीसरी नोट थी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे डिसाइड करते, तो कभी 1 ईयर से, कभी 2 ईयर से, कभी 3 ईयर से, ये तीसरी नोट थी। चौथी नोट थी इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकालते, तो उसका मैंने गाना बताया था, कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज। फिर पांचवी नोट थी इंडेक्स कॉस्ट और इम्प्रूवमेंट कैसे आता है, तो उसका भी गाना था, कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे इम्प्रूवमेंट। फिर छठी नोट थी कि परचेज 2001 के पहले का हुआ तो क्या करेंगे, क्योंकि उस साल का इंडेक्स नहीं है, तो क्या करेंगे, जितने में भी खरीदा था एक्चुअल कॉस्ट या एफएमवी विच इज हायर को कॉस्ट मानेंगे, अगर परचेज 2001 के पहले का हुआ तो, और अगर इम्प्रूवमेंट 2001 के पहले का तो इग्नोर ही कर दो। तो ये 7वां पॉइंट था। इस तरह से अपना ये कैपिटल गेंस का बेसिक्स खत्म हो गया। अब इस बेसिक्स के बेसिस पे ना अपने को आगे चैप्टर को बढ़ाना है। अब आगे चैप्टर कैसे बढ़ेगा, सेक्शन वाइज आएगा। अब सेक्शन वाइज में सबसे पहला सेक्शन क्या है, 45(1), ये देखो मैंने क्या किया, इधर सारे सेक्शन जो अपने सिलेबस में इधर लिख दिए, एक बार ही खाली आगे बढ़ने के लिए, एक सुनो ना, मैंने जो तुमको बेसिक्स बताया ना उसके बेसिस पे ये देखो सम कैसे सॉल्व करना चाहिए। खाली मैं तुमको सम का हुलिया बताना चाहता हूँ, प्रेजेंटेशन सॉल्व तो नहीं करने बैठ सकते, लेकिन तुमको प्रेजेंटेशन बताना है। पहले ऐसे हेडिंग लिखने का, कंप्यूटेशन और कैपिटल गेंस, कैपिटल लेटर्स में लिख दो कंप्यूटेशन और कैपिटल गेंस। और भले हम लोग सेलिंग प्राइस से शुरू करते लेकिन कभी भी सेल प्राइस मत लिखना, क्या लिखोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ऐसा प्रॉपर लिखना। हाँ, ब्रैकेट में लिख देना सेल प्राइस। फिर लेस ट्रांसफर एक्सपेंस, में कुछ ब्रोकरेज वगैरह दिया है तो लिखो ट्रांसफर एक्सपेंस, फिर ब्रैकेट में लिख देना ब्रोकरेज कमीशन, फिर नेट कंसिडरेशन आ गया। एंड फिर उसके बाद लेस, हाँ सुनो, नेट कंसिडरेशन की बात है ना, मन में ख्याल आना चाहिए क्या ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाला सम हुआ ना तो हम लोग इंडेक्स विंडेक्स नहीं करेंगे, जो कॉस्ट है वो ही लिख लेंगे, और इम्प्रूवमेंट में भी जो कॉस्ट है वो लिख लेंगे, इंडेक्स नहीं करेंगे अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो, मतलब वो चेक करना पड़ता है इस वक्त, और अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कौवा, इंडेक्स कौवी। एंड फिर उसका वर्किंग नोट बनाने का जरूरत नहीं है, इधर ही प्रेजेंटेशन बता देना चाहिए। और सी इधर मैंने ऐसा विचर इज हायर क्यों किया हूं मैं, क्योंकि ये जो सम है ना, मैंने सम नहीं दिखाया तुमको, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना इस सम में परचेज 94-95 का देखो। अब 94-95 का परचेज मतलब 1/4/2001 के पहले का है, तो मैंने इधर प्रेजेंटेशन कैसा किया, देखो 20,000 क्या हो गया मैं एक्चुअल कॉस्ट, और 110,000 क्या है एफएमवी एज ऑन 1/4/2001, उन दोनों में से विचर इज हायर लेना है। तो ये देखो विचर इज हायर का मैंने सिंबल बनाया है, दिख रहा है एरो बनाया ऊपर,
एंड फिर जो हायर होगा ना उसको बॉक्स में डाल दो एंड फिर इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज, और ऐसे बाजू में लिख देना चाहिए ट्रांसफर वाला ईयर है और ये परचेज वाला ईयर है, और हो सके तो ईयर भी लिख दो तो अच्छा रहेगा अपने लिए कि ये ट्रांसफर कब हुआ था 23-24, वो क्वेश्चन में देखना पड़ता है। और परचेज 94-95 का है लेकिन इंडेक्स 94-95 का नहीं है तो 2001-2, खैर इतना ईयर डिटेल में नहीं लिखा चलता है, मेन तो अपने को नंबर बड़ा सिलेक्ट करना है, बट फिर भी ये बाजू में डिटेल्स लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसका फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स ऊपर ट्रांसफर नीचे इंप्रूवमेंट, तो ऐसा बाजू में लिख देना चाहिए। सी ये लिख देते हैं ना तो अपना क्या कभी सिली मिस्टेक नहीं होती है, और इस तरह से ईयर लिख के करोगे तो राइट जाएगा, क्योंकि सी कैपिटल गेंस में इतना सा ही फॉर्मेट है फिर भी लोगों के लफड़े कहाँ होते हैं इंडेक्स में, तभी तो मैंने समय दिखा दिया, अरे यही फॉर्मेट इसके बाहर कुछ है ही नहीं चैप्टर में, इतना ही फॉर्मेट है, लेकिन फिर भी सब गड़बड़ कहाँ होती है इंडेक्स सिलेक्ट करने में। इससे सी इंडेक्स का ये जो इलाका है ना एकदम नीटली केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि सी ये किसी का रॉन्ग नहीं आएगा, ये किसी का रॉन्ग नहीं जाएगा, ये भी सब राइट जाएगा, सब गड़बड़ ये इंडेक्स में होने वाला है। तो वही चीज़ मैं तुमको दिखाना चाह रहा था कि सिस्टमेटिकली ऐसे प्रेजेंट करो, है ना, इधर लिखो ट्रांसफर, इधर परचेज, और इम्प्रूवमेंट में ट्रांसफर इम्प्रूवमेंट, और ईयर भी लिख दो। मैं तो बोल रहा हूँ ईयर अगर लिखने का रहेगा तो अपने सिली मिस्टेक अवॉइड हो जाएगी। ओके, ये हो गया। फिर अब देखो सेक्शन वाइज पढ़ना है ना अपने को, अपने सिलेबस में इतने सेक्शंस है, ये सेक्शन अपने को कवर करने हैं। तो पहला सेक्शन क्या लाइन में, पहला सेक्शन है सेक्शन 45(1). सी 45(1) में अपने को क्या पढ़ना है, बेसिस ऑफ चार्ज एंड ईयर ऑफ चार्ज, मतलब बेसिस मतलब ऑन व्हाट बेसिस गवर्नमेंट टैक्स मारेगी। तो उसके लिए तो मैंने बता ही दिया था, कभी भी तुम्हारे पास कैपिटल असेट है एंड फिर अगर तुम उसको ट्रांसफर करोगे तो डैट इज द बेसिस टू चार्ज यू। बोलते ना बेसिस क्या है चार्ज करने का, तो बेसिस गवर्नमेंट बोलती है तुम्हारे पास कैपिटल असेट है ना भाई, आपने उसको ट्रांसफर किया ना तो कैपिटल गेन आया ना, सो डैट इज द बेसिस टू चार्ज यू। तो सीधे तो बेसिस ऑफ चार्ज हुआ, लेकिन ईयर ऑफ चार्ज भी पढ़ना है, मतलब किस ईयर में गवर्नमेंट टैक्स मारेगी। तो सी उसका एक रूल है, जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ ना उस ईयर में ही टैक्स आता है, मतलब गवर्नमेंट क्या बोलती है, तेरे को पैसे कब मिले वो हम नहीं देखेंगे, एक बार तेरा एसेट चला गया ट्रांसफर हो गया तेरे को तुरंत टैक्स भरना है। कोई बोले एसेट चला गया तो क्या पैसा तो मिला ही नहीं है, अभी तक सेल प्राइस आउटस्टैंडिंग है, तो सी पैसा नहीं मिला तेरी प्रॉब्लम है, तेरे को कोई पैसों के लिए रखड़ा रहा है तू रखड़, हम लोग क्यों रखड़े, हमको तो एसेट के ट्रांसफर होते ही तुरंत टैक्स चाहिए, मतलब टैक्स इज ऑन अक्रूअल बेसिस के रिसीट बेसिस, अक्रूअल बेसिस मतलब एसेट का ट्रांसफर होते ही तुरंत टैक्स भर दो, पैसे मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो वेट कर, हम नहीं वेट करेंगे, हमको तो एसेट का ट्रांसफर होते ही टैक्स चाहिए। तो सी ये दिमाग में छाप लो अच्छी तरह से, ईयर ऑफ टैक्स इज द ईयर ऑफ ट्रांसफर। लेकिन सी इसमें चार एक्सेप्शन है, चार केस में क्या होता है, टैक्स रिसीट बेसिस पे आएगा, सीसीडीजे नाम के चार एक्सेप्शन है, इसमें टैक्स आता है रिसीट बेसिस पे, मतलब इधर अपना एसेट ट्रांसफर भी हो गया ना टैक्स तुरंत नहीं आएगा, जब हाथ में रोकड़ा आएगा ना तब टैक्स भरना पड़ता है। तो ऐसा कब होता है, सीसीडीजे में। सी रेगुलर लेक्चर में तो क्या है, मैं सीसीडीजे का फुल फॉर्म इस वक्त बताता नहीं हूँ, लेकिन बिकॉज ये रिवीजन लेक्चर है तुमको थोड़ा आइडिया पहले से है, तो सीसीडीजे का फुल फॉर्म सुन लो, अभी बता देता हूँ। एक सी है कंपल्सरी एक्विजिशन, मीन्स गवर्नमेंट अगर अपना प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर करती है तो उसका टैक्स रिसीट बेसिस पे आता है। फिर दूसरा सी कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इधर भी रिसीट बेसिस पे टैक्स आता है, ये सब मैं पढ़ाने वाला हूँ आगे, खाली बता के रख रहा हूँ खाली अभी। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट, इधर भी टैक्स कब आता है, रिसीट बेसिस पे। फिर एक होता है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ये सब आगे डिस्कशन में आएगा, लेकिन अभी से याद करके रख लो, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इन स्टॉक इन ट्रेड, फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ये सब में टैक्स आएगा एक्चुअल रिसीट बेसिस पे। लेकिन बाकी सब में क्या होगा, जब ट्रांसफर किया तभी टैक्स आ जाता है ऑन अक्रूअल बेसिस। तो सेक्शन 45(1) हो गया। फिर देखो अगला सेक्शन क्या, 45(1) है डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट। पता है कैपिटल असेट डिस्ट्रॉय होता है ना और उसमें इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, अरे इमेजिन मेरा कैपिटल असेट जल के राख हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है एसेट के डिस्ट्रक्शन पे, तो एक्चुअली उस पर कैपिटल गेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि सी कैपिटल गेंस की कंडीशन क्या है,
कैपिटल असेट होना चाहिए, फिर ट्रांसफर होना चाहिए, तो कैपिटल गेंस आता है। और एक्चुअली डिस्ट्रक्शन इज नॉट अ ट्रांसफर, क्यों, एसेट तो डिस्ट्रॉय हो गया ना। सी ट्रांसफर मतलब क्या है, एसेट जिंदा रहना चाहिए, खाली उसका ओनर बदलना चाहिए। ट्रांसफर का एक्चुअल मतलब क्या है, चेंज इन ओनरशिप, अपनी चीज पराई हो जानी चाहिए, लेकिन वो चीज तो जिंदा रहनी चाहिए। लेकिन वो चीज ही जल के राख हो गई तो वो ना अपनी रही ना किसी और की रही, तो उसको ट्रांसफर ही नहीं बोलते। तो टेक्निकली स्पीकिंग डिस्ट्रक्शन में एसेट ही जल के राख हो चुका है अगर, तो उसको ट्रांसफर बोल ही नहीं सकते। और ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का कंडीशन क्या, ट्रांसफर हुआ तो ही कैपिटल गेंस आता है, देन ओनली गवर्नमेंट एज अ बेसिस टू चार्ज यू। ये देखो बेसिस ऑफ चार्ज था ना, तो ट्रांसफर होता है देन ओनली गवर्नमेंट एज अ बेसिस टू चार्ज यू, लेकिन डिस्ट्रक्शन इज नॉट अ ट्रांसफर, तो गवर्नमेंट डज नॉट हैव द बेसिस टू चार्ज यू। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने डिस्ट्रक्शन को एक्सेप्शन बना के रखा है। गवर्नमेंट बोलते हैं हाँ पता है डिस्ट्रक्शन ट्रांसफर नहीं है, उसमें कैपिटल गेंस नहीं आना चाहिए, लेकिन हम उसमें भी कैपिटल गेंस कंप्यूट करवाएंगे, एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हमने नोटिस किया है कि एसेट के डिस्ट्रॉय होने पे इंश्योरेंस कंपनी से अच्छा खासा क्लेम मिलता है, लोग बाग उसमें भी कमा लेते हैं, और जहाँ कमाने का पॉसिबिलिटी है तो हमको टैक्स का भी पॉसिबिलिटी दिखता है, तो हम तो टैक्स मारेंगे। माना कि टेक्निकली वो ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेंस नहीं आना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन बना के रखा है। देखो लुक कि डिस्ट्रक्शन भले ही वो ट्रांसफर नहीं है, लेकिन उसमें हमको कैपिटल गेन का टैक्स चाहिए। और पता है इसका कैपिटल गेन्स कैसे आएगा, जल्दी देखना फॉर्मेट, देखो मैंने लिखा है डिस्ट्रक्शन में क्या है, सेलिंग प्राइस तो नहीं हो सकती ना। सी अगर बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस से शुरू करते हैं, लेकिन इधर मैंने किससे शुरू किया, इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि एसेट डिस्ट्रॉय होने पर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है। तो इसका फुल फॉर्म बोलो, कोई ढंग से फुल फॉर्म भी नहीं बोलता इसका, FVOC क्या होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इधर आ जाएगा इंश्योरेंस क्लेम, फिर बाकी सब नॉर्मल है, ट्रांसफर एक्सपेंस है, नेट कंसिडरेशन, फिर शॉर्ट टर्म है तो कौवा, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कौवा, फिर शॉर्ट टर्म है तो कौवी, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कौवी, फिर आंसर सटक जी लटक जी एज यूजल। खाली सेलिंग प्राइस के बोले इंश्योरेंस क्लेम से चालू होगा, लेकिन सी इसमें भी रूल है, अगर नरफे डिस्ट्रक्शन हुआ तो ही, नरफे डिस्ट्रक्शन में ही कैपिटल गेंस आता है। नरफे का फुल फॉर्म क्या अनुमें, नेचुरल कलेमिटीज, अर्थक्वेक सुनामी वगैरह आता है ना, वो नेचुरल कलेमिटीज, फिर रायट्स दंगा फसाद होता है, फिर फायर, एफ फॉर फायर, ई फॉर एनिमी अटैक, टेररिस्ट लोग ताज होटल में आके कैसे कब्जा कर दिए थे, तो टेररिस्ट का कभी अटैक होता है, कोई दूसरी कंट्री से वॉर होता है तो एनिमी अटैक होता है, तो क्या क्या था नरफे में बताओ, नेचुरल कैलामिटीज, रायट्स, फायर एक्सप्लोजन और एनिमी अटैक। खाली ऐसे डिस्ट्रक्शन हुए ना जो एकदम जेन्यून है, ऐसे जेन्यून डिस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट बोलती है कैलकुलेशन हो गए, बाकी डिस्ट्रक्शन में क्या है, कोई झूठ भी बोल सकता है ना, और झूठ बोल के कोई झूठ मोड़ का लॉस बता देवे तो बोलेगा हमारा एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम भी नहीं मिला, हमारा नुकसान हो गया, झूठा मोटा लॉस बता सकते हैं। लेकिन ये वाले डिस्ट्रक्शन में झूठ बोलना पॉसिबल नहीं है, इससे गवर्नमेंट ने बोला नरफे डिस्ट्रक्शन में कैलकुलेशन होगी, और कैलकुलेशन में प्रॉफिट आया तो टैक्स भरो, लॉस आया तो सेट ऑफ कर लो, मतलब इधर लॉस आया तो लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, और प्रॉफिट आया तो टैक्स भर दो, और खाली ऐसे में ही करना है, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन गवर्नमेंट बिलीव कर सकती है। क्या कहता, नेचुरल कैलामिटीज, रायट, फायर और एनिमी अटैक। और पता है इसका टैक्स कब आता है, रिसीट बेसिस पे, CCDJ था ना, मतलब अगर एसेट डिस्ट्रॉय हो गया ना, एक्चुअली तो टैक्स तुरंत आना चाहिए, लेकिन डिस्ट्रॉय होते ही तुरंत नहीं आता है, जब इंश्योरेंस कंपनी से रोकड़ा आता है ना तभी टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, लेकिन अदर डिस्ट्रक्शन हुए तो नरफे के अलावा, अदर डिस्ट्रक्शन में कैपिटल गेंस कंप्यूट ही नहीं होता है, खाली नरफे डिस्ट्रक्शन में कंप्यूटेशन करने का। अदर डिस्ट्रक्शन का क्वेश्चन माहौल बना है ना, एक नोट लिख के आ जाओ कि कैपिटल गेंस विल नॉट बी कंप्यूटेड बिकॉज डिस्ट्रक्शन इज नॉट अकाउंट नॉट ऑन अकाउंट ऑफ नरफे, तो कैपिटल गेंस कंप्यूट नहीं होगा, नोट लिख के आ जाना चाहिए। ओके, तो ये 45(1)(a) हो गया, लेकिन सी इधर लफड़ा क्या होगा ना, ये देखो मैं कुछ बता रहा हूँ देखना। अगर मैंने एक एसेट 2002-03 में खरीदा था, फिर 2018-19 में डिस्ट्रॉय हो गया,
और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला 23-24 में, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला तो टैक्स कभी आएगा? इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कभी मिला है? 23-24 ना, तो टैक्स तो तभी आएगा। लेकिन इंडेक्स कैसे करेंगे? लॉन्ग टर्म है ना। अरे लॉन्ग टर्म है कि नहीं? लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कब मिला मत देखो, एसेट की उम्र देखो। एसेट की उम्र इतनी सी थी, 2002-03 में परचेज हुआ था एंड फिर 18-19 में तो डिस्ट्रॉय भी हो गया। अब पैसा लेट मिला लेकिन उससे थोड़ी एसेट का उम्र बढ़ जाएगा। शॉर्ट और लॉन्ग तो एसेट का उम्र है, और एसेट तो डिस्ट्रॉय होते उसकी उम्र खत्म ना। तो शॉर्ट है कि लॉन्ग है? 2002-03 से लेके 18-19 तो ये लॉन्ग टर्म है। ओके, तो इंडेक्स कैसे करते? कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज, तो ऊपर 18-19 का इंडेक्स आएगा डिस्ट्रक्शन वाला ईयर, और नीचे परचेज वाला ईयर। लोग क्या करते, इंडेक्स भी रिसीट वाले ईयर का ले लेते। सी, टैक्स बढ़ने के लिए गवर्नमेंट ने बोला रिसीट बेसिस पे भरो, लेकिन वो टैक्स बढ़ने के लिए, इंडेक्सेशन का गाना अपना अटल है। अपना इंडेक्स का गाना कैसे गाया था मैंने? कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज। तो ऊपर तो जैसे ही ट्रांसफर हो गया उस ईयर का आता है, और इधर ट्रांसफर मतलब डिस्ट्रॉय होते ही ट्रांसफर हो गया, तो डिस्ट्रक्शन ईयर ऊपर आएगा। सी, ये जो सीसीडीजे मैंने बताया ना, ये सीसीडीजे में ना हमेशा बच्चों की गड़बड़ होती है। क्यों मालूम है? क्योंकि सीसीडीजे वाले सम्स में ना टैक्स आता है रिसीट बेसिस पे, लेकिन इंडेक्स रिसीट बेसिस पे नहीं आता, ट्रांसफर बेसिस पे आता है। अरे ट्रांसफर बेसिस मतलब न्यूमरेटर में जो इंडेक्स आता है ना वो ट्रांसफर वाले ईयर का आता है। सी, सीसीडीजे में क्यों वॉर्न कर रहा हूं? क्योंकि सी, बाकी नॉर्मल केस में तो क्या है, जिस ईयर में ट्रांसफर होता है वो ईयर में टैक्स आता है ना, तो इंडेक्स भी हम लोग ट्रांसफर वाले ईयर का लेते और टैक्स भी हम लोग ट्रांसफर वाले ईयर में भरते, तो गड़बड़ नहीं होती है। लेकिन सीसीडीजे में क्या है, टैक्स ट्रांसफर वाले ईयर में नहीं है ना, रिसीट वाले ईयर में, लेकिन वो टैक्स के लिए ही खाली रिसीट वाला ईयर है। इंडेक्सेशन में रिसीट वाले ईयर का इंडेक्स मत लेना। इंडेक्स कैसे करना है, ऊपर ट्रांसफर वाला ईयर नीचे परचेज वाला। तो टेल मी, ये वाले केस में क्या होना चाहिए? मैंने बताया था ना 2002-03 में एसेट परचेज किया था और 2018-19 में एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, तो इंडेक्स कैसे करेंगे? ऊपर 18-19 नीचे 2-3 का, और पैसा भले 2023-24 में मिला है तो ठीक है, टैक्स 23-24 में भरेंगे, लेकिन इंडेक्सेशन परचेज और ट्रांसफर डेट की मदद से होता है। ओके, तो ये केयरफुल रहना, और खास करके सीसीडीजे के सब में इंडेक्स का लफड़ा होता ही है। ओके, फिर ये 45(1)(a) हो गया। फिर अगला देखो सेक्शन, सेक्शन 45(2), दिस इज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मीन्स एक कैपिटल एसेट था, उसको हमने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो सुनो, मेरे एग्जांपल से 2 मिनट में खत्म हो जाए। ये देखो ना, स्क्रीन पर मत देखना, मेरा एग्जांपल फील करो। मान लो मैंने कुछ है ना, ये दो ज्वेलरी है, कुछ ज्वेलरी परचेस किया था एक इन्वेस्टमेंट के मोटिव से, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा था, तो मैंने क्या कर सोचा, चलो सोना चांदी गहने खरीद लेता हूँ, क्योंकि ज्वेलरी का भाव बढ़ता है ना, तो मैंने ज्वेलरी परचेस किया इन्वेस्टमेंट के इरादे से, और उसको मैंने अपने घर में तिजोरी में रखा था एंड फिर घर में पड़ी थी ज्वेलरी। फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने ज्वेलरी का शॉप चालू कर दिया, ज्वेलरी का दुकान ही चालू कर दिया, और दुकान का नाम रख दिया प्राइम ज्वेल्स। अब ज्वेलरी की शॉप खोला ना, तो मैंने क्या सोचा, यार मेरे घर पे भी जेवर पड़े हैं, उसको भी घर पे संभाल के क्या करूँगा, उसको भी बेच देता हूँ। तो घर वाले जेवर को मैं दुकान में लेके आ गया, घर वाले जेवर को मैं दुकान में लाया, मतलब पता है क्या हो गया, घर में पड़े पड़े जेवरों को लोग बोलते थे कैपिटल एसेट, और जैसे ही दुकान में आ गया स्टॉक इन ट्रेड बन गया। और मैं दुकान में क्यों लाया, क्योंकि मुझे बेचने का मन होगा। सी, अगर मेरे घर वाले जेवरों को मुझे बेचने का मन नहीं होता तो घर में जो जेवर पड़े घर में ही रहने देता। लेकिन हो सकता है मैंने सोचा अब तो मेरी जेवरों की दुकान है, अब तो मैं जेवरों में रोज खेलूंगा, तो मुझे जो घर में जेवर पड़े उसको कोई संभालने का शौक नहीं है, चलो उसको दुकान में रख देते। और दुकान में रखा मतलब वो कैपिटल से स्टॉक में कन्वर्ट हो गया। फील करो, कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। और मेरे एग्जांपल है ज्वेलरी वाज अ कैपिटल एसेट अप टिल
द टाइम वेन इट वॉज एट माई होम, बट जैसे घर से मैं उसको दुकान में लाया, दुकान में तो पड़ा हुआ सब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। फिर उसको मैंने बेचा, दुकान में लाया क्यों, तो बेचने के इरादे से फिर उसको बेचा, तब इसमें कैपिटल गेन्स थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब इंटरेस्टिंग क्या होता है बताता हूँ, लेकिन पहले ये देखो, ये तीन केस देखो, फिर ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ये देखना, कभी भी हम लोग कैपिटल असेट बेचते हैं तो कैपिटल गेन्स आता है ना, हाँ बोल, और गुड्स बेचते तो क्या आता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। लेकिन मेरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, मैंने कैपिटल असेट बेचा कि गुड्स बेचा, कि कैपिटल असेट को गुड्स में कन्वर्ट करके बेचा, कैपिटल असेट को गुड्स में कन्वर्ट करके बेचा। मेरे जेवर तो कैपिटल असेट थे, घर में पड़े थे, फिर उसको गुड्स में कन्वर्ट करके फिर बेचा। तो ऐसे में ना इनकम पार्टली कैपिटल गेन, पार्टली इनकम फ्रॉम बिजनेस होती है। तो सी, ये तीन इक्वेशन से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई चीज़ शुरुआत से ही कैपिटल असेट है और उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन, और कोई चीज़ शुरुआत से ही गुड्स है उसको बेचा तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, लेकिन कोई चीज़ शुरुआत में कैपिटल असेट थी फिर उसको गुड्स में कन्वर्ट किया फिर बेचा, तो इनकम पार्टली कैपिटल गेन्स पार्टली इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्योंकि सी मेरे एग्जाम्पल में देखो, जेवर मेरे पहले घर पड़े थे ना, और घर पड़े पड़े जो अप्रिसिएशन हुआ होगा, अरे घर पड़े पड़े मेरे जेवर कोई सड़ थोड़ी रहे थे, घर पड़े पड़े सोना चांदी अप्रिशिएट हो रहा था, लेकिन घर पड़े पड़े जो अप्रिशिएट हुआ था ना उसका क्रेडिट कैपिटल गेन्स को जाता है, और फिर दुकान में आने के बाद वो जेवरों में अप्रिशिएशन हुआ तो उसका क्रेडिट इनकम फ्रॉम बिजनेस को जाता है। मतलब ये देखो, टू बी प्रिसाइज, ये ड्रॉइंग से समझेगा, लुक, मेरा ज्वेलरी का एग्जाम्पल माइंड में रखना। ये देखना, मान लो मैंने ज्वेलरी खरीदी थी 9-10 में, ओके, ये 9-10 में तो मैंने ज्वेलरी क्यों खरीदा था, एक इन्वेस्टमेंट मोटिव से, चलो सोना चांदी घर में रखूंगा तो क्या है मेरा पैसा अप्रिशिएट होगा, इन्वेस्टमेंट मोटिव से। और इस वक्त मेरे को दुकान में लाने का शौक नहीं था, उसको मैंने घर में ही रखा था, और कब लिया था, 9-10 में, एट अ कॉस्ट ऑफ 100। फिर ईयर पे ध्यान देना, ईयर पे, ईयर इंपॉर्टेंट है, 21-22 में क्या हो गया, कन्वर्जन, मतलब क्या हुआ था, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से वो जो जेवर घर में पड़े थे उनको घर से निकाल के मैंने शॉप में ला के रख दिया, और शॉप में आया मतलब उसका स्टेटस परिवर्तन हो गया, जेवर अभी भी जेवर है लेकिन घर पड़े पड़े उसका अस्तित्व कैपिटल एसेट का था, अब स्टॉक इन ट्रेड वाला अस्तित्व हो गया, कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन। और ये कब हुआ, 21-22 में। फिर दुकान में मैं क्यों लाया था, बेचने के लिए, लेकिन क्या 21-22 में दुकान में लेके तो आया, बिका नहीं, कस्टमर आते थे मेरी दुकान में लेकिन उनको वो जेवर पसंद नहीं थे, तो 21-22 में दुकान में लाया तो था बेचने के लिए लेकिन बिका नहीं ना, बिका कब, 23-24। सी वो तो दुकान में पड़ा हुआ माल पता नहीं कब बिकेगा, बेचना था मेरे को 21-22 में लेकिन बिका कब, 23-24 में। लेकिन सी इस पीरियड में जो ज्वेलरी का अप्रिसिएशन हुआ है वो कैपिटल गेन्स में जाएगा, क्योंकि इस पीरियड में ज्वेलरी कहाँ थी, मेरे घर थी, और घर पड़े पड़े अप्रिशिएट हुई, अप्रिशिएट क्यों बोल रहा है, देख 100 के जेवर थे हो गए 150 के, तो ज्वेलरी का भाव बढ़ा ना, लेकिन कहाँ पड़े पड़े बढ़ा, घर पड़े पड़े, और घर पड़े पड़े बढ़ा है तो कैपिटल गेन, क्योंकि कैपिटल एसेट था। फिर दुकान में कब आया, 21-22। एंड फिर ये देखो स्क्रीन देखो, दुकान में आने के बाद जो उसमें बढ़ोतरी हुई अप्रिसिएशन, ये देखो कितने से अप्रिशिएट हुआ है, 150 बिकेम 180, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। यानी कि ये देखो, जब मैं ज्वेलरी बेचूंगा ना, लुक स्क्रीन पर देखो, ज्वेलरी बेच के एक्चुअली मेरा प्रॉफिट 80 रुपया है। प्रॉफिट कैसे निकालते, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो एक्चुअल प्रॉफिट मेरा 80 रुपया है, लेकिन उसमें से थोड़ा कैपिटल गेन, थोड़ा इनकम फ्रॉम बिजनेस, और थोड़ा मतलब कितना कैपिटल गेन्स, ये वाला पोर्शन क्या आएगा, कैपिटल गेन्स, जो मेरे एग्जाम्पल 50 रुपीज लिखा है, और ये वाला पोर्शन आ जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। लेकिन सी कैपिटल गेन्स में इंडेक्स विंडेक्स का भी मगजमारी होता है ना, ये तो मैंने ऐसे ही तुमको बता दिया कैपिटल गेन्स इतना होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस इतना होगा, लेकिन कैपिटल गेन्स में इंडेक्सेशन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करते। सी इनकम फ्रॉम बिजनेस में मगजमारी नहीं होता है,
इनकम फ्रॉम बिजनेस पे तो क्या है, शॉर्ट लॉन्ग ऐसा कुछ भी नहीं होता, इंडेक्स भी नहीं होता ना। तो सी ये जो अमाउंट था ना 150 और 180 का डिफरेंस, ये तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला जाएगा, लेकिन कैपिटल गेन्स पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखना पड़ता है। तो बताओ ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म? तो टेल मी, इधर अपने को ये पूरी लाइफ गिननी चाहिए? सी पूरी लाइफ मत गिनो, अपने को ज्वेलरी की लाइफ एज अ कैपिटल एसेट गिननी है। और एज कैपिटल एसेट तो मेरे घर में ही था ना, तो मेरे घर में कब तक था? ये डेट तक था, क्योंकि ये डेट को तो फिर दुकान में आ गया ना। तो मेरे घर में उस ज्वेलरी में कितना वक्त बिता है वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बताएगा। मतलब ये देखो, ये वाला पोर्शन गिनना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट लॉन्ग हम लोग कैपिटल गेन्स की खातिर कर रहे हैं, और कैपिटल सेंट कैपिटल गेन कैपिटल एसेट से बनता है, और कैपिटल एसेट तो घर में ही था ना वो। तो ये वाला पीरियड देखना पड़ेगा। तो गिनो ये पीरियड कितना है, 9-10 में खरीदा था एंड फिर 21-22 में उसको स्टॉक बना दिया, तो मतलब वो कैपिटल एसेट की लाइफ उसकी कितनी थी, 3 साल से तो ज़्यादा ही दिख रही है। अरे 3 ईयर्स से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म ना, और लॉन्ग टर्म में तो फिर इंडेक्स करना पड़ेगा। तो सी पहले तो मैं ऐसे ही निकाल दिया था ये माइनस ये, लेकिन ये माइनस ये नहीं चलेगा, इंडेक्स करना पड़ेगा। ये जो कॉस्ट है ना, ये 2009-10 की है, तो उसको इंडेक्स करेंगे। तो कैसे करेंगे, कॉस्ट इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज, तो इसका इंडेक्सेशन होगा और ये जाएगा एफपीओसी में। एक बार मैंने सॉल्व किया दिखाऊं, ये देखो 150 आएगा एफपीओसी में, है ना, ये देखो यहां से आ गया फुल वैल्यू। सी इस पे नजर मत डालना, पहले ही बता रहा हूं ये किधर चला गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस। एक काम करो, पहले ये देख लो ना, ये वाला पोर्शन देख लो, देख लो क्या दिखा है। ये क्या लिखा, सेलिंग प्राइस और एसआईटी मतलब स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड की सेलिंग प्राइस क्या थी, 180, और उसका एफएमवी कन्वर्जन के दिन क्या था, 150, मतलब ये वाला, क्योंकि इतना पीरियड ही इनकम फ्रॉम बिजनेस में आ सकता है ना। दुकान में पड़े पड़े कितना अप्रिसिएशन हुआ वही देखना है, और दुकान में तो आया ही इस दिन को था, तो ये वाला पोर्शन आएगा। तो ये तो ठीक ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब कैपिटल गेन्स एक बार चेक करो मैंने कैसे किया है। ये एफएमवी विल बिकम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ओके, तो ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आ गया। फिर इसकी कॉस्ट 100 है, लेकिन मैंने क्या लिखा है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग कैसे गया ना, क्योंकि ये पीरियड 3 साल से ज्यादा था, तो लॉन्ग टर्म हो गया, ओके। अब लॉन्ग टर्म का फॉर्मूला क्या है, इंडेक्स में कॉस्ट इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज। मेरे को बताओ इधर ट्रांसफर ईयर क्या होगा, कितने लोग क्या बोलते हैं, सर ये है ना ट्रांसफर ईयर। अरे ये माना के सेल ट्रांसफर होता है, लेकिन ये सेल तो गुड्स की सेल हो रही है ना, और इस चैप्टर में ट्रांसफर मतलब कैपिटल असेट का ट्रांसफर कब हुआ है। तू इस पे ध्यान देगा तो गलत कर लेगा ना। सी ये बेचा है, लेकिन इसको तो गुड्स की हैसियत में बेचा है, और गुड्स वुड्स का इस चैप्टर में लेना देना नहीं, ये चैप्टर कैपिटल गेन का है। तो कैपिटल एसेट का ट्रांसफर तो ये दिन का हो गया, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, वो ज्वेलरी का कैपिटल एसेट वाला स्टेटस गुड्स में बदल गया, मतलब वो कैपिटल एसेट वाला स्टेटस चेंज हो गया ना, तो इसको ट्रांसफर बोलेंगे, ओके। तो ये देखो ट्रांसफर डेट क्या है, स्क्रीन पर देख क्या लिखा है, ये है। तो इंडेक्स कैसे होगा, कॉस्ट इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर, मतलब ये ईयर आएगा 21-22, और नीचे ईयर ऑफ परचेज मतलब 2009-10। तो 21-22 का ऊपर आएगा, 9-10 का नीचे आएगा। ये देखो मैंने करके रखा है, वो 317 लिखा है ना, वो 21-22 का है, और नीचे 9-10 का इंडेक्स है, ओके। लेकिन सुनो, टैक्स कौन से ईयर में आएगा ना, में नॉर्मली क्या होता है, जिस ईयर में ट्रांसफर होता है ना वो ईयर में टैक्स आता है। ये देखो इधर क्या लिखा था मैंने, नॉर्मली ईयर ऑफ टैक्स इज द ईयर ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर वाले ईयर में टैक्स आना चाहिए। तो टेल मी, वो हिसाब से तो ट्रांसफर वाला ईयर तो ये है, तो टैक्स तो इस ईयर में आना चाहिए, लेकिन इस ईयर में टैक्स नहीं आएगा, इसका टैक्स ये वाले ईयर में आएगा, ओके। ये देखो क्या लिखा है, टैक्स इस ईयर में नहीं आएगा, इस ईयर में आएगा, क्योंकि सी इस ईयर में टैक्स मरना गलत नहीं हो जाएगा। इस ईयर क्या हुआ था बताओ, इस ईयर मेरे घर में जो जेवर पड़े थे उसको दुकान में ला के रखा, माना दुकान में लाना मतलब मेरा इरादा उसका बेचने का है,
लेकिन बेचने तो दो, बिका नहीं और गवर्नमेंट चढ़ बैठी मेरे पे, नहीं दुकान में लाया दुकान में लाया, अभी तू बेचे, अरे बेचूंगा यार लेकिन बेचने तो दे अभी। इससे गवर्नमेंट बोले ओके ओके चलो चलो, जब तू बेचेगा तब तक हम राह देखेंगे। ये देखो बेचेगा मतलब ये ईयर, इस ईयर में टैक्स आएगा। हाँ अगर रूल के हिसाब से जाएंगे ना तो ट्रांसफर वाले ईयर में टैक्स आना चाहिए, लेकिन ये रूल इधर बहुत कठोर हो जाएगा ना, क्योंकि इधर ट्रांसफर वाला ईयर मतलब घर के जेवर को दुकान में रखा है, लेकिन दुकान में रखा है उसको बिकने तो दो पहले, बिके बिगर टैक्स मारेगी तो गलत है। इससे जब स्टॉक इन ट्रेड का सेल होगा तब टैक्स आता है, तो ये भी एक्सेप्शन हो गया, CCDJ में सी हो गया है। ये देखो क्या लिखा है, नॉर्मली ईयर ऑफ टैक्स कब आता है, ईयर ऑफ ट्रांसफर, और इसमें ईयर ऑफ ट्रांसफर इज अ ईयर ऑफ कन्वर्जन, इसको ईयर ऑफ ट्रांसफर मानना, तो इस ईयर में आना चाहिए था, लेकिन आएगा कब, सेल ऑफ, आएगा कब, ईयर ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में। और सुनो इस ईयर में ना दोनों टैक्स इस ईयर में आएगा, कैपिटल गेन्स का भी, इनकम फ्रॉम बिजनेस का भी। सी इनकम फ्रॉम बिजनेस तो वैसे भी इस साल में आने वाला था, कि जब हम लोग स्टॉक को बेचेंगे दुकान से तभी टैक्स आएगा। कैपिटल गेन्स का खास बताना पड़ता है कि ये देख कैपिटल गेन्स का पैदाइश इस दिन को हो गया था, लेकिन टैक्स ये वाले ईयर में आएगा। ओके सो दोनों ही टैक्स, चाहे वो कैपिटल गेन हो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो आएगा ईयर ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में। सी ये कन्वर्जन की थियरी को तो बेस्ट है ना, अगर दिमाग में फोटो छाप लोगे ना बहुत सिंपल हो जाएगा, ट्रस्ट मी इसके तुम लोग करोड़ सम सॉल्व करना, तुमको सम में तीन डेटा मिलेगा। कौन सा तीन डेटा, परचेस का डेटा, कन्वर्जन का डेटा, सेल का डेटा, और अमाउंट भी तीन मिलेंगे, फिक्स्ड है, कॉस्ट, FMV, सेल प्राइस, फिक्स्ड है ये। एंड फिर अपना दिमाग भी फिक्स कर दो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैपिटल गेन्स में डाल दो, और ये पीरियड को देखना शॉर्ट है कि लॉन्ग है वो हिसाब से, और ये वाले बीच का जो गैप है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाल दो। तो ये था 45-2। और पूछेंगे ना टैक्स कौन से ईयर में आएगा, तो बोलना कि ऐसे तो इस ईयर में आना चाहिए लेकिन ये एक्सेप्शन है, इधर इस ईयर में टैक्स आएगा। तो 45-2 हो गया। ओके तो सी मैंने 45-1 करवाया, 45-1 क्या था, बेसिस ऑफ चार्ज एंड द ईयर ऑफ चार्ज। फिर 45-1A था डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट ड्यू टू नर्फे। फिर 45-2 था कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। फिर आता है 45-5, बीच में 45-3 और 4 सिलेबस में नहीं है, 45-3 45-4 सिलेबस में नहीं है, तो अपने डायरेक्टली 45-5 पे आ गए। 45-5 क्या है, देखो कंपल्सरी एक्विजिशन। पता है गवर्नमेंट छीना झपटी क्यों करती है अपने साथ, बहुत बार अपनी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर करती है ना, क्यों करती है, सी गवर्नमेंट को दादागिरी करने का शौक नहीं है, लेकिन क्या होता है गवर्नमेंट को कभी फ्लाईओवर बनाना है कहीं पर, रेलवे स्टेशन बनाना है, तो उस जगह पे किसी का प्रॉपर्टी पड़ा है तो गवर्नमेंट क्या उसका प्रॉपर्टी छीन लेती है, और ये खास करके इमूवेबल प्रॉपर्टी में होता है, क्योंकि सी मूवेबल प्रॉपर्टी अगर मेरी गवर्नमेंट को तकलीफ दे रही है तो उसको मूव कर दूंगा, बना लो फ्लाईओवर इधर, क्यों मूवेबल प्रॉपर्टी मूव हो सकती है ना, लेकिन अगर मेरी कहीं ज़मीन है अब वहीं पे गवर्नमेंट को रेलवे स्टेशन बनाना है फ्लाईओवर बनाना है तो ज़मीन तो हिल नहीं सकती ना, फिर वो गवर्नमेंट जबरदस्ती छीन लेती है, तो उसको बोलते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन। तो सी कंपल्सरी एक्विजिशन हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, कि पब्लिक के लिए रेलवे स्टेशन बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, सीलिंग बनाना है, तो किसी का वहाँ पर ज़मीन होगा, घर होगा, तो गवर्नमेंट ज़बरदस्ती टेक ओवर कर लेती है। ओके लेकिन सी जबरदस्ती भी हुआ तो भी टैक्स तो आएगा ही, क्योंकि कैपिटल गेन्स की कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट प्लस देयर मस्ट बी ट्रांसफर, तो कैपिटल गेन्स आएगा। तो अगर मेरा कैपिटल एसेट है और भले जबरदस्ती गवर्नमेंट ने लिया, ट्रांसफर तो हो गया ना, ट्रांसफर मतलब चेंज इन ओनरशिप, भले मैंने खुशी खुशी नहीं दिया, जोर जबरदस्ती हुआ, ट्रांसफर हुआ ना, तो कैपिटल गेन्स इसमें भी आता है। अब देखो कैसे आता है, एग्जाम्पल से समझना। मान लो मिस्टर एक्स की ना एक ज़मीन थी जो उसने 2021 में खरीदी थी 100 रुपये में, एंड फिर उसकी ज़मीन गवर्नमेंट ने छीन ली, और छीना झपटी कब हुई, 21-22 में। ओके और गवर्नमेंट इतनी बेरहम थी ना कि अपनी ज़मीन छीन के तो चली गई और बड़ी बड़ी बातें करके गई, रो मत तेरे को पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पैसे मिल जाएंगे करके दिए ही नहीं। कब दिए मालूम, ये देखो 23-24 में पैसा मिला,
और गवर्नमेंट जब छीना झपटी करती है ना, बदली में जो पैसा देती है उसको बोलते हैं कॉम्पेंसेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्पेंसेशन। और मुझे कॉम्पेंसेशन कभी मिला? 23-24 में। और ऐसा होता है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ना थोड़ा स्लो चलता है, मतलब गवर्नमेंट जानबूझ के नहीं करती है लेकिन उनका डिपार्टमेंट स्लो चलता है कि मेरी प्रॉपर्टी तो इन लोग ने 21-22 में ले ली, उधर काम भी चालू कर दिया होगा रेलवे स्टेशन बनाने का, लेकिन मेरे को पैसा ही नहीं मिला। कब मिला? 23-24। तो सी यूजुअली क्या होता है, टैक्स कौन से ईयर में आता है? ईयर ऑफ ट्रांसफर में। ये देखो, इधर ट्रांसफर वाला ईयर क्या है? ट्रांसफर वाला ईयर तो 21-22 है, मतलब जिस ईयर में गवर्नमेंट ने छीना झपटी की डेट इज ईयर ऑफ ट्रांसफर, तो टैक्स तो उसी ईयर में आना चाहिए। लेकिन इधर टैक्स इस ईयर में नहीं आएगा, इन द ईयर ऑफ रिसीट आएगा। ओके, ये भी एक एक्सेप्शन है। ओके, सीसीडीजे था ना, सीसीडीजे, तो सी सीसीडीजे में क्या क्या आ गया? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल सेड इन स्टॉक इन ट्रेड बढ़ा दिया, फिर कंपल्सरी एक्विजिशन भी है, सीसीडी डिस्ट्रक्शन। एक और एक्सेप्शन आने वाला, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ये सीसीडीजे है क्या? इन सब केसेस में टैक्स तुरंत नहीं आता, आराम से जब पैसे मिलेंगे तब टैक्स आएगा। ओके, लेकिन सी टैक्स सभी आएगा। इंडेक्सेशन आराम से मत करना, इंडेक्सेशन में जैसे एसेट रफा दफा हुआ ना, उस ईयर का इंडेक्स न्यूमरेटर में आता है। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? देखो, मेरे को बताओ, क्या इस साल में कैपिटल गेंस कंप्यूट करेंगे? कुछ नहीं होगा इस साल में भाई। अरे जब टैक्स ही नहीं भरना है, सी जब टैक्स भरना होता है ना, उस ईयर में कंप्यूटेशन करते, और इस ईयर में टैक्स नहीं तो कंप्यूटेशन भी नहीं। टैक्स कब भरना पड़ेगा मेरे एग्जाम्पल में? 23-24, तो कंप्यूटेशन इस ईयर में होगी। कैसे होगी? देखो, सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखो, फॉर्मेट देख लो ना, फुल वैल्यू कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न। तो इधर रिटर्न में क्या मिला? मेरी एसेट चली गई, लेकिन बदले में मुझे कॉम्पेंसेशन मिला है, तो जो कॉम्पेंसेशन मिला वो मेरे लिए एफईओसी हो जाएगा। तो इधर कॉम्पेंसेशन कितना मिला था? 500। तो ये 500 रुपया एफईओसी में आ जाएगा। ओके, फर्क कितना है? सेल होता है तो सेलिंग प्राइस आता है, इधर सेलिंग प्राइस के बदले कॉम्पेंसेशन। फिर लेस ट्रांसफर एक्सपेंस मान लो नहीं है, फिर नेट कंसिडरेशन। फिर देखना पड़ता है शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म। इधर पता है लोग गड़बड़ क्या करते हैं, यहाँ से लेके इधर पूरा गिन लेते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। कितने लोग क्या बोलते हैं, अरे पैसा बहुत लेट मिला, बहुत लेट मिला। अरे पैसा कब मिला है उससे थोड़ी डिसाइड होता है। पता है शॉर्ट लॉन्ग एसेट का उम्र होता है, और एसेट का उम्र इतना सा ही था। ये ज़मीन मेरी ज़िंदगी में कब आई थी? 2021 में, और 2021-22 में तो चल बसी। अपने को जमीन का उम्र देखना है। सी अपने लिए तो जमीन चली गई ना 21-22 में, तो पैसा भले लेट मिला उससे थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है। शॉर्ट और लॉन्ग में ना एक फिक्स फॉर्मूला बना दो ना, परचेज डेट से ट्रांसफर डेट, उसको रिसीट डेट तक मत खींच लेना। हाँ, टैक्स भरने में गवर्नमेंट कभी कभी कोऑपरेट करती है कि चलो पैसा मिलेगा तब टैक्स भरना, लेकिन वो टैक्स भरने में गवर्नमेंट कोऑपरेट कर रही इसलिए ना। लेकिन कभी भी गिनती करते हैं ना कि वो शॉर्ट है कि लॉन्ग है, उसका फॉर्मूला फिक्स्ड है, परचेज डेट से ट्रांसफर डेट। तो ये देखो, इधर परचेज डेट क्या है? 2021। ट्रांसफर डेट क्या है? 21-22। इतने पीरियड से डिसाइड करना चाहिए। सी कितने लोग ज़्यादा दिमाग लेट है, कितने लोग क्या बोलते हैं 23-24 तो गिन लो अपने एग्जाम में, 23-24 ईयर है, 23-24 तो गिन लो। ऐसा नहीं करने का, एक फिक्स रूल बनाओ ना, कभी भी शॉर्ट लॉन्ग गिनना है तो फॉर्मूला क्या है? परचेज डेट ट्रांसफर डेट तक गिनो। इंडेक्स भी करना है ना, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज। ट्रस्ट में अगर तुम लोग मेरे एक्सपीरियंस का ट्रस्ट करते हो ना, मैंने नोटिस किया है ये चैप्टर में अगर दो डेट ध्यान से लिख ली ना क्वेश्चन के अंदर ही, कभी गड़बड़ नहीं हो। कौन सी दो डेट? परचेज डेट और ट्रांसफर डेट। क्योंकि शॉर्ट लॉन्ग भी परचेज से ट्रांसफर डेट से होता है, और इंडेक्स भी ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज। ये अगर ढंग से किया तो कभी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि रॉन्ग होता ही क्या बच्चे का? शॉर्ट लॉन्ग का डिसीजन रॉन्ग हो जाता है, इंडेक्स में गड़बड़ होता है, और ये गड़बड़ होगी ही नहीं अगर ये दो डेट को तू क्वेश्चन में ढंग से नोट कर ले। मैं तो बोल रहा साइड में लिख ही देना चाहिए परचेज डेट है, ये ट्रांसफर डेट है, तो बस शॉर्ट लॉन्ग का फैसला हो गया, इंडेक्स भी उसी से आता है। रिसीट वाले ईयर का कुछ मत करना, हाँ वो तो खाली उस ईयर में कैलकुलेशन करनी होती है, लेकिन अपनी गिनती विनती तो ये दो डेट से ही होती है ना। तो टेल मी, अगर इसमें मेरे को ये लॉन्ग टर्म होता तो, अरे लॉन्ग टर्म कैसे होता अगर ये वाला गैप दो साल से ज्यादा? दो साल क्यों निकला मुझसे? लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, दो साल बोलने का।
तो टेल मी, ये वाला गैप अगर 2 साल से ज्यादा होता तो इंडेक्स कैसे करते? कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स ऊपर ये वाला ईयर, ट्रांसफर वाला ईयर, नीचे ये वाला ईयर इंडेक्स में आता, ओके। लेकिन टैक्स भरने का कभी है रिसीट बेसिस पे। खैर ये वाले में तो मैंने क्या शॉर्ट टर्म लिया, ये शॉर्ट टर्म था ना, 2021 से 21-22 पीरियड छोटा है, 2 साल भी पूरे नहीं हुए ना, तो ये शॉर्ट टर्म था। इससे देखो मैंने कहा इंडेक्स किया है, इसको लिखा भी शॉर्ट टर्म है, लेकिन सी इसको क्या बोलते हैं मैं, ये इनिशियल कॉम्पेंसेशन था। इनिशियल मतलब शुरुआत में गवर्नमेंट ने जो दिया, और अक्सर क्या होता है एसएससी लोग क्या है, कॉम्पेंसेशन जो मिलता है उससे खुश नहीं रहते, क्योंकि गवर्नमेंट तो क्या है प्रॉपर्टी का छीना झपटी करके जो मुंह में आया हाथ में अमाउंट पकड़ा के छोड़ देती है, लेकिन एसएससी बोलता है इतना पैसा कम थोड़ी चलेगा, मेरी प्रॉपर्टी ली है तो मुझे पैसे तो ढंग से दो। तो इसमें एसएससी बहुत बार केस करता है, केस किस बात के लिए करता है कि मेरा प्रॉपर्टी छीना तो छीना लेकिन पैसा ढंग से क्यों नहीं दिया। जैसे मान लो इधर उसको कितना मिला था 500 और उसको लग रहा है मुझे 700 तो मिलना ही चाहिए था, अमाउंट याद रहे ना, इन तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, मिला कितना था 500 और उसको लग रहा है कि मुझे 700 तो मिलना ही चाहिए था, तो उसने मैंने बोला मैं तो केस करूँगा और केस कर रहा है एक्स्ट्रा 200 रुपये के लिए, और केस तो क्या लंबा चलता है, एंड फिर बाद में फाइनली वो केस जीत गया। एग्जाम में क्या केस जीतेगा ही वो, रियल लाइफ में तो कोई कोई लोग केस करते भी नहीं है, करेंगे तो हार भी जाते हैं, लेकिन एक से ना मेरे को थोड़ा लेक्चर एक बार होल्ड करना पड़ेगा, एक से कुछ कॉल आ रहा है बार बार। ओके तो सी यार अपनी क्या बात हो रही थी, एसएससी को लग रहा है कि मुझे 500 रुपया मिला है कम है, कम से कम 700 तो मिलना ही चाहिए, तो उसने उसके लिए केस किया और केस करके जीत भी गया। एंड लेट्स अज्यूम वो केस जीता था ये वाले ईयर में 25-26 में केस जीत के उसको एक्स्ट्रा 200 रुपया मिल गए, दिख रहे 200 रुपया, मतलब स्टार्टिंग में तो उसको 500 ही मिला था, उसको क्या बोलते हैं इनिशियल कॉम्पेंसेशन, फिर बाद में केस लड़ के और उसको मिलता है ना उसको बोलते हैं एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन। क्या बोलते हैं एनहांस्ड, एनहांस होने का मतलब इंक्रीज हो गया, उसका कॉम्पेंसेशन बढ़ गया केस लड़ के, ओके। अब सी केस लड़ के हार गया होता ना तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, इग्नोर इट, क्योंकि सी इनकम टैक्स वाले कब जागरूक होते हैं, जब इनकम आती है, और इनकम आने के लिए केस जिताना पड़ेगा उसको, ओके। इसलिए एग्जाम में तो लोग सम कैसा बनाते हैं, केस किया जीता, ओके। अब जैसे ही वो केस जीता ना 25-26 में उसको एक्स्ट्रा पैसा मिला तो टैक्स भी भरना पड़ेगा, ये देखो वापस टैक्स आ रहा है, क्योंकि पहली बार जब टैक्स भरा तो 500 के हिसाब से भरा था ना, अब 200 रुपया वापस मिला तो वापस टैक्स आएगा, तो इधर देखो दो बार टैक्स भरना पड़ रहा है, क्योंकि उसको कॉम्पेंसेशन भी दो बार मिला है, ओके। पहले इनिशियल मिला फिर एनहांस्ड मिला, लेकिन सी इसमें कैलकुलेशन कैसे हो गया ये देखो, लुक हियर, एक से ना मेरे को एक कॉल बार बार आ रहा, अटेंड करना पड़ेगा, सॉरी। तो ये देखो उसको कितना कॉम्पेंसेशन मिला एक्स्ट्रा 200 रुपया। अब सी इसका भी कंप्यूटेशन तो करना ही पड़ेगा ना अलग से, क्योंकि जब टैक्स अपने को दोबारा भरना आ रहा है तो अपने को कैलकुलेशन भी दोबारा करना पड़ेगा, तो सी इसका भी मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, ये देखो मैंने फॉर्मेट तो पूरा बनाया इधर, लेकिन इस फॉर्मेट में ना खाली आएगा क्या मालूम है, जो 200 रुपये अपने को मिला उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की तरह दिखा दो, फिर इसमें खाली लीगल एक्सपेंस माइनस करने मिलेगा, क्योंकि 200 रुपया मुझे कैसे मिला है, कोर्ट में केस करके, तो कोर्ट में केस करने का कोर्ट कचहरी का जो लीगल खर्चा होगा ना वो अपने को माइनस करने मिलेगा, चाहे वो वकील की फीस हो कि कोर्ट के चार्जेस हो गए तो वो लेस करने मिलेगा, और वो एक नॉमिनल एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया होगा तो वो लेस कर दो। तो अज्यूम करो उसका 5 रुपया, मेरे एग्जाम्पल में देखो 5 रुपया उसका लीगल एक्सपेंस हुआ है, तो 200 - 5 = 195 भी टैक्स आएगा, और ये जो होता है ना कौवा एंड कौवी वो सब लिखने का जरूरत नहीं है, सी मैंने भी लिख के काट दिया है, क्योंकि सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हम लोग पहले माइनस कर चुके हैं, और ये कैलकुलेशन हम लोग दूसरी बार कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट को थोड़ी ना दूसरी बार माइनस करेंगे, दूसरी बार तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पेंसेशन अपने को दूसरी बार और मिला है, लेकिन कॉम्पेंसेशन ना वो तो लिख लिया ना, कॉस्ट थोड़ी दो बार इंकर कर रहे, कॉस्ट तो जो पहले मैंने इंकर की थी माइनस कर ली ना इधर, तो इधर वापस नहीं लिखने का। तो सी ये तो फॉर्मेट है, इसलिए मैंने पूरा फॉर्मेट लिखा है,
लेकिन एक्चुअली छोटू सा कैलकुलेशन होगा, जो भी कोर्ट से पैसा मिला माइनस लीगल एक्सपेंस। और रहा सवाल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का, तो इसमें स्टूडेंट वापस घूम जाता है, अरे इसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या करो। सी एक चीज़ दिमाग में फिट कर दो, शॉर्ट और लॉन्ग है ना एसेट की उम्र होती है। और मेरे एसेट की उम्र को देखिए, काला वाला पैस देख, ये लैंड मेरे जिंदगी में कब आया था, 2021 में, चला कब गया, 2021, तो उसकी उम्र तो उतनी रहेगी ना। अब उसके पीछे कोर्ट में 10 साल भी केस चले, 100 साल भी केस चले, उससे क्या करेगा। शॉर्ट एंड लॉन्ग एसेट का उम्र है, और एसेट का उम्र मेरे एग्जाम्पल में शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म ही होगा। भले ना कोर्ट वालों से अपने को लड़ झगड़ के 20 साल के बाद पैसे मिले हो, लेकिन एसेट तो शॉर्ट टर्म ही है ना, तो इधर शॉर्ट टर्म आएगा। लेकिन सी कोई कोई लोग इतना सोचते ही नहीं है, और ये 10 साल केस चला ये तो लॉन्ग हो गया। अरे कितने लोगों को लॉन्ग शॉर्ट का फंडा ही नहीं पता है। रिपीट कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट लॉन्ग कैसे डिसाइड करने का, परचेज डेट से ट्रांसफर डेट, वो एसेट की लाइफ होती है, और एसेट की लाइफ इतनी सी होती है परचेज डेट से ट्रांसफर डेट तक, और वो शॉर्ट था ना तो ये भी शॉर्ट होगा। और सी बेस्ट ऐसे याद रखो ना, लुक हियर, अगर इनिशियल कॉम्पेंसेशन में शॉर्ट टर्म था ना तो ये भी शॉर्ट टर्म ही होगा। एक्चुअली वापस डिसाइड भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि सी चाहे इनिशियल कॉम्पेंसेशन हो के एनहांस्ड हो, दोनों कॉम्पेंसेशन है तो वो सेम ट्रांजेक्शन का ना, और वो ट्रांजेक्शन का एक बार शॉर्ट टर्म नक्की कर दिया तो शॉर्ट ही है ना। ऐसा थोड़ी इधर शॉर्ट उधर लॉन्ग करेंगे, अरे भाई ये शॉर्ट तो ये भी शॉर्ट, ये लॉन्ग तो ये भी लॉन्ग, लेकिन ये शॉर्ट लॉन्ग का डिसीजन ये वाले पीरियड से होगा। ओके, तो उसे ड्रॉइंग के थ्रू याद करोगे सिंपल हो जाएगा। तो ये था कंपल्सरी एक्विजिशन, लेकिन सी खत्म नहीं हुआ है। सी इधर एक अच्छा पॉइंट है, टेल मी इधर टैक्स कब आता है, जब गवर्नमेंट छीना जब्ती करती है उस साल में तुरंत टैक्स आता है कि रिसीट बेसिस पे, रिसीट बेसिस पे ना। लेकिन सी कभी कभी कॉम्पेंसेशन टुकड़े टुकड़े में रिसीव होता है, मतलब एक तो देखो गवर्नमेंट टाइम पे तो कॉम्पेंसेशन दी नहीं मेरे को इधर, हाँ एक्चुअली तो मेरे को ये एग्जाम्पल है कॉम्पेंसेशन कब मिल जाना चाहिए था, 21-22, तो गवर्नमेंट पहले तो पैसा देने में लेट करती है, और उसमें भी बहुत बार तड़पा तड़पा के देती है। क्या बोलती है, नहीं देखो तेरा 500 रुपया है ना एक साथ तो नहीं दे सकते, सॉरी अभी तो 100 रुपया रख, अगले साल 200 देंगे, फिर अगले साल 200 देंगे। मतलब ये 500 रुपया ही मेरे को मिला है, लेकिन एक शॉट में मिला कि तड़पा तड़पा के 3 सालों में। ये देखो ड्राइंग के अंदर देखो मैंने किया हुआ है, लुक हियर दिख रहा है छोटा, इससे मैं जूम करके बता रहा हूँ, ये देखो दिख रहा है 100 200 200, मतलब अपने को है ना 500 रुपये की कॉम्पेंसेशन मिली। लेकिन कैसे मिली, पहले बार खाली 100 ही दिया, फिर 200 रुपया नेक्स्ट ईयर, ईयर अलग हो गया पूरा, फिर एक और 200 नेक्स्ट ईयर। तो अभी कॉम्पेंसेशन टुकड़े टुकड़े में मिलता है ना, तो टैक्स टुकड़े टुकड़े में नहीं आएगा, क्योंकि टुकड़े टुकड़े में टैक्स करेंगे ना तो ऐसे कैलकुलेशन 3 बार करने पड़ेंगे, और 3 बार कैलकुलेशन करने में दिक्कत क्या है, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ब्रेकअप करना पड़ेगा। चलो फुल वैल्यू कंसिडरेशन के तो 3 टुकड़े हैं मेरे पास, 100 200 और 200, लेकिन फिर कॉस्ट को भी अननेसेसरी तोड़ना पड़ेगा, कि कॉस्ट तो मेरी इकलौती होती है ना, अब उसको 3 बार टुकड़े टुकड़े में टैक्स आना है, तो कॉस्ट के भी 3 टुकड़े करो, और उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। इससे लॉ ने पब्लिक को हाथ जोड़ के बोला, देखो भाई पैसा आपको टुकड़े टुकड़े में मिलता है ना तो टैक्स टुकड़े टुकड़े में नहीं आएगा, टैक्स तो इकट्ठा आएगा, इकट्ठा मतलब पूरे 500 पे एक ही साथ आ जाएगा, और वो भी कब, जब पहला इंस्टॉलमेंट मिला ना तभी। और पहली इंस्टॉलमेंट में मेरे एग्जाम्पल में देखो उसको खाली 100 ही रुपया मिला होगा, फिर भी उसको पूरे 500 रुपये का टैक्स इकट्ठा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अगर टैक्स को टुकड़े टुकड़े में भरवाने का रखेंगे ना तो ये कंप्यूटेशन में कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, और गवर्नमेंट चाहते हम लोग लॉ को कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहते। ओके, वैसे ही भारत का इनकम टैक्स लॉ बहुत डेंजरस इंटरनेशनल लेवल का कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या है, ये 500 रुपये का जो कॉम्पेंसेशन है अगर एक शॉट में मिल गया तो अच्छी बात है, तभी तो उस वक्त ही टैक्स बढ़ देंगे। लेकिन अगर 500 रुपये का अमाउंट टुकड़े टुकड़े में मिला है, तो जब पहला टुकड़ा मिला होगा ना उस वक्त मिला भले टुकड़ा होगा, लेकिन टैक्स टुकड़े पे आएगा कि पूरे पे मतलब मेरा आंसर अभी भी ऐसा ही रहेगा।
इवन इफ मुझे 23-24 में 500 में से खाली 100 रुपये भी मिले होंगे तो भी पूरा 500 रुपया लेके कैलकुलेशन करना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या इन लोग सम को तो बहुत डेंजरस बना सकते, ऐसा बोलेंगे 500 का कॉम्पेंसेशन ही रिसीव्ड इन 8 इंस्टॉलमेंट्स, 8 इंस्टॉलमेंट लिख के भी देंगे डेट के साथ, मतलब क्वेश्चन एकदम डरावना बन सकता है। लेकिन बेस्ट बताऊं क्या करना चाहिए, इंस्टॉलमेंट्स का डिटेल मत देखना, खाली देखना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट किस डेट को मिला है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर वो 23-24 में है ना, तो बस 23-24 में झंडा गाड़ के टैक्स भर दो। और कितने पे, उस टुकड़े पे कि पूरे पे? पूरे पे, फुल अमाउंट पे टैक्स आ जाएगा इन द ईयर ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। लेकिन सी ये ना, इनिशियल कॉम्पेंसेशन अगर टुकड़े टुकड़े में मिला हो तो क्या इनिशियल कॉम्पेंसेशन, लेकिन अगर कोर्ट में केस करके जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है वो अगर टुकड़े टुकड़े में मिला है ना, तो वो तो एज एंड वेन रिसीव टैक्सेबल होगा। ये देखो, अरे कुछ अलग चीज बोली तुमने, सुने ही नहीं। ये देखो क्या लिखा है, ये देखो, अगर कोर्ट से जो अपने को 200 रुपया मिला है ना, ये अगर गवर्नमेंट अपने को तड़पा तड़पा के दे रही है कि तू जीत गया ना, ज्यादा उछल मत, अभी तो 100 रुपया ही देंगे, फिर अगला 100 रुपया नेक्स्ट ईयर देंगे, ऐसे टुकड़े टुकड़े में दे रहे, तो ये टुकड़े टुकड़े में टैक्सेबल होगा। क्योंकि सी एनहांस कॉम्पेंसेशन में कोई डिटेल्ड कंप्यूटेशन नहीं होता है, एनहांस कॉम्पेंसेशन तो कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो मिलता है पूरे पे टैक्स भरना है। हाँ, खाली एक छोटा सा लीगल एक्सपेंस होता है, अरे लीगल एक्सपेंस तो एज अगेंस्ट इतनी बड़ी कॉम्पेंसेशन, एक छोटा सा नॉमिनल एक्सपेंस है। तो वो तो क्या, जब पहली बार अपने को इंस्टॉलमेंट मिला ना, जैसे मेरे एग्जाम्पल में देखो, पहला इंस्टॉलमेंट 100 का मिला था ना, तो 100 रुपये में से 5 रुपया माइनस करके 95 पे टैक्स भर दो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, और बाद में बचा हुआ अमाउंट जब जब जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे टैक्स भरूंगा किस्तों में। पैसा भी किस्तों में मिल रहा है, टैक्स भी टुकड़े टुकड़े में भरूंगा, क्योंकि ये वाले में क्या है, अपने को डिटेल्ड कंप्यूटेशन नहीं करना है। लेकिन जो अपना फर्स्ट कैलकुलेशन था ना, वो डिटेल्ड कंप्यूटेशन है। वो गवर्नमेंट क्या बोलती है, वो टुकड़े टुकड़े में नहीं होगा, वो तो पहली इंस्टॉलमेंट मिली ना तभी पूरे अमाउंट का टैक्स भर दो। तो इन शॉर्ट देखो रूल क्या है, इनिशियल टुकड़े टुकड़े में मिला तो टैक्स टुकड़े टुकड़े में कि एक साथ, एक साथ, वो भी कब, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम फुल अमाउंट पे टैक्स आ जाएगा। और एनहांस्ड अगर टुकड़े टुकड़े में मिला तो टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव्ड। ये देखो इधर लिखा हुआ है, इनिशियल का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में टैक्सेबल हो जाता है और एनहांस्ड के लिए टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव्ड। फिर ये देखो, ये जो कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट अपने को देरी से देती है ना, तो उसका कई बार गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी देती है, क्योंकि मालूम है इसके लिए एक्ट भी है, राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये सब एक्ट है, एक्ट गवर्निंग कंपल्सरी एक्विजिशन। सी पहले तो गवर्नमेंट को कंपल्सरी एक्विजिशन की इजाजत देने वाला भी कोई एक्ट है, और वो एक्ट है ना पब्लिक के लिए भी फेवर में काम करता है। पब्लिक को क्या बोला है कि आपके साथ जोर जबरदस्ती हुई है, प्रॉपर्टी का छीना झपटी हुई है, और अगर आपको कॉम्पेंसेशन देरी से मिला तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो सी इंटरेस्ट मिलता है तो एक्स्ट्रा इनकम हो गया ना, बट वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा और उसमें अपने को 50% कट मिलेगा, 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। मतलब इंटरेस्ट अगर मिला 1 लाख है तो टैक्स 1 लाख पे नहीं, 50,000 पे आएगा। और ये 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दिया है, आउट ऑफ हमदर्दी, गवर्नमेंट को दया आ रही है, इनकम टैक्स वालों को दया आ रही है कि पहले किसी के प्रॉपर्टी का छीना जब्ती कर लिया, कितना उसको दुख हुआ होगा, और उसमें भी उसको पैसा लेट मिल रहा है, और उसमें भी उसका जो इंटरेस्ट है उसमें वापस टैक्स आ रहा है। तो हम इतना ज़्यादा अत्याचार किसी पे नहीं कर सकते। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला, देख भाई तुझे इंटरेस्ट मिला है तो इनकम होने के नाते इनकम में दिखाना तो पड़ेगा, लेकिन ठीक है तेरे को आधा माफ कर देंगे बस। मतलब ये आउट ऑफ सिंपथी गवर्नमेंट ने किया है कि जो भी तुमको इंटरेस्ट मिला था ना, इंटरेस्ट ऑन लेट कॉम्पेंसेशन, डिलेड कॉम्पेंसेशन, वो जो भी मिला उसमें 50% माफ, लेकिन वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। जो मेन कॉम्पेंसेशन होता है वो इधर आता है, उसमें भी इनिशियल वाला यहां, एनहांस वाला है यहां, ये मेन कॉम्पेंसेशन था, लेकिन उसके ऊपर एक्स्ट्रा में जो इंटरेस्ट मिला ना वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, लेकिन 50% माफ करके। और सी इंटरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि वो इनिशियल का है तो क्या, एनहांस का है तो क्या, किसी का भी होने देना, चाहे इनिशियल के ऊपर इंटरेस्ट मिला हो
केनांश के ऊपर मिला, जो भी मिला इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा 50% कट करके बैलेंस विल बी टैक्सेबल। ओके, तो मतलब ये देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दो दो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गए, एक तो फैमिली पेंशन का था 1/3 ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव और 15,000 विच इज लेस, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। मतलब पूरे इनकम टैक्स लॉ में ना चार स्टैंडर्ड डिडक्शन है, बताओ कैसे। सैलरी में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में भी आता है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कहाँ आता है, फैमिली पेंशन का 1/3 और 15,000 विच इज लेस और इंटरेस्ट ऑन रिसीविंग द कॉम्पेंसेशन लेट उसका भी 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन है। मतलब गिन लो पूरे सब्जेक्ट में चार स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सैलरी में है, हाउस प्रॉपर्टी में और दो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, एक तो फैमिली पेंशन का था और दूसरा ये वाला है। ओके, तो अपना 45(5) खत्म हो गया कंपल्सरी एक्विजिशन। फिर इसके बाद देखना अगला सेक्शन है 45(5A जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। इधर देखो ये एग्जांपल देख के समझ जाएगा, ड्राइंग को दिमाग में छाप लो अच्छी तरह। ये देखो मान लो एक मिस्टर एक्स है। ओके, अब मिस्टर एक्स के पास एक जमीन पड़ी थी, उसकी जमीन पे नजर पड़ी बिल्डर की। बिल्डर ने बोला यार तेरे पास इतनी बड़ी जमीन है क्या करता है, तू तो कुछ यूज भी नहीं करता है, ये खाली जमीन पड़े पड़े वेस्ट हो रही है। तो बिल्डर ने उसको ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया कि तू तेरी जमीन मुझे दे दे, मैं इस पे अच्छा मस्त बिल्डिंग बनाऊंगा और उस नई बिल्डिंग के 3-4 फ्लैट तेरे को दे दूंगा, 3-4 फ्लैट। क्यों? क्योंकि तेरी जमीन है तो तुझे बदले में कुछ देना पड़ेगा। तो बिल्डर ने क्या बोला, तेरी जमीन के बदले में मैं रोकड़ा नहीं दे रहा हूं, तेरे को जो नई बिल्डिंग बनेंगे ना उसके 3-4 फ्लैट दे दूंगा। मतलब इधर क्या हो रहा है, एक है मिस्टर एक जो अपनी जमीन प्रोवाइड करेगा। एक्चुअली ये देखो ये क्या बनाया मैंने, ये लैंड की ड्रॉइंग है, लैंड है और ये एरो का मतलब ये देखो मिस्टर एक्स अपनी जमीन दे रहा है किसको, बिल्डर को। और बिल्डर इतना बड़ा क्यों बना है, ये बड़े आदमी लोग होते हैं ना, सी ये तो एक मामूली सा आदमी होगा मिस्टर एक्स, और बिल्डर लोग तो क्या बड़े बड़े बिग शॉट लोग होते, रिस्तम जी राजा वाले लोग है ना, इससे मैंने उसकी साइज बड़ी बनाई है जानबूझ के। तो सी मिस्टर एक्स अपनी जमीन दे देगा और जमीन बिल्डर को मिल जाएगी, फिर बिल्डर उसके ऊपर ये देखो एक प्यारी सी बिल्डिंग बनाएगा और ये बिल्डिंग के अंदर देखो बहुत सारे फ्लैट्स है। एंड फिर बिल्डर ने क्या बोला, जो टॉप फ्लोर के 3 फ्लैट है ना वो मैं तुझे दे दूंगा। ये देखो एरो, देखो एरो, इसको बोलते हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिस्टर एक्स और बिल्डर ने दोनों जॉइंटली प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट मतलब बिल्डिंग। ओके, और बिल्डिंग बनाते तो क्या बोलते हैं, हमें प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे, डेवलपमेंट बोलते हैं, डेवलपमेंट। सी बिल्डिंग में ऐसा नहीं बोलते प्रोडक्शन, बिल्डिंग में क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। और ये जॉइंट क्यों है, क्योंकि मिस्टर एक्स और बिल्डर जॉइंट हुए। माना कि बिल्डर लोग का ही मेन काम होता है, लेकिन मिस्टर एक्स क्या बोलेगा, जमीन नहीं है तो क्या हवे में बिल्डिंग बनाएगा, जमीन तो मेरा है तो मैं भी इक्वल भागीदार हूँ। तो एक्स ने जमीन दी और बिल्डर का काम होगा कंस्ट्रक्शन करना, इससे बोलते जॉइंटली इन लोग डेवलप कर रहे। और एक्स को अपनी जमीन के बदले में क्या मिलेगा, सी बिल्डर लोग क्या करते, थोड़ा रोकड़ा भी दे देते। सी थोड़ा रोकड़ा क्यों देना पड़ता है, क्योंकि एक्स को क्या है, बिल्डिंग बनने की राह देखने का पेशेंस नहीं है। क्यों, एक्स ने अपनी जमीन तो दे दी, अब बिल्डिंग रातों रात थोड़ी खड़ी होगी, बिल्डिंग बनने में 2-3 साल लगेंगे और एक्स बोलता है तब तक मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, कुछ तो पैसा दे दे। तो बिल्डर लोग क्या करते, थोड़ा बहुत पैसा दे देते, थोड़ा बहुत मतलब पूरा नहीं, मेन तो उसको 3 फ्लैट मिलने वाले हैं ना और उसके लिए वेट कर, लेकिन एक बार के लिए क्या सामने को थोड़ा बहुत पैसा देते हैं तो एक्स को क्या अच्छा लगेगा। तो यूजुअली ऐसी डील में क्या होता है, एक्स को थोड़ा बहुत तो रोकड़ा ही दे देंगे, वो तो हाथों हाथ तुरंत दे देंगे, और बाद में उसको वेट एंड वॉच करना जब बिल्डिंग बनेगी, उस बिल्डिंग में से 3 फ्लैट उसको मिल जाएंगे। और ये 3 फ्लैट बायआउट मत करो, मेरा एग्जांपल है, हो सकता है 4 फ्लैट देंगे, 5 फ्लैट देंगे, डिपेंडिंग अपॉन उनका क्या टर्म्स है। अब बताओ इसमें कैपिटल गेंस आएगा कि नहीं, कैपिटल गेंस आएगा ना, क्योंकि मिस्टर एक्स ने एक तरह जमीन बेच दी है, लेकिन सी इसको बेचना नहीं बोल सकते क्योंकि उसने अपनी जमीन बिल्डर को दी है, लेकिन एक तरह से मिस्टर एक्स की जमीन का ट्रांसफर हो गया। अपना कैपिटल गेंस का कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट प्लस देयर मस्ट बी ट्रांसफर, तो कैपिटल गेंस आता है ना। तो द कंडीशन चेक करो, एक्स के लिए कैपिटल एसेट क्या था, उसका जमीन,
और ट्रांसफर हो गया है, आज से वो जमीन उसकी नहीं बिल्डर की हो गई है, ट्रांसफर भी हो गया तो कैपिटल गेंस तो आएगा ही। और हमेशा ना कैपिटल गेंस ट्रांसफरर को आता है, ट्रांसफरर। और इधर ट्रांसफरर कौन है? एक्स। सी बिल्डर तो बिल्डिंग बना रहा है अभी, इधर एक्स इज द ट्रांसफरर ऑफ द जमीन, तो एक्स के ऊपर कैपिटल गेन चढ़ेगा। कैसे आएगा बताओ? इसका कैलकुलेशन बताओ कैसे आएगा? फॉर्मेट क्या है अपना कैपिटल गेन्स का? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो सी फुल वैल्यू कंसिडरेशन को समझो क्या है। फुल वैल्यू कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब बदले में क्या मिला, समथिंग इन रिटर्न। तो बताओ एक्स की तो जमीन गई, जो गई उसका तो कॉस्ट लिखते, जो गई उसका कॉस्ट लिखते, लेकिन बदले में क्या आया उसको एफ वी ओ सी में लिखते। तो इसको बदले में क्या मिला? थोड़े बहुत पैसे मिले होंगे और बाद में 3 फ्लैट मिला है, तो ये उसका कंसिडरेशन हो गया। ओके, कॉमन सेंस लगाओ ना। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन में क्या आएगा? पढ़ो क्या लिखा है, मॉनेटरी कंसिडरेशन प्लस एचडीबी ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लोग क्या बोले, हमने मिलके बिल्डिंग बनाई, मिलके, तो मेरा हिस्सा क्या है? 3 फ्लैट, और बाकी के फ्लैट बिल्डर के हिस्से में आ गए क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगाया होगा ना यार। तो मिस्टर एक्स का हिस्सा क्या है? 3 फ्लैट, तो इसको बोलते हैं हिज शेयर। उसके शेयर का एचडीबी मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस मॉनेटरी कंसिडरेशन, ये क्या हो गया? एफईओसी। सी कैसा रटो मत, समझो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब बदले में क्या मिला, तो बदले में कुछ पैसे मिले और 3 घर मिले, और 3 घर का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे। ओके, फिर जो चीज अपना जाता है ना उसका कॉस्ट लिखते हैं। तो हमेशा कैपिटल गेंस में याद रखना, जो एसेट जा रहा है उसका कॉस्ट लिखते हैं, और वो बहुत पुराना एसेट है तो इंडेक्स कॉस्ट लिखते हैं, और जो बदले में आ रहा है ना वो कंसिडरेशन में आता है एफईओसी। ओके, लेकिन मेरे को बताओ इसका टैक्स कब आएगा? यूजुअली टैक्स कब आता है? ईयर ऑफ टैक्स इज अ ईयर ऑफ ट्रांसफर। ये देखो, ईयर ऑफ टैक्स इज अ ईयर ऑफ ट्रांसफर, लेकिन इधर ईयर ऑफ ट्रांसफर में टैक्स नहीं आ सकता है, क्योंकि यहां पर ईयर ऑफ ट्रांसफर मतलब क्या मालूम है? जिस दिन एक्स ने अपनी जमीन दी थी बिल्डर को, और जमीन जिस दिन दी उस ईयर में टैक्स भरना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन जमीन दी खुली खुली जमीन पड़ी है, और अपने को टैक्स किस पे भरना है? जो बदली में 3 फ्लैट मिलेंगे उस पे। लेकिन फ्लैट बने ही नहीं तो टैक्स कहां से भरूं? महसूस कर जरा, जब मैंने बिल्डर को अपनी जमीन दी थी वो तो खाली जमीन पड़ी थी, और अगर कोई बोले नहीं जब ट्रांसफर होता है तभी टैक्स भरो, तो भरू कैसे? चल भर भी दूंगा, कितने पे भरू? क्योंकि टैक्स तो मुझको किस पे भरना है? 3 फ्लैट की वैल्यू पे। लेकिन 3 फ्लैट जब तक बनेंगे ही नहीं उसकी वैल्यू कैसे मालूम पड़ेगी, और जब तक उसकी वैल्यू नहीं मालूम पड़ेगी तो कैलकुलेशन कैसे होगा ये वाला, तो टैक्स कैसे भरूंगा? इसलिए लॉ ने बोला ठीक है, ऐसे तो जब लैंड का ट्रांसफर हुआ ना तभी टैक्स आ जाना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन है। इधर टैक्स कब आएगा? जब बिल्डिंग तैयार हो गई तब। और बिल्डिंग तैयार होना मतलब बिल्डिंग का सीसी आता है, सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीशन। क्या आता है? बिल्डिंग का सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीशन। एक बिल्डिंग का सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीशन आ गया मतलब बिल्डिंग रेडी हो गया, कम्प्लीशन सर्टिफिकेट आ गया। ओके, सी बिल्डर लोग बिल्डिंग बनाते हैं ना तो उसका सीसी मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। तो जिस दिन बिल्डिंग कंप्लीट हो गई मतलब उसका सीसी आ गया, उस ईयर में टैक्स भरेंगे, क्योंकि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तभी अपने को वो 3 फ्लैट की वैल्यू पता चलेगी ना। तो ये देखो क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है इधर। तो देखा क्या था, ईयर ऑफ टैक्स इज द ईयर ऑफ इश्यू ऑफ सीसी, सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीशन, तो ये भी एक्सेप्शन हो गया। मैंने 4 एक्सेप्शन बताया था, सीसीडीजे, ये 4 केस में क्या होता है? टैक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर में नहीं आता, कोई अलग ईयर में आता है, तो ये भी वही हो गया ना। लेकिन सी जब भी मैं बोलूँ ना टैक्स को अलग ईयर में आएगा, उस वक्त तुरंत रिमाइंड करना कि टैक्स अलग ईयर में आएगा, इंडेक्स अलग ईयर का नहीं होगा। इंडेक्स का गाना अपना अटल है, कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज। तो इंडेक्स करते टाइम है ना ईयर ऑफ ट्रांसफर ही लेना है। तो सी ये वाला एग्जांपल ट्राई कर जरा समझाए, तो ये पढ़ क्या लिखा है।
ये देखो, मान लो मिस्टर एक्स ने वो जमीन 2007-08 में खरीदी थी एंड फिर बिल्डर को उसने 2021 में बिल्डर को दे दी, और जैसे उसने अपना लैंड हैंडओवर किया ना, सी रियल लाइफ पे जब लैंड हैंडओवर होता है तो लैंड का कोई चाबी वाबी तो नहीं होता, घर का तो फ्लैट का चाबी होता है ना, लैंड तो खुला है, तो बिल्डर को हैंडओवर क्या मतलब उसका क्या प्रूफ है, हैंडओवर मतलब क्या, लैंड में तो कोई भी घूम सकता है, तो बिल्डर को हैंडओवर करते एग्रीमेंट बनता है, मतलब बाकायदा एक एग्रीमेंट बना था किस ईयर में 2021, और 2020 मतलब उसमें भी डेट होता है, उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि मैं मिस्टर एक्स अपनी ज़मीन बिल्डर को दे रहा हूँ, मुझे बदले में उसने अग्री किया कि 3 फ्लैट मिलेगा, ऐसा एग्रीमेंट बनता है, उसको बोलते हैं जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। ये देखो ये अग्रीमेंट कब बना था, 2021, और एग्रीमेंट बना मतलब आज से वो ज़मीन बिल्डर की हो गई, तो ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन बिल्डिंग बनी कब, 2023-24 में, तो टैक्स तो कब आएगा, 2023-24, लेकिन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंडेक्स विंडेक्स कैसे करेंगे, यस वो ऐसे करने का होता है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इधर सब लोग का गड़बड़ होता है। सोची टैक्स तू भले भरना 2023-24 में, लेकिन जब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गिनना है उसमें ये सब मत देखना, उधर परचेज डेट से ट्रांसफर डेट इंडेक्स भी करना है तो ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज, तो मेरे को पता इसका इंडेक्स कैसे होगा, न्यूमरेटर में 2021 का इंडेक्स आएगा, डिनोमिनेटर में 2007-08 का इंडेक्स आएगा। ये देखो इधर इंडेक्स करते हैं ना, तो न्यूमरेटर में 2021 का और डिनोमिनेटर में वो 7-8 वाले ईयर का इंडेक्स आएगा, लेकिन ये पूरी कैलकुलेशन करके टैक्स कब बढ़ना है ईयर ऑफ सीसी में, दैट इज 2023-24 इन माई एग्जाम्पल। ओके, तो ये सेक्शन 45(5) हो गया, तो इसका समय है तो सिंपल, ये सब डेटा तुमको दिया होगा और लैंड का कॉस्ट भी देंगे, परचेज डेट भी देंगे, ट्रांसफर डेट भी देंगे, प्लस सीसी वाला डेट भी देंगे, लेकिन सीसी वाले डेट का इधर काम नहीं आएगा। सीसी वाले डेट के लिए क्या बोलना चाहिए, ये सारी कैलकुलेशन सीसी वाले ईयर में हो रही है, टैक्स इस ईयर में आएगा, लेकिन अपने को काम इधर ट्रांसफर और परचेज डेट का ही। ओके, तो ये 45(5)A हो गया, 45(5)A। ओके, फिर लुक हियर, इसके बाद अगला सेक्शन है सेक्शन 47। ओके, अब सेक्शन 47 में मालूम है क्या है, देर आर सिक्स ट्रांसफर जिसमें ना लुक कैपिटल असेट भी है, ट्रांसफर भी हो रहा है, तो कैपिटल गेंस आना चाहिए फिर भी नहीं आएगा। ये देखो इधर कुछ अजीब नहीं लग रहा है, कैपिटल असेट होता है, ट्रांसफर होता है, तो कैपिटल गेंस आना चाहिए, लेकिन इधर ऐसा है ना, आना चाहिए फिर भी नहीं आएगा, इसको बोलते हैं एग्जेम्प्ट ट्रांसफर्स। क्यों नहीं आएगा रीजन बताऊंगा, लेकिन देर आर सिक्स ट्रांजेक्शन्स, एक्चुअली सी थोड़े ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, मैं तुमको कम बता रहा हूँ, ऐसे सिक्स मतलब रट मत लोगे, कानून में 6 ही ट्रांजेक्शन है, कानून में तो सेक्शन 47 खोलोगे ना लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं तुम्हारे काम के जो 6 ट्रांजेक्शन है बता रहा हूँ। ओके, 6 ऐसे एक्सचेंज, 6 भी नहीं सॉरी 7 है, ये देखो ये 7 दिख रहा है ना, और उसके बाद देखो मैंने एक्सेट्रा लिखा है, एक्सेट्रा मतलब एक्चुअल लाइफ में तो और भी ट्रांजेक्शन है, लेकिन तुमको मैं खाली 7 ऐसे ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ ना, कैसे जिसमें कैपिटल असेट भी है, ट्रांसफर भी हो रहा है, बट कैपिटल गेंस नहीं आएगा, इट इज एग्जाम अंडर सेक्शन 47। अब सुनो सेक्शन 47 पढ़ते टाइम लग के, हाँ ठीक है ना, कुछ खास नहीं है, लेकिन सेक्शन 47 के बाद एक जोड़ी में ना 49(1) वाला सेक्शन आता है, वो जोरदार इंपॉर्टेंट है, लेकिन 49(1) सक्सेसफुल कब होता है, जब 47 अच्छी तरह पढ़ा होता है। ओके, तो सी 47 पढ़ते, पहला ट्रांजेक्शन है गिफ्ट, अगर कोई किसी को एसेट गिफ्ट करता है तो उसमें कैपिटल गेन नहीं आता है। ओके, सी पहले तो ना गिफ्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, वो रिसीवर के लिए जिससे गिफ्ट मिलती है उसके लिए, लेकिन कैपिटल गेन के चैप्टर में ना रिसीवर बन के मत सोच, कैपिटल गेन इज ऑलवेज फॉर द ट्रांसफरर, सेलर को गेन होता है, सेलर और सेलर इज लाइक अ ट्रांसफरर। तो ये देखो लुक हियर, आज अगर मैं ये एसेट तुमको गिफ्ट करता हूँ तो ट्रांसफरर मैं हूँ ना, तो ट्रांसफरर को कैपिटल गेन्स आना चाहिए। सी रिसीवर को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगा, उसको अभी बीच में मत घुसेड़, अभी मैं ट्रांसफरर बन के सोच रहा हूँ, ट्रांसफरर को कैपिटल गेन्स आना चाहिए,
ओके, क्योंकि कंडीशन फुलफिल हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं आएगा क्योंकि गिफ्ट देने वाले के मन में कमाने का मोटिव नहीं है, एंड बिकॉज उसके मन में कमाने का मोटिव नहीं है तो गवर्नमेंट उसको टैक्स नहीं मारेगी। नहीं तो गवर्नमेंट बुक्कड़ होती ना तो गवर्नमेंट मालूम है क्या बोलती, तेरे को सामने वाले से नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तूने गिफ्ट में एसेट लुटा दिया, लेकिन हमको किसी से लव नहीं है, हम तो ऐसा सोचेंगे तूने अगर गिफ्ट नहीं दिया होता, बेचा होता तो मार्केट में क्या भाव में बिकता, उसको हम सेलिंग प्राइस पकड़ लेंगे और उसकी कॉस्ट को माइनस करके कैपिटल गेन कैलकुलेट करके टैक्स भी भरवा सकती थी अगर गवर्नमेंट बुक्कड़ होती तो। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, नहीं नहीं बहुत चीप लगेगा, इधर कोई बंदा गिफ्ट दे रहा है उसके मन में कमाने की भावना ही नहीं है तो हम टैक्स मारते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। इससे गवर्नमेंट ने रूल बना दिया गिफ्ट देने वालों दे दो, ऐसे तो वी हैव द बेसिस टू चार्ज यू, बेसिस ऑफ चार्ज मतलब ये कंडीशन, ऐसे तो वी हैव द बेसिस टू चार्ज यू बिकॉज यू हैव अ कैपिटल सेट और तुमने ट्रांसफर किया मतलब ओनरशिप चेंज किया है, तो वी हैव द बेसिस टू चार्ज यू, हम चाहे तो तेरे को टैक्स भी मार सकते, कैसे, उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट के हिसाब से, लेकिन ठीक है तेरे मन में जब कमाने की भावना नहीं थी तो हम तेरे को टैक्स नहीं मारेंगे, इसे एग्जेम किया है, तो इट इज एग्जेम अंडर सेक्शन 47। और सुनो, गिफ्ट ही नहीं, गिफ्ट हो गया, विल हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, सी ये सब में क्या होता है, एसेट का ओनरशिप चेंज हो जाता है, और टेक्निकली मालूम है एसेट का ओनरशिप चेंज हो गया मतलब ट्रांसफर हो गया, और गवर्नमेंट ट्रांसफर का झंडा गाड़ के टैक्स मार देगी तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर हमारा कोई कमाने का मोटिव थोड़ी है, जैसे कोई मर गया है तो मरने के बाद जायदाद किसी को मिलेगी ना, तो इट्स अ नेचुरल ट्रांसफर, लेकिन गवर्नमेंट उस पर बोलेगी नहीं नहीं ट्रांसफर हो गया भाई, कैपिटल गेन तो आएगा नहीं, आ सकता ऐसे में। ओके, तो ये एक चीज होगी, लिस्ट याद रखना, इसका बहुत काम आएगा अगले सेक्शन में। तो गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस में अगर ट्रांसफर होता है तो माना कि कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है लेकिन कैपिटल गेन्स नहीं आएगा। ओके, फिर अगला पॉइंट सुनो, ट्रांसफर बाय HUF टू इट्स इंडिविजुअल मेंबर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। पता है HUF भी इनकम टैक्स में एक अस्तित्व होता है, सेपरेट एंटिटी होती है, और HUF के पास है ना मान लो बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, और जो प्रॉपर्टी HUF की थी ना इट्स अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द होल फैमिली। HUF का नाम ही क्या है, फुल फॉर्म ही क्या, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो अगर HUF कोई जमीन प्रॉपर्टी सोना चांदी होल्ड करती है ना तो किसी एक जन का प्रॉपर्टी के जॉइंट प्रॉपर्टी है, इट्स अ जॉइंट प्रॉपर्टी, हम ऐसा नहीं बोलते कि जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इट्स अ कॉमन प्रॉपर्टी। लेकिन सी वो फैमिली कॉमन कब रहती है, जब तक सुख शांति से सब चल रहा है, लेकिन बहुत बार फैमिली में दरार हो जाती है, झगड़े होते हैं तो बंटवारा होता है, और जब बंटवारा होता है तो सबसे बड़ी लड़ाई क्या है कि जो HUF के नाम पे प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा करो, क्योंकि HUF के नाम पे प्रॉपर्टी वो सबका कॉमन प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी कॉमन वॉमन नहीं सब अलग होना चाह रहे हैं तो बंटवारा होगा, तो बंटवारे में क्या होगा, जो भी HUF के मेंबर होते हैं, HUF में मेंबर कौन होता है, जो मेन करता होता है उसकी बीवी और उसके बच्चे, जैसे मेरे HUF में मैं करता हो गया, मेरी वाइफ हो गई और मेरे बच्चे, वो HUF के मेंबर है, तो अगर HUF में बंटवारा होगा तो हर मेंबर को अपना अपना हिस्सा मिलेगा, लेकिन सी वो हिस्सा जब मिलता है ना उधर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। चेक करो, कैपिटल असेट HUF के पास थे प्लस ट्रांसफर हुआ क्योंकि ओनरशिप चेंज हो गया, जो HUF का था वो इंडिविजुअल सदस्य का हो गया, इंडिविजुअल मेंबर का, तो ट्रांसफर हुआ है तो वो हिसाब से कैपिटल गेन्स लगना चाहिए, लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट कैपिटल गेन नहीं मारेगी क्योंकि इधर कमाने का मोटिव नहीं है। अब एक HUF का बंटवारा हो रहा है तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि प्रॉपर्टी का बंटवारा तो होना ही है, जैसे कोई आदमी मरा है तो जायदाद किसी को जाती है, तो वैसे HUF मर गई तो उसकी प्रॉपर्टी इंडिविजुअल मेंबर को जाएगी, तो इसमें कोई कमाने का मोटिव नहीं है तो इसमें भी टैक्स नहीं आता है। ओके, तो कभी भी HUF के बंटवारे में इंडिविजुअल मेंबर को प्रॉपर्टी दी है तो उस पर कैपिटल गेन्स नहीं आता है। सी कैपिटल गेन आवे ना तो भी किसको आता है, हमेशा ट्रांसफरर को, और इधर ट्रांसफरर कौन है, HUF, और HUF बोले मैं काय को टैक्स भरूँ यार, मेरा थोड़ी कमाना है, मैं तो एक जॉइंट फैमिली थी, अभी फैमिली टूट गई, अब बंटवारे में सब मेंबर को प्रॉपर्टी दे दी है तो उसमें थोड़ी टैक्स आता है, इसमें तो कुछ कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, अगर हस्ती खेलती HUF अगर अपनी प्रॉपर्टी मेंबर को बेचती है तो कैपिटल गेन आएगा ना। ये तो क्या पार्टीशन होता है तो सबको प्रॉपर्टी बांट देते तो उसमें तो कुछ कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व नहीं है तो इसमें टैक्स नहीं आएगा। फिर लुक, एक और पॉइंट है,
ये देखो इधर क्या हुआ है, एक मिस्टर एक्स है, उसके पास है ना करोड़ों की जायदाद है, उसने अपनी पूरी जायदाद HUF के नाम पे कर दी। अरे मतलब जैसे मान लो मैं एक्स हूँ, मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टीज है, तो मैंने क्या किया, जीते जी मेरा सब कुछ HUF के नाम पे कर दिया। क्या सोच के मालूम है कि अभी मैं तो बुढ़ा हो गया, अगर मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होगा, और प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट मतलब मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो इसलिए मिस्टर एक्स ने क्या किया, जीते जी अपना सब कुछ HUF के नाम पे कर दिया। अब वो मर भी गया तो चैन से मरेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के झगड़े नहीं होंगे ना, क्योंकि उसने तो जीते जी सब कुछ HUF का कर दिया, और जो HUF का है वो तेरा मेरा मेरा तेरा के सबका है, सबका है, सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। सी कोई कोई लोग प्रॉपर्टी के झगड़े नहीं हो तो वसीयत बनाते हैं, लेकिन इसने वसीयत नहीं बनाई, इसने क्या किया, जीते जी सब कुछ अपना HUF का कर दिया, और HUF का हो गया अपने आप कॉमन बन गया सबका, ओके। लेकिन सी इस चक्कर में क्या हो गया, एक्स की चीज HUF की बन गई, ओनरशिप चेंज हो गई, मतलब जो पर्सनली एक्स के नाम पे था वो HUF के नाम पे हो गया। और कभी भी ओनरशिप चेंज होती है तो इट इज अ ट्रांसफर, तो इसमें तो कैपिटल गेंस आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि मिस्टर एक्स ने ये सब कमाने के मोटिव से किया है कि फैमिली की सुख शांति के लिए, फैमिली की सुख शांति के लिए किया है, उसका कमाने का मोटिव ही नहीं था। उसने तो ये सब क्यों किया, ताकि जो HUF के नाम पे हो जाएगा तो आगे प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं होगा, तो बिकॉज उसका कमाने का मोटिव नहीं है, इस पर कैपिटल गेंस नहीं आएगा, ओके। ये दो सब में रीजन एक ही था, बिकॉज नो इंटेंशन टू मेक गेन। फिर लुक हियर, ये तीन पॉइंट हुए। चौथा पॉइंट देखना, अमालगमेशन में, ये देखो एक्स लिमिटेड का सब कुछ वाई लिमिटेड ने टेक ओवर कर दिया, अमालगमेशन होता है ना, उसमें भी कैपिटल गेंस नहीं आता है, ओके। लेकिन सी अमालगमेशन में इसको क्या बोलते, इसको क्या बोलते मालूम है, अकाउंट्स में तो तुमको बोला है ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी, लेकिन एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, अमालगमेटिंग कंपनी, और इसको क्या बोलते हैं, अमालगमेटेड कंपनी, टिंग एंड टेड। टिंग मतलब टिंग, जो कंपनी बंद हो गई और उसका सब कुछ चला गया, और जो परचेजिंग कंपनी होता है उसको बोलते हैं अमालगमेटेड कंपनी, ओके। तो अमालगमेशन में भी कुछ ट्रांसफर होता तो कैपिटल गेन नहीं आएगा, ओके। फिर आगे सुनो, फटाफट सुनते हो, अगला पॉइंट है होल्डिंग सब्सिडरी। सुनो इधर, एक होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन कब बनता है, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी का मोर देन 50% होल्ड करता है, और मोर देन 50% होल्ड किया मतलब होल्डिंग सब्सिडरी रिश्ता बन जाता है, होल्ड करने वाला होल्डिंग, जिसका होल्ड कर रहे हो सब्सिडरी। लेकिन सी 100% शेयर होल्डिंग भी होता है कभी कभी, सी होल्डिंग होने के लिए तो 50% के ऊपर कुछ भी हुआ चलेगा, लेकिन अगर किसी कंपनी का 100% शेयर्स मेरे पास है ना, तो ऐसे रिश्ते में कुछ भी सेल हुआ ना कैपिटल गेंस नहीं आएगा। क्योंकि मालूम है आज होल्डिंग कंपनी अपनी जमीन सब्सिडरी को बेचती भी है, तो वो उसकी जमीन अभी भी उसी की है। सी ट्रांसफर कब होता है, जब अपनी चीज पराई हो जाए, लेकिन 100% सब्सिडरी को बेच भी दिया तो उसमें पराया पर लग नहीं रहे, वो मेरा ही तो कंपनी है, तो अगर मैंने अपनी जमीन उसको बेच भी दी, इट्स लाइक वो जमीन अभी भी मेरे पास ही है, और जो चीज मेरे पास ही है तो उसमें कैपिटल गेन क्यों। कैपिटल गेन तो कब आना चाहिए, जब अपनी चीज पराई हो जाए, और पराई मतलब परायापन कब लगता है, जब 100% शेयर होल्डिंग नहीं होगा। तो जैसे सी इधर 100% के बदले 60% शेयर होल्डिंग होता ना, तो वो पूरा कंपनी मेरा नहीं है, तब अपने उसको जमीन दे दिए ना, तो अपना जमीन पराया हो गया, एंड फिर पूरा कैपिटल गेन आएगा, फुल कैपिटल गेन आएगा। एग्जाम कब होगा, 100% हुआ तो। इधर ऐसा नहीं कि पार्टली आएगा पार्टली नहीं आएगा, एक बार कैपिटल गेन आया तो पूरा आएगा, लेकिन कब आएगा, लेस देन 100% शेयर होल्डिंग हुआ तो। क्योंकि 100% हुआ फिर तो क्या, पूरा कंपनी मेरा है, तो उसको अगर जमीन बेच भी दी ना, इट्स लाइक मेरी जमीन अभी भी मेरे पास ही है, तो उसमें कैपिटल गेन नहीं आता है, ओके। तो इन शॉर्ट इधर बाय हेड करो 100% होना चाहिए, और सी ये ड्रॉइंग को है ना मिसअंडरस्टैंड मत करना, ऐसा नहीं कि होल्डिंग सब्सिडरी को बेचनी चाहिए, वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब इनके बीच कुछ भी होता है ना, गवर्नमेंट क्या बोलती है, इसको हम लोग कैपिटल गेन में नहीं रखेंगे, क्योंकि बोलने के लिए दो अलग कंपनी है, लेकिन क्या है, दो जिस्म एक जान है, मतलब दो कंपनी है लेकिन एक ही एंटिटी है, ओके।
बट कानून की नजरों में दो सेपरेट एंटिटी हो जाती है, 100% होना जरूरी है, क्वेश्चन में 90% दिया तो कैपिटल गेन आएगा, पूरा आएगा। और कैपिटल गेन हमेशा किसको आता है, ट्रांसफर और सेलर को आता है। अगला पॉइंट सुनो, लुक हियर, ये जो अगला पॉइंट अमालगमेशन को लेके, सी अमालगमेशन में जब कंपनी अपने एसेट्स दूसरे कंपनी को देती है तो उसमें तो कैपिटल गेन्स नहीं आता ना, लेकिन वो तो कंपनी के लिए बोला, कंपनी के लिए, शेयर होल्डर के साथ क्या होता है? ये देखो, अमालगमेशन में जो शेयर होल्डर होता है ना, जैसे एक्स लिमिटेड का शेयर होल्डर है, उसको अपने पुराने शेयर्स के बदले नए शेयर्स मिलते हैं। अरे अकाउंट्स में नहीं पड़ा एक्सचेंज रेशियो होता है, जो कंपनी का मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरा वो कंपनी तो बंद हो गया ना, तो मेरे को जूना शेयर के बदले में नया शेयर मिलता है। तो सी ये वाले केस में, जैसे मान लो रिलायंस है ना, टाटा में मर्ज हो गई है, तो रिलायंस के शेयर होल्डर को क्या होगा, उसके पुराने रिलायंस के शेयर कैंसिल होके टाटा के शेयर मिलेंगे ना। और पता है ये भी कैपिटल गेन का माहौल बना रहा है। क्या ये वाली चीज को देख, शेयर होल्डर के लिए गवर्नमेंट बोलेगी, भाई तेरा शेयर का अदल बदल हो गया, तेरे रिलायंस के शेयर चले गए, बदले में टाटा के शेयर आ गए, अरे भाई ये तो एक्सचेंज हो गया, और एक्सचेंज तो सरक में था। ये सरक क्या है, ट्रांसफर का डेफिनेशन है। ट्रांसफर के डेफिनेशन में सेल के साथ एक्सचेंज भी है, और एक्सचेंज मतलब बाटा सिस्टम। और इधर वही हुआ है कि मेरे रिलायंस के शेयर चले गए और बदले में टाटा के शेयर्स आ गए, तो देर इज एन एक्सचेंज। तो सी टेक्निकली शेयर्स कैपिटल असेट है, ट्रांसफर के नाम पे एक्सचेंज हुआ है तो कैपिटल गेंस आना चाहिए, लेकिन इधर भी नहीं आता है, क्योंकि शेयर होल्डर बोलेगा मेरा कमाने का मोटिव नहीं था, मेरा क्या कसूर, मेरा कंपनी बंद हो के मर्ज हो गया है, अब मेरी कंपनी बंद हो के मर्ज हो रही है तो मेरे तो शेयर कैंसिल करके नया शेयर लेना ही पड़ेगा ना मेरे को, मेरा तो कंपनी बंद हो गया है, इसमें मैंने थोड़ी कोई कमाने के शौक से किया है, इसलिए बिकॉज इधर कमाने का इंटेंशन नहीं है, इस पर टैक्स नहीं आता है। लेकिन सी ये ना अमालगमेशन हुआ है, तो जैसे मान लो मेरी कंपनी का कोई अमालगमेशन नहीं हुआ है, मेरे पास इन्फोसिस के शेयर्स पड़े और वो कंपनी का अमालगमेशन नहीं हो रहा है, ऐसे ही मैंने अपने इन्फोसिस के शेयर्स दोस्त को दे दिए और बदले में मैंने उससे रिलायंस के शेयर्स ले लिए, तो ये तो मुझे अभी खुजली चढ़ी है ना, अमालगमेशन नहीं है, ऐसे ही इन्फोसिस के शेयर्स पड़े थे, नहीं ये इन्फोसिस के शेयर्स निकाल के मैं बदले में रिलायंस का शेयर ले रहा हूँ, तो कैपिटल गेन आएगा। वो अमालगमेशन होता है तो नहीं आता, लेकिन अमर अमालगमेशन नहीं हो रहा है, मैंने एवं अपने शेयर्स दे के बदले में किसी रिलायंस के शेयर ले तो आएगा। इसमें बताओ कैसे आएगा कैपिटल गेन, मेरे इन्फोसिस के शेयर्स चले गए, जो चले गए उसकी कॉस्ट विल बिकम कौवा, और बदली में जो रिलायंस का शेयर्स मिला उसका मार्केट वैल्यू FVOC में आएगा, मतलब तब आएगा अगर अमालगमेशन नहीं हुआ हो तो। लेकिन अमालगमेशन के चक्कर में अदल बदल होता है ना शेयर्स का, तो एग्जेम्प्ट है वो। फिर एक और पॉइंट देखना, कन्वर्टिबल डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट होता है। पता है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में क्या होता है, थोड़े वक्त के बाद वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो सी इसमें भी देखने जाए तो एक्सचेंज हो गया ना, और मालूम है सरक में ही क्या था, एक्सचेंज, और एक्सचेंज में कैपिटल गेंस आता है। एक्सचेंज कैसे हो गया, डिबेंचर्स चले गए बदले में शेयर्स आ गए, तो ये भी एक तरह का एक्सचेंज है, इसमें भी कैपिटल गेन आना चाहिए। ओके, बट इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि कमाने का मोटिव थोड़ी है। अरे कन्वर्टिबल डिबेंचर तो लिखवा के लाया था कि तू अपने जीवन में कभी ना कभी शेयर्स में बदलने वाला है, तो वो तो अपना लिखवा के आया था किस्मत में कि तेरी डिबेंचर वाली स्टेटस शेयर्स में बदल जाएगी, तो इसमें थोड़ी कोई कमाने के शौक से किया है। हाँ अगर ऐसा होता ना, मेरे पास कुछ डिबेंचर्स पड़े और मुझे पसंद नहीं है, मैंने अपने दोस्त को बोला तू मेरा डिबेंचर रख ले, मेरे को तेरे शेयर्स दे दे, तो ये मेरे को अलग से खुजली चढ़ी है, तो इसमें कैपिटल गेन आएगा। हाँ मेरे कन्वर्टिबल डिबेंचर ऑटोमेटिकली शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो नहीं आएगा, लेकिन वो कन्वर्टिबल डिबेंचर नहीं थे, ऐसे ही मेरे पास कुछ डिबेंचर पड़े थे, मैंने फ्रेंड को बोला तू एक काम कर मेरा डिबेंचर रख ले, तेरा शेयर्स मेरे को दे ले, तो आएगा। फिर कैसे आएगा, जो डिबेंचर्स चले गए उसका कॉस्ट विल बिकम कौवा, और जो शेयर्स बदली में आए उसका मार्केट वैल्यू FVOC में आएगा, तो आएगा अगर मैंने शौक से ऐसा किया तो। लेकिन कन्वर्टिबल डिबेंचर ऑटोमेटिकली जो शेयर्स में कन्वर्ट होते एज पर द टर्म्स ऑफ द कंपनीज इशू, देन उस पर कैपिटल गेन नहीं आएगा, एक्सेट्रा। तो सी टोटल मैंने 7 ट्रांजेक्शन तुमको बताए। ओके 7 ट्रांजेक्शन क्या थे, देखो
गिफ्ट विल इनहेरिटेंस पार्टीशन कन्वर्जन अमालगमेशन शन 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 तीन शन है गिफ्ट विल इनहेरिटेंस के बाद तीन शन है पार्टीशन कन्वर्जन अमालगमेशन शन 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 फिर उसके बाद होल्डिंग सब्सिडरी और दो पॉइंट एक्सचेंज के थे एक में क्या शेयर होल्डर अपना जूना शेयर नए में एक्सचेंज करे अमालगमेशन के वक्त और दूसरे में कन्वर्टेबल डिबेंचर शेयर्स में एक्सचेंज हो रहे हैं ओके तो दो पॉइंट एक्सचेंज के थे एक होल्डिंग सब्सिडरी का था एक अमाल तीन शन थे पार्टीशन कन्वर्जन अमालगमेशन और एक गिफ्ट विल इनहेरिटेंस सी ये सब का है ना इम्पोर्टेंस अभी आएगा अभी तो अपने सुन के ले लिए हाँ बस ये ट्रांजेक्शन में कैपिटल गेन नहीं आता तो नहीं आता अब देखना क्या होगा अब जो अगला सेक्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये वाले सेक्शन से कनेक्टेड है अगला सेक्शन क्या हमने 49.1 ये देखो लुक हियर ये दिख रहा जोड़ी ये कॉम्बो है कॉम्बो 47 और 49.1 का कॉम्बो होता है तो अभी मैंने तुमको 47 पढ़ाया था ना अभी 49.1 इंट्रोड्यूस करने वाला ओके तो ये कॉम्बो देखा सेक्शन 47 और 49.1 अब सुनो सेक्शन 49.1 चालू हो रहा है ये सेक्शन क्या बोलता है लोग कि कभी भी एक ट्रांसफर 47 में एग्जेम्प्ट होता है तो उसमें तो कैपिटल गेन नहीं आता है लेकिन उसके बाद वाला जो ट्रांजेक्शन होता है ना बाद वाला उसमें 49.1 की कुछ विशेष बातें हैं जो मैं बताऊंगा तो 49.1 है ही किसके लिए मालूम है एग्जेम्प्ट ट्रांसफर के लिए नहीं बाद वाले के लिए क्योंकि सी जो ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट है उसमें तो कैपिटल गेन कंप्यूट ही नहीं करना है तो उसमें और क्या बात करेंगे लेकिन उसके जो बाद वाला होता है ना उसमें 49.1 का कुछ इंपॉर्टेंस आता है इससे सी कभी भी एग्जाम में सेक्शन 49.1 पे समय आया ना पेपर सेटर को दो दो ट्रांसफर देने पड़ेंगे ये रट लो क्वेश्चन में दो दो ट्रांसफर दिए होंगे ये देखो मैंने भी लिखा है ट्रांसफर वन ट्रांसफर टू पहला ट्रांसफर कैसा होगा 47 की लिस्ट में से जो मैंने अभी बताया था गिफ्ट विल इनहेरिटेंस पार्टीशन कन्वर्जन अमालगमेशन होल्डिंग सब्सिडरी वैसा कुछ होगा और वो देख के लगे अरे हाँ ये तो 47 में था और उसका कुछ करना भी मत उसके लिए क्या लिख देने का नोट इट इज एग्जेम लेकिन उसके बाद जो अगला ट्रांजेक्शन होगा ना उसमें 49.1 में कुछ विशेष बातें दी है सी वो विशेष बातें क्या है ऐसे ओरल बोल के समझेगा डायरेक्ट एग्जाम्पल लेता हूँ सी एग्जाम्पल लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पहले ऐसा एक ट्रांजेक्शन बनाना पड़ेगा ओके तो सी मैं 47 में से कुछ भी ले सकता हूँ चलो होल्डिंग सब्सिडरी का ले रहा हूँ होल्डिंग सब्सिडरी का पॉइंट 47 की लिस्ट में था ना अरे था ना ये तो मैं ये वाले को लेके सिखा रहा हूँ लेकिन मैं पहले ही बोलता हूँ कि ऐसा रट मत लेना कि होल्डिंग सब्सिडरी के लिए सर कुछ खास बता रहे अभी मेरे पास तो क्या है 7 एग्जाम्पल ले सकता हूँ लेकिन मैं खाली होल्डिंग सब्सिडरी को लेके सिखा रहा हूँ लेकिन बाद में समझ जाना कि कोई भी 47 वाला ट्रांसफर हुआ रूल सेम है तो ये देखो मैंने सब तैयारी करके रखी है लुक हियर मान लो एक होल्डिंग कंपनी है उसने एक लैंड परचेस किया था कितने में 100 रुपये में 2017-18 में ये उसका कॉस्ट हो गया फिर उसने वही लैंड बेच दिया किसको सब्सिडरी और वो भी 100% सब्सिडरी है और 100% देख के क्या आएगा कैपिटल गेन आएगा ही नहीं इट इज एग्जेम अंडर सेक्शन 47 और कभी बेचा 21-22 में एट अ सेल प्राइस ऑफ 400 देखने जाए तो 100 की चीज को 400 में बेचा तो 300 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ है लेकिन उस पर टैक्स नहीं आएगा एग्जेम अंडर सेक्शन 47 ओके लेकिन सब्सिडरी कंपनी ने ना वही जमीन आगे फ्यूचर में जाके बेच दी सब्सिडरी को मिला कब था 21-22 में बेचा कभी 23-24 तो सब्सिडरी कंपनी ने 500 रुपये में बेचा मेरे को बता सब्सिडरी को जमीन पड़ी कितने में थी 400 में पड़ी थी अरे सब्सिडरी को अरे होल्डिंग ने 100 की जमीन इसको 400 में बेचा तो सब्सिडरी को तो 400 में पड़ा ना और उसको पड़ा 400 में सब्सिडरी बन के सोच
सब्सिडरी को पढ़ा 400 में, उसने बेचा 500 में, तो अगर कैपिटल गेंस निकालने जाएंगे तो कैसे निकालना चाहिए? अपने क्या सोचेंगे, ओ 500 में बेचा है और अपने को पड़ा था 400 में, तो सब्सिडरी बन के सोचना, पहले ही बता रहा हूँ। तो सब्सिडरी को क्या लगेगा, हाय मैंने 100 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, 100 रुपये पे टैक्स आएगा ना। लेकिन गवर्नमेंट बोलेगे नहीं, ये इसको हम लोग कॉस्ट नहीं मानेंगे, हम लोग इसको कॉस्ट मानेंगे 100 को। क्यों मालूम है? क्योंकि गवर्नमेंट की इस पे नज़र पड़ी है, ये ट्रांजेक्शन टैक्स से बचा हुआ बैठा था चूहा, है ना, ये वाला ट्रांजेक्शन है ना टैक्स से बच के बैठा था अंडर सेक्शन 47। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई हमने ये वाले ट्रांजेक्शन में जो कैपिटल गेन हुआ था उसको माफ़ किया था ना, अब वो एग्जेम्पशन भी हमको विड्रॉ करना है। हमको क्या इस वक्त टैक्स मारना उचित नहीं लगा था? क्यों नहीं लगा था? क्योंकि हम क्या सोचे, एक होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी को दे रही है और सब्सिडरी भी कैसी 100%, मतलब वो एक तरह से एसेट खुद ने खुद ही को दिया है, और खुद ने खुद ही को दिया, खुद से क्या कमा सकता है, तो वो सोच के हमने माफ़ कर दिया। लेकिन अब तो वो एसेट सब्सिडरी से भी बाहर निकल चुका है, और सब्सिडरी से बाहर निकला है 500 में, तो इसको हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस लेंगे। अरे मतलब ये हो जाएगा FVOC, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 100 को लेंगे। और पता है ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है? गवर्नमेंट को इस पे भी टैक्स मारना है और पहले वाले पे भी टैक्स मारना है। और पहले वाला ट्रांजेक्शन क्या, गवर्नमेंट ने मजबूरी में एग्जाम किया था, और मजबूरी क्या थी, क्या होल्डिंग कंपनी 100% सब्सिडरी को दे रही है, और 100% सब्सिडरी तो वो अपना ही कंपनी है, और अपनी चीज़ अपने को ही दी तो उसमें क्या कैपिटल गेन, तो वो सोच के माफ़ कर दिया। लेकिन अब तो वो चीज़ अपनी है कि पराई हो गई, पराई हो गई, सब्सिडरी ने ज़मीन निकाल दी। अब अगर गवर्नमेंट को प्रॉफिट रियलाइज होता है, सी इधर क्या बोलना चाहिए, प्रॉफिट अनरियलाइज था, अकाउंटिंग लैंग्वेज बताऊँ ना, अकाउंट से बात करते ना, अनरियलाइज प्रॉफिट, तो इधर गवर्नमेंट को क्या लग रहा है, प्रॉफिट वॉज नॉट रियलाइज्ड, क्योंकि ज़मीन अभी भी अपने पास ही पड़ा है, जबकि देखने हैं 100 की ज़मीन 400 की हो चुकी थी ना, लेकिन अपने पास ही पड़ी थी, तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट दिखा लेकिन अनरियलाइज्ड समझ के टैक्स नहीं मारा। लेकिन अब वो ज़मीन पूरी बाहर बेच दी है तो प्रॉफिट रियलाइज हो चुका है, और अब रियलाइज हुआ है तो खाली इतने से पे टैक्स नहीं आएगा, पूरे पे आएगा। तो ये चीज़ 49(1) में लिखी है। सी इन शॉर्ट है ना, सेक्शन 47 धोखेबाज है, अपने को लल्लू बनाया, मामू बनाया उसने, क्या धोखा दिया, बड़ा एक्टिंग कर रहा है, हाँ ये वाला कैपिटल गेन टैक्स से माफ़ है, टैक्स से माफ़ है, लेकिन वो उस वक्त ही माफ़ है, जैसे ही नेक्स्ट सेल होता है ना, नेक्स्ट सेल, तो पूरे पे टैक्स आ जाता है। और पूरे पे आना मतलब इस पे तो आ ही गया, इस पे भी आ गया, इससे गवर्नमेंट ने इसको इग्नोर करके इसको कॉस्ट लेती है। ओके तो ये देखो इसका कैलकुलेशन कैसा होना चाहिए। लो केयर, एक बार स्टूडेंट क्या सोचेगा, एक्चुअली कैपिटल गेन का टैक्स कौन भरेगा? कैपिटल गेन का टैक्स हमेशा ट्रांसफरर भरता है, और ये लैंड का ट्रांसफरर कौन है? सब्सिडरी कंपनी। और ट्रांसफरर को कैपिटल गेन आता है ना, तो कैपिटल गेन सब्सिडरी को आएगा, और एक्चुअली सब्सिडरी ने तो प्रॉफिट खाली 100 रुपये का ही किया है ना, तो वो हिसाब से ऐसा आना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं आएगा। कॉस्ट हम लोग यहाँ से लेंगे, इसको बोलते हैं कॉस्ट विल बी टेकन फ्रॉम द प्रीवियस ओनर। ये देखो होल्डिंग कंपनी को क्या नाम देंगे, प्रीवियस ओनर, ये क्या लिखा, PO मतलब प्रीवियस ओनर, और सब्सिडरी को देखो मैंने क्या नाम दिया, करंट ओनर। तो सी टैक्स करंट ओनर को लग रहा है, लेकिन कॉस्ट हम लोग करंट ओनर से ले रहे कि प्रीवियस ओनर से, प्रीवियस ओनर से। तो सी इसको तो मैं बच्चों को कैसे बोलता हूँ, ये देखो छोटा चांद के बड़ा चांद, बड़ा चांद, ये देखो चांद बना है, ये छोटा चांद है, छोटा चांद में टैक्स भी छोटा आएगा, लेकिन गवर्नमेंट को पिछले ट्रांजेक्शन के ऊपर नज़र पड़ी है ना, तो अपने छोटा चांद बनाएंगे कि बड़ा चांद, बड़ा चांद, बड़ा चांद का मतलब राइट फ्रॉम द प्रीवियस ओनर अपने पूरा कैपिटल गेन का मेजरमेंट होगा।
अप टू द डेट ऑफ सेल तक, ओके। और सुनो, ये अपने को है ना सब्सिडरी को क्या बोलना चाहिए, तू 2 मिनट साइड में बैठना, हम लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कैलकुलेशन करने दे, और कैलकुलेशन आएगा हो जाएगा ना, तब सब्सिडरी का गला पकड़ के बोलेंगे अभी तो टैक्स भर। टैक्स भरने के टाइम सब्सिडरी को बोलेंगे ये बिचौलिए, बिचौलिए मतलब बीच वाले, तूने बेचा है ना तो टैक्स उस बिचौलिए को भरना पड़ेगा, बीच वाले को। लेकिन जब कैलकुलेशन कर रहा है उसको बोलना तू 1 मिनट साइड में रह, उसको हटा ही दिया और पूरा यहाँ से लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को इस पर भी टैक्स मारना है, इस पर भी, ओके। तो ये देखो एक से एक और चीज, अगर मैं कॉस्ट यहाँ से लूँगा तो पीरियड भी यहीं से मेजर करना पड़ेगा। पीरियड कौन सा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गिनते हैं ना, तो सी कॉस्ट ही मैंने 2017-18 से लिए ना, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी कैसे गिनूंगा, 17-18 से लेके 23-24 तक, मतलब पीरियड भी प्रीवियस ओनर से गिनना है। और जब इंडेक्सेशन करते हैं ना तो क्या करते हैं, कॉस्ट इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर तो ऊपर ये वाला ईयर आ जाएगा और नीचे प्रीवियस ओनर वाला ईयर आएगा। अरे मतलब सब प्रीवियस ओनर से ही करना है, इसका कुछ इसको मत देखना, इसको खाली जब टैक्स भरना होगा ना इसको पकड़ा देंगे टैक्स भरने के लिए, लेकिन सारी कैलकुलेशन प्रीवियस ओनर से होगी। ये चीज 49(1) में लिखी है। और सुनो, ये मत सोचो कि ये खाली होल्डिंग सब्सिडरी के केस में होगा, ऐसा नहीं है। लुक, जब जब पिछला ट्रांजेक्शन, पिछला क्यों बोला, क्योंकि अभी मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, तो जब मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो ये वाला तो पिछला हो गया ना, तो डायलॉग सुनो, जब जब पिछला ट्रांजेक्शन 47 में एग्जेम्प्ट हुआ था तो हम लोग कॉस्ट प्रीवियस ओनर से लेंगे, है ना, क्योंकि पिछला ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट था तो वो एग्जेम्प्शन को भी टैक्स मारना है। और कोई बोले पहले ही क्यों नहीं मार लिया, अरे पहले नहीं मार सकते थे, क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी जब अपने सब्सिडरी को देती है तो अपना एसेट अपने पास ही पड़ा है, और अपनों से कैसे गेन हो सकता है, तो पहले नहीं मार पाए तो लगे अभी मारेंगे। ये देखो मैंने एक अच्छी चीज लिखी इधर, पढ़ो, कॉस्ट पीरियड इंडेक्स सब प्रीवियस ओनर से लेने का, इसको सीपीआई वाला सम बोलो, सीपीआई कॉस्ट प्रीवियस ओनर से लेने का, पीरियड भी प्रीवियस ओनर से, इंडेक्स भी प्रीवियस ओनर, ये इंडेक्स मतलब नीचे वाला, कैसे करते हैं इंडेक्स पे ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज, तो ऊपर तो ये ईयर का आएगा लेकिन नीचे प्रीवियस ओनर वाले ईयर का आएगा, ओके। एक्चुअली इसको ऐसे ही सोचो ना कि होल्डिंग कंपनी बेच रही है, और सब होल्डिंग कंपनी से मेजर करना चाहिए, ओके। तो सी मैंने इधर कैसे किया बताओ, ये देखो राइट चीज मैंने इधर की हुई है, 100 रुपया कॉस्ट थी ऑफ प्रीवियस ओनर, फिर इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर कौन सा लिया मैंने 23-24 का इंडेक्स जो कि देखो 348 है, और नीचे कौन सा लिया होगा 17-18 का इंडेक्स जो कि 272 है, इंडेक्स क्वेश्चन में दिया होगा, ओके। इन लोग तो है ना कंफ्यूजन के लिए ये वाले साल का इंडेक्स भी देंगे, लेकिन ये वाले साल का ना तो इंडेक्स देखना ना अमाउंट देखना, ये देख मैं तो अमाउंट पे भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ 400 पे, मतलब ये इसको देख ही मत ना, इसको छुपा के सॉल्व करना है, छुपा देना चाहिए ऐसे पूरा, एंड फिर यहाँ से सॉल्व करना चाहिए। लेकिन टेल मी, ऐसा होल्डिंग सब्सिडरी में होगा कि कभी भी 47 में से कुछ आया तो, कभी भी 47 में से कुछ आया तो? सुनो एक और एग्जांपल, ये देखो, ये पापा थे, पापा की डेथ के बाद जायदाद बेटे को मिल गई, सन को, फिर सन ने बेचा, तो पता है पापा टू बेटा जब ट्रांसफर होता है तो उसमें भी कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 47, तो उस वक्त तो एग्जेम्प्ट है कि पापा चल बस से जायदाद बेटे को मिली है, तो उसमें कैपिटल गेन का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ लेकिन नहीं आता ना। लेकिन बेटा जब फ्यूचर में बेचेगा तो बेटे को बोले तूने बेचा ना, लेकिन एक बार तू साइड में बैठ, उसको साइड में बिठाना है क्योंकि अपने को डेटा पापा से लेना पड़ेगा। बेटे को बोलेंगे तू 2 मिनट रुकना, कैलकुलेशन हो जाएगी तभी तू टैक्स भर देना, तो ये बेटे को 2 मिनट साइड में बिठा देना और सब पापा से कैलकुलेशन करना, मतलब कॉस्ट क्या लेंगे, पापा ने कितने में लिया था, पीरियड पापा ने कब खरीदा था, इंडेक्स में भी ऊपर ट्रांसफर नीचे पापा वाला ईयर वैसे करेंगे। इन शॉर्ट ये रूल ही बना दो ना, जब जब पिछला ट्रांजेक्शन 47 की लिस्ट में से था तो अपने सब प्रीवियस ओनर से ही गिनेंगे, ओके।
इधर इसमें ना एक अच्छा पॉइंट है, इम्प्रूवमेंट का क्या करेंगे। जैसे ये वाले केस में देख लो, होल्डिंग कंपनी ने कुछ इम्प्रूवमेंट किया था एंड फिर सब्सिडरी को बेचा, फिर सब्सिडरी ने भी कुछ इम्प्रूवमेंट करके आगे बेचा। अरे क्वेश्चन में दो दो इम्प्रूवमेंट देंगे, दो दो, एक प्रीवियस ओनर ने की थी एक करंट ओनर ने, तो कौन सी वाली लेंगे? दोनों। सी अपने ये पूरा चांद कवर कर रहे, ये चांद बनाया देखो मैंने। अब जब ये पूरे एरिया को पकड़ना है तो इस दरमियान जितना भी इम्प्रूवमेंट हुआ सब लेंगे, चाहे वो प्रीवियस ओनर ने किया हो कि करंट ओनर ने किया हो। इन शॉर्ट सी क्वेश्चन में आता तो एक बार घबरा जाता है, लेकिन सी इतना दिमाग फिट कर लो ना, अपने यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा सफ़र देख रहे हैं और इस सफ़र में किसने भी इम्प्रूवमेंट करवाया हो, चाहे प्रीवियस ओनर ने करवाया हो कि करंट ओनर ने, सब इम्प्रूवमेंट माइनस होगा। और इम्प्रूवमेंट माइनस करते ना फॉर्मेट में तो लेस करेंगे। हाँ, इम्प्रूवमेंट में बी केयरफुल, अगर 1/4/2001 के पहले का कोई इम्प्रूवमेंट हो तो इग्नोर करते, वो तो मैंने पहले बताया था ना। अब सुनो, ये वाला चीज ट्राई करो ना, ये वाला, ये ट्राई करो, तुमको लगेगा सर सेम ही चीज वापस पढ़ा रहे, लेकिन एक बात बताओ, एक बार तुमको सेम लगेगा लेकिन एक नया सेक्शन चालू हो जाएगा। मैं 49(1) में था ना, अभी देखो उसका ट्रांजिशन होगा, 49(1) से मैं सीधा 49(4) में पहुंच जाऊंगा। ओके, तो सी थोड़े टाइम तुमको रिपीटेशन लगेगा लेकिन स्लोली 49(4) लॉन्च होने वाला है। ओके, ये ट्राई करो इधर, ये वाले में थोड़े टाइम रिपीटेशन लगेगा। एक्स के पास एक ज़मीन थी 100 में खरीदी थी, उसने गिफ्ट दे दी वाई को। ओके, और वाई को गिफ्ट कब दिया? 21/22, और उस वक्त उसकी मार्केट में वैल्यू 400 थी, मतलब 100 वाली ज़मीन 400 जितनी अप्रिशिएट हो गई थी, लेकिन उस अप्रिसिएशन पे टैक्स नहीं आता क्योंकि गिफ्ट में कैपिटल गेन आता ही नहीं, इट इज एग्जेम अंडर सेक्शन 47। फिर वाई ने क्या किया, वो जमीन को बेच दिया। सी ये वाले को क्या बोलते हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट जैसा बोलते हैं, कि 100 की चीज 400 की हो गई लेकिन प्रॉफिट इज नॉट रियलाइज, है ना, क्योंकि गिफ्ट में कैपिटल गेन नहीं आता है, लेकिन बाद में उसने बेचा है। तो टेल मी, जैसे कि मैंने रूल क्या बनाया था, कभी भी पिछला ट्रांजेक्शन, पिछला मतलब अपना मेन ट्रांजेक्शन ही है अभी, तो कभी भी पिछला ट्रांजेक्शन 47 में से होता है तो हम लोग बड़ा चांद बनाते हैं, कॉस्ट प्रीवियस ओनर से लेते हैं, पीरियड भी प्रीवियस ओनर से, इंडेक्स भी प्रीवियस ओनर का, वहाँ से लेके इधर तक हम लोग पूरा मेजर करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। लेकिन ये क्यों कर रहे, अपना इरादा क्या है कि अपने को ये वाला जो बच गया था ना उसको भी लपेटे में लेना है। मेरे को बताओ, अगर इस पे गवर्नमेंट की नज़र नहीं होती तो गवर्नमेंट चुपचाप इतने भी टैक्स मारती ना। सी है बड़ा चांद हम क्यों बना रहे बताओ, लॉजिक क्या है कि गवर्नमेंट की इस पे नज़र पड़ी है, ये कैसे हमने एग्जेम कर दिया, इस पे भी टैक्स मारना है, इससे गवर्नमेंट ने बड़ा चांद बनाया ना। लेकिन एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट की इस पे नज़र नहीं होती, चलो तो गवर्नमेंट खाली इतने भी टैक्स मारती ना। तो सी कभी कभी क्या होता है ना, मैं देखो ये गिफ्ट है ना, कैपिटल गेन में तो बच गया था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स लगा होता है। गिफ्ट ऐसा है ना, कैपिटल गेन में भी आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी आता है, फर्क इतना है कैपिटल गेन में ट्रांसफरर के एंगल से आता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीवर के लिए होता है। तो सी ट्रांसफरर के लिए तो गिफ्ट में दिया हुआ एसेट में कभी कैपिटल गेन नहीं आता, ट्रांसफरर के लिए कभी नहीं आता, लेकिन रिसीवर को कभी आता है कभी नहीं आता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के नियमों पे डिपेंड करता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मालूम है रूल था, अगर रिसीव करने वाले को आई एम डॉक्टर LC, मेरा कोडवर्ड था, आई एम डॉक्टर LC के जरिए मिला है तो उसको टैक्स नहीं आएगा। जैसे आई एम डॉक्टर LC में था, इनहेरिटेंस मैरिज था, है ना, डेथ कॉन्टेम्पलेशन रिलेटिव से मिला है, तो वो केस में मिला तो नहीं आएगा। और अगर आई एम डॉक्टर LC नहीं भी हुआ तो भी 50,000 तक की वैल्यू का तो भी नहीं आता है, 50 के ऊपर का तो आता है, मतलब रिसीवर लोग का क्या डाइसी है। ट्रांसफरर के लिए ऐसा नहीं है, कैपिटल गेन के चैप्टर में तो ट्रांसफर करने वाले को तो कैपिटल गेन कभी नहीं आता है, चाहे उसने दोस्त को दिया है, रिश्तेदार को दिया है कि दुश्मन को दिया है, ट्रांसफरर इज ऑलवेज माफ अंडर 47, बट रिसीवर को कभी टैक्स आता है तो कभी नहीं आता है। तो सी
ये देखना, अगर ये वाले एग्जाम्पल में ऐसा होता एक्स एंड वाई इन लोग है ना जस्ट फ्रेंड्स है, मतलब एक्स और वाई दोनों दोस्त लोग है और वाई उसका फ्रेंड है और एज अ फ्रेंड उसको गिफ्ट मिला था, तो पता है दोस्ती यारी में गिफ्ट मिलता है तो टैक्स लगता है। अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो एक बार मान लो ये सब अमाउंट थाउजेंड्स में है, मतलब 400 नहीं है 400,000, मतलब 400,000 है। अरे नहीं तो तुम लोग वो लेके बैठ जाओगे 50,000 वाला पॉइंट, अरे 50,000 के ऊपर टैक्स आता है ना, तो ये सब थाउजेंड्स में ही है। तो ये देखो Y को Y बन के सोचना, मैं अचानक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का माहौल बना रहा हूँ, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स गिवर के लिए होता है कि रिसीवर के लिए, रिसीवर के लिए। तो ये देखो गिफ्ट का रिसीवर Y, अगर ये उसका दोस्त होता तो पता है उसको ये पूरी मार्केट वैल्यू पे टैक्स भरना पड़ता। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मैंने पढ़ाया था कि जिसको गिफ्ट मिलता है ना वो उसकी मार्केट वैल्यू पे टैक्स भरता है, तो टेल मी इसकी मार्केट वैल्यू कितनी, 400,000 है, 400,000 है तो 400,000, तो इसके ऊपर टैक्स भर दिया होगा किसने, अरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स किसको लगता है, रिसीवर को। तो वाई ने टैक्स भर दिया ना, तो मतलब ये 400 रुपया टैक्स जा चुका है, तो अब फर्दर सेल में खाली इतने भी टैक्स आएगा। अब लोग बड़ा चांद नहीं बनाएंगे, छोटा चांद, क्योंकि सी हमने पहले प्रीवियस ओनर से गिनती क्यों किया था, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन चूहा बच के बैठा था ना, तो इसको चमाट मारनी थी, चपेट मारनी थी ना इसलिए। लेकिन अभी मैं कैसा एग्जांपल लिया कि ये ट्रांजेक्शन भाई कैपिटल गेन में माफा गया था, लेकिन इफॉस में टैक्सा जा चुका था, और एक बार इफॉस ही सही किसी भी हेड में टैक्सा जा चुका है ना, मतलब गवर्नमेंट को ये ट्रांजेक्शन का टैक्स मिल चुका है ना। कोई बोले नहीं कैपिटल गेन में, तो अरे कैपिटल गेन गया भाड़ में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंडर तो टैक्स आ गया ना, मतलब ये 400 टैक्स आ जा चुका है, तो फ्यूचर में जब सेल होगी तो छोटा चांदी बनेगा। ये 49(4) में लिखा है, एक से ना ये 49(4) में लिखा है, मतलब 49(4) कह ही कह रहा है मालूम है कि गिफ्ट का जो रिसीवर होता है, क्या बोला, गिफ्ट का जो रिसीवर होता है उसने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का टैक्स चुका दिया है, तो डैट मीन्स गिफ्ट वाला ट्रांजेक्शन बच गया कि फंस गया, फंस गया, तो फंस गया है तो पुरानी बातें गवर्नमेंट डिलीट कर देती है, फिर पुरानी बातें, पुराना ओनर, प्रीवियस ओनर कुछ नहीं, सब नया रिफ्रेश बात होगा, करंट ओनर से सब कुछ गिनेंगे। मतलब पल में क्या होगा, कैपिटल गेंस कैसे आएगा, ये बन जाएगा FVOC 500 रुपया, और ये 400 बन जाएगा कौवा कॉस्ट। बट ये कब मालूम है, अगर इस पे इफॉस में टैक्स लगा होगा, लेकिन वही तो कंफर्म नहीं है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ना, टैक्सेबल करवाता भी है नहीं भी करवाता है। और यार इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मैंने पढ़ाया था, याद करो ना यार, मेरे को बता, IIM डॉक्टर LC होता तो जैसे मैरिज में गिफ्ट मिलता है, ये देखो मान लो Y को है ना ये जमीन शादी में मिली थी दहेज के फॉर्म में, अरे दहेज हो के कुछ भी शादी में मिलता है तो एग्जेम्प्ट है ना, तो मैरिज में मिला था तो फिर ये वाले पे टैक्स आया था कि एग्जेम्प्ट था, एग्जेम्प्ट, मतलब फिर तो सोच ये कैपिटल गेन में भी एग्जेम्प्ट था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी एग्जेम्प्ट था, मतलब फिर ये ट्रांजेक्शन बचा हुआ है तो बड़ा चांद बनाएंगे। इन शॉर्ट लॉजिक क्या मालूम है, अगर ये ट्रांजेक्शन की पहली बैंड बच चुकी है ना तो छोटा चांद, लेकिन अगर ये ट्रांजेक्शन बच के बैठा चूहा तो बड़ा चांद, मतलब प्रीवियस ओनर से सब लेने का। इतना सिंपल लॉजिक याद रखना, ओके। तो सी ये तो पॉइंट गिफ्ट में क्यों आ रहा है मालूम है, कि गिफ्ट का है ना बोल नहीं सकता ना, गिफ्ट क्या है कैपिटल, और ये पॉइंट गिफ्ट में आ सकता है क्यों बताओ, सोचो, गिफ्ट ही ऐसा है ना जो शायद रिसीवर के हैंड में टैक्सेबल हो सकता है। बाकी इसी मैंने तुमको कितने लिस्ट में बताए थे, ये देखो एक ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, अरे 47 की लिस्ट में कितने, 7 थे ना, ये था, कितने सारे ट्रांजेक्शन था, लेकिन उसमें गिफ्ट ही एक ऐसी अनोखी चीज़ है ना जो भले कैपिटल गेन में तो एग्जेम्प्ट रही होगी, लेकिन सामने वाला जिसको गिफ्ट मिला है
शायद उसने टैक्स भर दिया हो, और शायद क्यों बोलना पड़ता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कभी गिफ्ट एग्जेम भी हो जाता है, मैरिज रिलेटिव वाला, और कभी टैक्सेबल भी होता है। तो गिफ्ट ही ऐसा है ना कि जो शायद टैक्सेबल हो चुका होगा, गिवर के लिए नहीं, रिसीवर के लिए। और लॉ क्या बोलता है, गिवर रिसीवर जो भी है, अगर टैक्स आ चुका है ना तो हम लोग प्रीवियस ओनर नहीं देखेंगे फिर, क्योंकि हम भी पुरानी बातें भूल चुके हैं, टैक्स आ चुका है ना तो सब करंट ओनर से होता है। तो ये देखो, कभी भी एग्जाम में गिफ्ट का समय है ना, चेक क्या करोगे बताओ, चेक क्या करोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का ज्ञान का प्रदर्शन करना पड़ेगा। गिफ्ट देखते हैं ना, एक बात तो कंफर्म है, क्या ट्रांसफरर को कैपिटल गेन नहीं आएगा, ट्रांसफरर को, वो तो कंफर्म है, लेकिन इसका अपने को सम पढ़ना पड़ेगा। ओके, मैं अलग अलग वेराइटी दे रहा हूं। ऐसा बोला है एक्स और वाई दोनों सगे भाई है, अरे भाई है, रिलेटिव, आई एम डॉक्टर में था ना, आर रिलेटिव, तो रिलेटिव है तो क्या होगा, एग्जेम, मतलब फिर ये 400 रुपए पे टैक्स लगा था कि एग्जेम था, एग्जेम मतलब ये एग्जेम्ड है, तो बड़ा चांद। ओके, फिर अगर ऐसा बोला है ये लोग दोनों है ना भाई वाई नहीं है, दोस्त है, लेकिन ये जो है ना ये 50,000 से कम वैल्यू का है, अरे ये 50,000 से कम वैल्यू का एफएमवी है, तो एफएमवी 50,000 से कम तो टैक्स नहीं आता ना, तो टैक्स नहीं आता मतलब बच गया है, तो बड़ा चांद। मतलब इन शॉर्ट, अगर ये ट्रांजेक्शन बचा हुआ है ना तो बड़ा चांद बचा हुआ है तो ओके, लेकिन ये टैक्सेबल की सॉरी ये ट्रांजेक्शन टैक्सेबल हो गया तो छोटा चांद, और जब छोटा चांद लेते हैं ना तो झंडा गाड़ना चाहिए 49-4। और पता है 49-4 में क्या होना है, प्रीवियस ओनर को मत देखो, करंट ओनर को देखो। इस करंट ओनर कौन, वाई, ये देखो इधर लिखा हुआ है, मैंने देखो अच्छी चीज बनाई इधर, इधर देखो मैंने दो तरीके से सॉल्व किया है, दिख रहा है दो तरीका। एक बार मैंने कॉस्ट को 100 भी लिया है, मतलब प्रीवियस ओनर, और एक बार मैंने कॉस्ट को 400 लिया है, मतलब कि करंट ओनर। अरे दोनों वे में सॉल्व किया है, लेकिन कब क्या करना चाहिए बताओ, वो मैंने चार्ट ही बना के दिया पूरा। मेरे को उधर 100 को लेके कब करेंगे, मतलब ये बड़ा चांद बना के, ये देखो जब इफॉस में टैक्स नहीं आया था, सी कैपिटल गेन में तो आया नहीं, वो तो बात पक्की है, ईफॉस में भी नहीं आया था। देखो मैंने क्रॉस किया, दिख रहा है क्रॉस किया, मतलब ईफॉस में टैक्स नहीं आया था, तो ईफॉस में टैक्स नहीं आया था तो मतलब ये ट्रांजेक्शन बचा हुआ है तो बड़ा चांद। और बड़ा चांद मतलब देखो क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है, कॉस्ट पीरियड इंडेक्स सब पीओ 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 सब प्रीवियस ओनर से लेंगे एज पर सेक्शन 49(1). लेकिन अगर ये पढ़ क्या लिखा है, इफॉस को टिक किया मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ये देखो जो गिफ्ट का रिसीवर है उसने ये फिगर पे टैक्स भर दिया है, तो फिर बड़ा चांद नहीं आता है, फिर छोटा चांद। और छोटा चांद में क्या है, सेलिंग प्राइस तो एफईओसी में आएगा, कॉस्ट में ये 400 रुपया आएगा। ओके, और ये सेक्शन 49(4) है। देखो मैंने इधर क्या लिखा है, पीओ 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 लिखा है कि सीओ 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 सीओ, मतलब कॉस्ट करंट ओनर का, पीरियड भी करंट ओनर का, इंडेक्स भी करंट ओनर का। ओके, इन शॉर्ट गिफ्ट के समय प्लीज केयरफुल रहना। सी गिफ्ट के अलावा जो दूसरे ट्रांजेक्शन हुए ना, दूसरे कौन से इधर देखिए बताओ, दूसरे कौन से, ये देखो पार्टीशन, कन्वर्जन, ये सब है ना, ये अमालगमेशन, होल्डिंग सब्सिडरी, ये सब में तो बड़ा चांदी बनाना है, प्रीवियस ओनर से ही लेने का। लेकिन गिफ्ट में भी है ना, एक्चुअली प्रीवियस ओनर से लेना, लेकिन बी केयरफुल, बाय चांस गिफ्ट अगर इफॉस में टैक्स आ जा चुका है तो छोटा चांद बनाएंगे। ओके, टेल मी, अगर दिमाग चलता है तो बताओ, अगर ये 100% शेयर होल्डिंग नहीं होता तो होल्डिंग सब्सिडरी में, अगर ये 100 के बदले होल्डिंग सब्सिडरी में 70% शेयर होल्डिंग होता, चलो, अरे तो कैपिटल गेन इधर ही टैक्सेबल हो जाता, तो अगेन अपने टैक्सेबल हो चुका तो छोटे चांस ही करेंगे। ये कहीं लिखा नहीं है कानून में, अंडरस्टूड है। सी गिफ्ट का तो बोला भी है कि अगर गिफ्ट में टैक्स लग जाता है इफॉस का तो छोटा चांद लो, बोला है ना, लेकिन ये नहीं बोला। लेकिन कुछ अनकही चीजें भी समझनी पड़ती है ना, या सीधी बात है, जब 100% होता है तो ही एग्जेम्प्ट है, तो डैट मीन्स 100% से कम हुआ तो
जैसे 100 का 70% हुआ तो ये वाले पे हाथों टैक्स लग जाएगा, और टैक्स लग चुका मतलब बात खत्म, फिर बाद में छोटा चांद, मतलब फिर ये माइनस ये इतना ही कैपिटल गेन आएगा। ओके, तो ये था मैंने पता है क्या क्या करवा दिया, 47 के बाद 49(1) भी हो गया और 49(4) भी हो गया। ओके, 49(1) तो जनरल है कि जब जब पिछला ट्रांजेक्शन माफ हुआ था सब प्रीवियस ओनर से लेंगे, और 49(4) गिफ्ट के लिए ही है कि गिफ्ट रिसीव करने वालों आपने अगर इफॉस का टैक्स चुका दिया है तो प्रीवियस ओनर नहीं सब करंट ओनर से ही लेंगे। तो ये 49(4) एक बार ना सेक्शन का स्टेटस देख लेते हैं, क्योंकि धड़ 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 करके हमने बहुत सेक्शन उड़ा दिए, तो क्या एक बार उसको समेट के रखना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये देखो क्या क्या सेक्शन किए अपने, लुक ईयर 45(1) हुआ था बेसिस ऑफ चार्ज। ओके, फिर 45(1) है डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट ड्यू टू नर्फे। फिर 45(2) क्या था, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इन टू स्टॉक इन ट्रेड था, है ना। फिर 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट बाय गवर्नमेंट था। 45(5) है जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट था। ओके, फिर इन दोनों सेक्शन को मैंने टच नहीं किया है। इसके बाद सीधा गया मैं 47 में, 47 क्या था, एग्जेम ट्रांसफर। ओके, फिर 49(1) क्या था, जब जब पिछला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जब जब पिछला ट्रांजेक्शन 47 में एग्जेम हुआ था तो हम लोग कॉस्ट वगैरह सब प्रीवियस ओनर से लेंगे, ओके, पीरियड इंडेक्स सब प्रीवियस ओनर से। फिर 49(4) क्या बोलता है कि जब पिछला ट्रांजेक्शन गिफ्ट है और वो गिफ्ट में इफॉस वाला टैक्स लग चुका है, इफॉस में टैक्स आ जा चुका है, तो हम लोग प्रीवियस ओनर नहीं सब करंट ओनर से लेंगे। ओके, फिर 49(2AA देखो, 49(2AA ईसॉप्स के लिए, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम सुना है क्या होता है बताओ, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम में क्या होता है बताओ, कंपनी अपने शेयर है ना, अगर उसकी मार्केट में 100 रुपया भी वैल्यू चल रही है ना, एम्प्लॉई को 20 में अलॉट करती है। ये आईपी क्या लिखा है, इशू प्राइस, एफएमवी इज फेयर मार्केट वैल्यू। तो मान लो रिलायंस वाले ने अपने एम्प्लॉय को ऑफर दिया है, कम ऑन एम्प्लॉयज लोगो, हमारे शेयर का मार्केट में तो 100 का भाव है, आपको 20 रुपये में पड़ेगा। और इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ऑप्शन है, लेना है तो ले, नहीं लेना तो मत ले, तेरी मर्जी, लेकिन लिया तो एम्प्लॉय को फ़ायदा क्या है, जो शेयर का मार्केट में 100 रुपया भाव है उसको पड़ेगा 20 में, तो फ़ायदा है ना। अब मान लो एक एम्प्लॉय ने बोला हाँ मुझे चाहिए शेयर, उसने खरीद लिया, तो सी उसको फ़ायदा क्या हुआ, 80 रुपीज़ का, लेकिन ये 80 रुपीज़ तो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होता है, ये परक्यूजिट्स में था, मैंने परक्यूजिट लास्ट में पढ़ाए थे ना, कम लाइट करके, उधर लास्ट में कम लाइट में था, कम लाइट में ना CUM LIE GST था, तो ईसॉप्स वाला पॉइंट था। ये देखो तुम लोग को भूल गए तो अभी याद कर लो ना, कि ईसॉप्स में शेयर अगर 100 रुपये का है, कंपनी अपने को 20 में दे रही है, तो अपने को जो 80 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ ना, इट्स अ परक्यूजेट, और परक्यूजेट मतलब क्या, मंथली सैलरी के ऊपर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट ही है, तो इट विल बी टैक्सेबल, बट ये सैलरी में होगा, याद रखना 80 रुपये पे टैक्स लग चुका था। लेकिन सी ये तो क्या, जब ईसॉप्स में शेयर्स अलॉट हुआ था, लेकिन इन शेयर्स को जब फ्यूचर में बेचेंगे तो बेचने के वक्त कैपिटल गेन का माहौल बनेगा। तो ये देखो मैं बेच रहा हूँ, देखिए ईसॉप मिला कभी था 1920 में, बेचा कभी 23-24, और कितने में बेचा 500 में, तो अभी कैपिटल गेन आएगा ना, कैसे आएगा बताओ, ये देखो 500 क्या हो जाएगा, पढ़ क्या लिखा है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और एक्चुअली उसकी कॉस्ट देखने आए तो 20 रुपीज़ है। अरे शेयर्स की कॉस्ट तो 20 है, लेकिन हम लोग 20 को कॉस्ट नहीं लेंगे, इसको कॉस्ट लेंगे, ये देखो ये 100 को कॉस्ट मानेंगे, क्योंकि सी ये वाला डिफरेंस ऑलरेडी टैक्सा जा चुका है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, तो गवर्नमेंट को ये चीज को भूल ही जाना चाहिए, एक बार टैक्स मिल गया तो गवर्नमेंट को अप्रिसिएशन भूल जाना चाहिए ना, अब खाली इतने भी टैक्स आएगा। और ये देखो मैंने जो ड्रॉ करके बताया,
कि 100 रुपया बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और सी ये कितने लोग, सर ये तो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कैसे कॉस्ट होती है? मालूम है ऐसे तो कॉस्ट इशू प्राइस होता है, इशू प्राइस में जो पैसा दे दे वो कॉस्ट है, लेकिन क्या करें ये वाले अमाउंट पे टैक्स दे चुके हैं ना, तो उसको भूल जाने का। तो अभी 100 और ये 500, ये वाला डिफरेंस आएगा कैपिटल गेन्स में। ओके, तो ईसॉप्स का कभी समय है तो क्या करोगे, ये वाले को बोल देना इनकम फ्रॉम सैलरी। और पता है सैलरी का तो टैक्स तो जब ही शेयर अलॉट हुआ तभी लग जाता है। अरे वो तो शेयर अलॉट होते ही टैक्स लग जाता है सैलरी में, लेकिन कैपिटल गेन का तो जब बेचेंगे तब आएगा ना, तो जब बेचेंगे तब आएगा, मतलब 2 ईयर अलग है पर ठीक है ना, टैक्स 2 आएगा सैलरी का अलॉट होते ही और कैपिटल गेन का जब बेचेंगे तभी, और बेचते वक्त ये माइनस ये विल बी द कैपिटल गेन्स। ओके, तो ये 49,200 था। फिर लुक 49 में एक 49, ओके एक 49,900 भी ये देख लो, पहले 49 खत्म कर देता हूँ, एक इधर मैंने इधर आगे कॉपी किया हुआ, ये देखो रिवर्स कन्वर्जन। अरे कन्वर्जन और कैपिटल सेट और स्टॉक इन ट्रेड पढ़ाया था ना, उसमें रिवर्स भी होता है, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल सेट। अरे नींद के नशे में लोगों को सेम लग रहा होगा, होश में आ ये अलग है, ये क्या लिखा है स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल सेट में कन्वर्ट हुआ है। तो सी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल क्या दिया था, वो 45,200 में, उसको मैं देखो रिवर्स कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या एग्जांपल दिया था, मेरे पास कुछ जेवर घर में पड़े थे, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखे थे, और इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखे थे मतलब कैपिटल एसेट की तरह पड़े थे, फिर उसको दुकान में लेके आया तो गुड्स बना दिया, फिर बेचा था, तो वो क्या था कैपिटल एसेट टू स्टॉक फिर बेचा। अब रिवर्स करूँ ये देखो, मान लो मेरी जेवरों की दुकान है, और मेरी जेवरों की दुकान में ना मुझे एक बहुत अच्छा नेकलेस मिला, मान लो ये नेकलेस है और मुझे पसंद आ गया, एक्चुअली नेकलेस मेरी दुकान में स्टॉक की तरह आया होगा, अरे दुकान में सप्लायर लोग स्टॉक बेचते हैं ना, लेकिन एक नेकलेस मुझे बहुत पसंद आया, क्या जोरदार नेकलेस है यार, ये दुकान में रख दूंगा ना तो बिक जाएगा, और मुझे ये बेचना नहीं है, ये मैं अपनी बीवी को दूंगा, बीवी भी खुश हो जाएगी। अरे मतलब दुकानदार का ही दिल आ गया अपने स्टॉक पे, दुकानदार लोग तो क्या दुकान में माल रखते बेचने के लिए, लेकिन दुकानदार बोला यार ये नेकलेस तो जोरदार है, ये नेकलेस मैं बीबी के लिए लेके जाऊंगा, दुकान में रख दिया तो बिक जाएगा लेकिन मेरे को बेचना नहीं है। तो उसने क्या किया, वो नेकलेस को घर पे लेके चला गया, तो सो नेकलेस दुकान में स्टॉक की तरह पड़ा था, अब वो घर लेके गया मतलब बेचेगा कि रखेगा, रखेगा तो कैपिटल एसेट हो गया, लेकिन सी बाद में बीवी से झगड़ा हो गया, पहले बीवी के लिए लेके गया था लेकिन बीवी से झगड़ा हो गया तो गुस्से में बेच दिया। अरे मतलब इन शॉर्ट एक्टिंग करो बताने के लिए कि स्टॉक को घर पे लेके गए कैपिटल एसेट बनाया फिर फ्यूचर में बेच दिया, कभी ना कभी तो बेचेंगे ना कुछ, तब क्या होगा। तो ये सीन इधर है देखो, तो मेरे एग्जाम्पल में 2006-07 में अपनी दुकान में एक अच्छा स्टॉक आया था, बोलते हैं दुकान में नया माल आया, नया माल आया, नेकलेस आया था। ओके, फिर वो 2006-07 की बात है, फिर 2022-23 में मेरा उस पे दिल आ गया कि इसको बेचूंगा नहीं घर पे लेके आऊंगा, और घर पे लेके गया मतलब कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन इनटू कैपिटल एसेट हो गया, फिर बाद में घर से भी मैंने उसको आगे जाके बेच दिया। तो टेल मी इस पीरियड में जो मेरा नेकलेस एप्रिशिएट हुआ था, इस पीरियड में नेकलेस कहाँ था, दुकान में था। अरे मेरा नेकलेस पे तो दिल कब आया, 22 में ना, और जब मेरा दिल आया तब तक नेकलेस तो एप्रिशिएट हो गया था, और दुकान में पड़े पड़े अप्रिशिएट हुआ तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, एंड फिर वो नेकलेस में घर लेके गया, और घर पड़े पड़े जो अप्रिशिएशन हुआ था वो तो एक कैपिटल एसेट की एसेट में, तो कैपिटल गेन्स में आएगा। अरे मतलब एकदम उल्टा है, जो स्ट्रेट कन्वर्जन था स्ट्रेट वाला वो 45,200 था, रिवर्स के लिए 49,900, और सब रिवर्स हो जाएगा। ये देखो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा क्योंकि पहले स्टॉक था फिर कैपिटल गेन्स। ओके, और पता है सुनो, वो जो पिछला वाला था ना 45,200 वाला ओरिजिनल कन्वर्जन, उसमें टैक्स कब आया था, इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, लेकिन इधर थोड़ा अलग है, इधर रिस्पेक्टिव ईयर में टैक्स आएगा। बिजनेस का टैक्स इस साल में, कैपिटल गेन्स का टैक्स इस साल में, जिसका जब जो हुआ तब टैक्स आएगा। ओके,
बिजनेस में से नेकलेस कब चला गया, उसका दिल आया था नेकलेस में घर ले जाऊंगा, तो बिजनेस में से तो इस साल ही चला गया ना 2022-23, तो इस साल ही टैक्स आ जाएगा। और बिजनेस में तो क्या अक्रूवल बेस में अकाउंटिंग करते हैं ना, तो बिजनेस में से नेकलेस चला गया ना तो हाथों टैक्स आ जाएगा। मतलब बिजनेस क्या बोलेगा, प्रोपराइटर खुद ही लेके चला गया। अगर बिजनेस कुछ बेचता है तो बिजनेस सेल बताता है, लेकिन बिजनेस का प्रोपराइटर लेके गया तो एक तरह से बेचा ही है, प्रोपराइटर ही बेच दिया प्रोपराइटर को, तो बिजनेस का टैक्स इस साल में आ जाएगा। और कैपिटल गेन का तो जब बेचेंगे तब आएगा ना। ये देखो मैंने ये लिख के रखा है, इन शॉर्ट से स्टूडेंट को ऐसे याद रखना चाहिए, अगर स्ट्रेट कन्वर्जन हुआ ना, स्ट्रेट मतलब कैपिटल असेट टू स्टॉक फिर बेचा है, तो सेक्शन 45(2) था और उसका टैक्स लास्ट में आता है। लेकिन रिवर्स कन्वर्जन हुआ, स्टॉक टू कैपिटल असेट फिर बेचा है, तो रिस्पेक्टिव ईयर में टैक्स आता है और उसका सेक्शन 49(9) है। ओके, खाली टैक्सेबिलिटी का ईयर का थोड़ा केयर लेना। ओके, देन में इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे करेंगे कैपिटल गेन्स में? अरे कैपिटल गेन्स में वो तामझाम रहता ही है शॉर्ट लॉन्ग का। अरे तो इतना सा पीरियड देखने का ना, ये पीरियड को थोड़ी गिनती में लोगे। इस पीरियड में तो दुकान में पड़ा था नेकलेस, घर में नेकलेस आया ना, फिर देखना चाहिए घर में कितने टाइम टिका। तो ये वाला पीरियड देखेंगे शॉर्ट लॉन्ग के लिए। और इंडेक्स कैसे करेंगे, ऊपर ट्रांसफर मतलब ये ईयर और नीचे ये वाला ईयर, मतलब कैपिटल गेन का इलाका इतना ही है, ये वाले इलाके से कैपिटल गेन का मेजरमेंट होगा। ओके, और कैपिटल गेन के वक्त इस वक्त इस वाला पीरियड को इग्नोर कर देना। ओके, तो मैंने 49(9) करवा दिया। ओके, तो सी 47 के बाद 49(1) था प्रीवियस ओनर, फिर 49(4) था कि गिफ्ट अगर इफॉस में टैक्स आ जा चुका है तो छोटा चांद है ना, फिर 49(2AA कराया था इसॉप्स वाला, फिर अभी 49(9) करवाया। एक सेकंड, अब है ना 49(2AA के बाद देखो 50C, सेक्शन 50C है, बहुत जोरदार भयंकर इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये सेक्शन। तो है ना जिस समय भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, उधर ये नॉलेज यूज कर देने का। सी अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था ना, वो स्पेसिफिक सिचुएशन में नॉलेज यूज करना है। जैसे 49(1) का नॉलेज कब यूज करोगे, ऐसे सम में जब पिछला ट्रांसफर 47 में एग्जाम हुआ था, 49(4) गिफ्ट वाला सम जिसमें गिफ्ट जिसे रिसीव हुआ था उसने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स भर दिया था, वैसे सम्स में। तो मतलब अभी तक ये सेक्शन तो क्या स्पेसिफिक थे, लेकिन ये सेक्शन को जनरल सेक्शन की तरह लो। कोई भी सम में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई तो उसका FVOC निकालने के लिए एक जनरल सेक्शन है। ओके, तो सी ये सेक्शन क्या बोलता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई बेचेगा तो उसका एक्चुअल प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में से जो हायर होगा ना, दैट विल बी FVOC। और एक खास गवर्नमेंट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बनाया है। क्यों मालूम, क्योंकि सी इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब घर जमीन हो गया। लोग पता है जब फ्लैट बेचते हैं ना, तो फ्लैट बेचने का जो एग्रीमेंट होता है ना, बहुत छोटे अमाउंट का बनाते हैं, है ना, एकदम छोटे अमाउंट का, ताकि एग्रीमेंट छोटे अमाउंट का देखेगा ना तो ऐसे लगेगा मैंने कैपिटल गेन कम कमाया है और टैक्स कम आएगा। और एग्रीमेंट छोटे अमाउंट का बनता है तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है, वो भी कम लगेगी। तो पब्लिक लोग का स्टाइल है, क्या करते कभी भी घर वगैरह बेचते तो एग्रीमेंट छोटा छोटा बनाओ। उसमें दो फायदे होते हैं, एग्रीमेंट छोटा बना तो कैपिटल गेन भी कम आएगा और स्टैम्प ड्यूटी भी कम लगेगी। ये चोरी भारत में बहुत फेमस है। और बाद में लोग क्या करते, एग्रीमेंट छोटा बनाते हैं लेकिन साढ़े लोग पैसा पूरा लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसा सब कैश में ले लेते। तो ऐसी चोरी के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन खोला 50C। ये सेक्शन क्या बोलता है, तो एग्रीमेंट अगर छोटा छोटा बनाएगा, तेरा छोटा छोटा एग्रीमेंट हम देखने भी नहीं वाले, हम उसका मार्केट में वैल्यू क्या देखेंगे। मार्केट वैल्यू मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। और अगर मार्केट वैल्यू इतनी है और तूने एग्रीमेंट इतना सा बनाया तो हट, इतने पे टैक्स आएगा, मतलब ये FVOC में जाएगा। लेकिन हाँ, मार्केट वैल्यू के मुकाबले तूने एग्रीमेंट बड़े अमाउंट का बनाया है, अरे बड़े अमाउंट का एग्रीमेंट मतलब मैं बता रहा हूँ मैंने प्रॉपर्टी बहुत बड़े भाव में बेची है, तो अगर बड़े भाव में बेची है तो बड़े पे टैक्स भर, लेकिन छोटा दिखाएगा तो नहीं चलवे, चीटिंग नहीं चलेगा। लेकिन अगर तो इनकम ज़्यादा दिखा रहा तो चलेगा ना, इसने तो विचरित हायर है। तो इन शॉर्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी में रूल क्या है, जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमने दिखाई वो
और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उन दोनों में से जो हायर है वो लेना चाहिए। और हायर लेना ही पड़े क्योंकि सी ये मेरे एग्जांपल में अगर वो एक्चुअल सेलिंग प्राइस 150 दिखा रहा है तो गवर्नमेंट बोली फिर थोड़ी गवर्नमेंट 100 रुपया लेके बैठेगी। अगर कोई ज़्यादा इनकम दिखा रहा है तो मोस्ट वेलकम ही करेंगे ना, बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो दिखाना ही पड़ेगा, उससे कम नहीं चलेगा। तो सी ये फॉर्मूला तो सबको पता ही है। अबे ना इससे बहुत सारे पॉइंट है देखना, अबे ना कभी कभी क्वेश्चन में दो दो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देते। सी मैं लाइन से बता तुमको तीन चीज़ बोल रहा हूँ, अनाउंस करके बताता हूँ, तीन चीज़ बताने वाला। पहले मैं दो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हुई तो उसका क्या करना है, फिर मैं तुमको एक 10% डिफरेंस का कोई रूल होता है बताऊंगा, रिवीजन लेक्चर है तो उससे डायरेक्ट बात कर सकता हूँ, फिर एक वैल्यूएशन ऑफिसर का पॉइंट है बताऊंगा। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप फोकस रहना। पहले मैं तुमको ये बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में दो दो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पहले बता रहा हूँ। दो दो मतलब क्या दिया है, देखो एक्चुअली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन डिसाइड करता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअली मार्केट में सर्वे करके मालूम पड़ता है कि बोरीवली इलाके में क्या भाव चल रहा है ना, चेन्नई में प्रॉपर्टी का क्या भाव चल रहा है ना, हैदराबाद में प्रॉपर्टी का क्या भाव चल रहा है, और हैदराबाद के अंदर भी लोकेलिटी के हिसाब से होता है। और पता है किस प्रॉपर्टी का मार्केट में क्या भाव चल रहा है, वो स्टैम्प ड्यूटी का डिपार्टमेंट सर्वे करता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट उनकी आमदनी है स्टैम्प ड्यूटी। तो स्टेट गवर्नमेंट के आदमी लोग मेहनत करते, सर्वे करते, और सर्वे करके पता लगाते कि मार्केट में प्रॉपर्टी का क्या भाव चल रहा है, और उनके सर्वे के हिसाब से जो प्रॉपर्टी का भाव चल रहा होता है उसको बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। मतलब एक्चुअली होता मार्केट वैल्यू है, लेकिन वो स्टैम्प ड्यूटी वाला जो डिपार्टमेंट है ना, उन लोग ने सर्वे करके निकाला ना, इसलिए नाम गिर गया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ओके, अब देखो ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना, मैंने क्या सर्वे करके निकालते। अब ये सर्वे इन लोग हर दिन थोड़ी करते, जैसे इन लोग ने एक बार सर्वे करके पता लगाया हाँ इस इलाके में प्रॉपर्टी का ये भाव चल रहा है, इस इलाके में प्रॉपर्टी का ये भाव चल रहा है, एक बार सर्वे कर दिया, फिर बाद में वो फिक्स ही रहता है, फिर बाद में 4-5 साल के बाद फिर सर्वे करेंगे क्योंकि बाद में मार्केट बदल जाता है ना, फिर 4-5 साल के बाद, मतलब इन लोग क्या है हर 3-4 साल में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को रिवाइज करते। ये डिसाइड ही कौन करता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टेट गवर्नमेंट का स्टैम्प वैल्यूएशन डिपार्टमेंट। लेकिन एक बार इन लोग जो सर्वे करके निकालते हैं ना, वो जिंदगी भर सेम नहीं रहता है, क्यों, मार्केट थोड़ी सेम रहेगा। एक ज़माने में जो फ्लैट 20 लाख का मिलता था, आज तो 2 करोड़ में मिलता होगा, तो प्राइसेस चेंज होते हैं ना। तो सी बोलना ये चाह रहा हूँ कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रिवाइज भी होती है। अब देखो एक बंदे का बैड लक देखना, जैसे मान लो मैं बंदा हूँ, मैं मेरा बैड लक देखो, मैंने प्रॉपर्टी बेचने का जब डील किया था ना, मैं सेलर हूँ, मान लो सेलर हूँ, तो मैंने मेरी प्रॉपर्टी बेचने का डील किया था ना, उस वक्त स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना 100 रुपया थी। पढ़ो क्या लिखा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन अग्रीमेंट डेट। अग्रीमेंट डेट मतलब मेरा जब अग्रीमेंट चल रहा था, मैं बेचने के लिए अग्री हूँ, तू खरीदने के लिए अग्री है, हमने अग्रीमेंट जब बनाया था ना, उस वक्त स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या थी, 100 रुपया। एंड फिर हमारा डील पूरा कन्फर्म हो गया, फिर बाद में ना जब प्रॉपर्टी का डील नक्की होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन की ऑफिस होती है ना, तो रजिस्ट्रेशन के लिए गए ना, तब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रिवाइज हो गई। अरे रजिस्ट्रेशन का डेट बाद में आता है, और जैसे ही समय आगे जाता है हो सकता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रिवाइज हो गई। सी ऐसे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हर महीने को रिवाइज नहीं होती है, दो दो तीन तीन साल तक इन लोग छेड़ते भी नहीं उसको। लेकिन कोइंसिडेंटली है ना, मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने जब बेचने का प्लान किया था उस वक्त स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 100 था, लेकिन बाद में वही प्रॉपर्टी का जब रजिस्ट्रेशन के लिए गया उन दिनों में ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू गवर्नमेंट ने रिवाइज कर दी, और रिवाइज करके 120 हो गई। और हमेशा अगर रिवाइज करते हैं तो अपवर्ड रिविजन होता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है चीज़ें महंगी होती है मार्केट में। तो अब मुझे दुख क्या हो रहा है उनमें, यार मेरा तो प्रॉपर्टी बेचने का जो डील चल रहा था वो टाइम तो 100 था यार, लेकिन अभी मैं प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करने गया तो 120 हो गया। अरे मतलब अभी मेरे को टेंशन के मेरे पे 120 रुपये ठोक देंगे, तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। और मैं गवर्नमेंट को बोला 120 क्यों, मैं तो जब डील किया था बेचने का तभी तो 100 ही था ना। तो गवर्नमेंट बोले चल एक काम करते, माना कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रिवाइज हो गई है, लेकिन हम तेरे पे रिवाइज्ड वैल्यू ठोपेंगे नहीं। अगर तेरा जिस दिन
बायर के साथ डील हुआ था, उससे एग्रीमेंट बनने के साथ उससे कुछ टोकन मनी मिल गया हो, मतलब खाली एग्रीमेंट बन गया था उससे नहीं चलेगा, तेरा एग्रीमेंट भी बन गया था और पार्टी से पैसे भी मिल चुके थे, और पार्टी से पैसे मिले मतलब हम ये नहीं बोलते कि पूरे मिल गए हो, प्रॉपर्टी तो भले बहुत महंगे प्राइस में बेची हो, थोड़ा बहुत भी पैसा पार्टी से मिल गया ना, पैसा अगर पार्टी से मिल गया है तो हम ऐसे मानेंगे कि यार बंदे की डील ख़त्म हो चुकी थी, अग्रीमेंट भी बन गया था, पार्टी से पैसा भी आ गया था, मानो कि डील ही ख़त्म हो गई थी, तो तेरी डील पहले ही ख़त्म हो गई थी तो तेरे को पहले वाला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेने देंगे, पहले वाला। लेकिन शर्त क्या है, खाली तेरी लिखा पढ़ी एग्रीमेंट हुआ उससे कुछ नहीं होता है, लिखा पढ़ी करके तो कितने एग्रीमेंट कचरे की पेटी में चले जाते हैं, तेरे को पार्टी से पैसा मिल जाना चाहिए, और पार्टी मतलब मैं सेलर हूँ तो सामने वाला पार्टी बायर, बायर से मुझे कुछ पैसा मिल जाना चाहिए, वो भी कैश में नहीं, क्यों कैश का कुछ प्रूफ नहीं होता है, अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट या ECS से आना चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर मैं ये साबित कर दूँ ना कि जब पुरानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी ना 100 रुपया, उन दिनों में मेरा एग्रीमेंट बन के पार्टी से पैसा आ चुका था, तो मेरे को पुराना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेने मिलेगा। अरे मैं पुराने के लिए मर क्यों रहा हूँ, अरे मैं सेलर हूँ, सेलर को कैपिटल गेन का टेंशन है, और अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नई वाली रहेगी तो भारी टैक्स आएगा मेरा, क्योंकि वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो इधर FEOC बन रहा है, तो मुझे तो क्या चाहिए, मेरे को पुरानी वाली दे दे। लेकिन पुरानी वाली चाहिए तो शर्त क्या है कि तेरा जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था तेरा एग्रीमेंट तो बन गया था और पार्टी से पैसा भी आ जाना चाहिए, पूरा पैसा नहीं आया तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत भी टोकन के नाम पे 10,000 भी आ गया तो भी चलेगा, 1,000 रुपया भी टोकन मिल गया चलेगा, क्योंकि पार्टी से पैसे आ गए ना मतलब ऐसा लगता है डील कंफर्म है। लेकिन पार्टी से पैसा नहीं है, खाली ऐसे ओरल बात हो गई, रिटर्न एग्रीमेंट बन गया, उसको हम लोग सेल गिनते ही नहीं है। ओके, तो इन शॉर्ट ये देखो क्या लिखा है, पढ़ो इधर, अपने को ये वाला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, एक्चुअली अग्रीमेंट डेट पहले आता है मालूम है कि नहीं, पहले अग्रीमेंट होता है फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं ना, और पहले वाले स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थोड़ी कम है ना, और मैं कम लेने के लिए मर रहा हूँ ताकि मेरा कैपिटल गेन कम आवे, लेकिन कम मिलेगा, कंडीशन पढ़ो, इफ पार्ट और होल ऑफ द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट और ECS, और वो भी ऑन और बिफोर एग्रीमेंट डेट होना चाहिए, मतलब एग्रीमेंट का भी डेट होता है, अरे एग्रीमेंट रिटर्न होता है ना उस पर डेट होता है, तो अगर एग्रीमेंट डेट 6 जून है तो बस या 6 जून को या फिर उसके पहले, उसके बाद में नहीं, उस दिन को या पहले पैसा मिल गया ना तो गवर्नमेंट अपने को एग्रीमेंट डेट का HDB लेने देगी। टेल मी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो, सेटिस्फाई नहीं हुई मतलब बहुत कुछ हो सकता है, पैसे मिले थे लेकिन कैश में मिले थे, या फिर पैसे मिले ही नहीं थे, या फिर चेक भी मिला था लेकिन एग्रीमेंट डेट के बाद मिला था, अरे ऐसा सब दिया मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, तो अपने को ये नहीं, फिर रिवाइज्ड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपने पे गवर्नमेंट थोपेगी, फिर तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। ये देख FEOC क्या होगा, 120 और एक्चुअल प्राइस विचर इज हायर, तो विचर इज हायर में 120 आ जाएगा और वो मेरा FEOC बन जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फुलफिल हुआ ना तो मजे अपने, फिर तो ये और ये विचर इज हायर, एक सेकंड, इन दोनों में से विचर इज हायर और अपना ये वाला अमाउंट इग्नोर हो जाएगा। तो सी ये नॉलेज का भी उसका ना, अगर दो दो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी। ओके, अब है ना एक और पॉइंट इधर देखो, ये वाले केस में देखो ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 107 है, मतलब मार्केट में प्रॉपर्टी का भाव 107 चल रहा है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, नहीं मेरा प्रॉपर्टी तो 100 में बिका है, अरे मैं सेलिंग प्राइस ज़्यादा दिखा रहा हूँ, कम दिखा रहा हूँ, कम। अब इधर गवर्नमेंट क्या दे, तुम थोड़ा बहुत कम दिखाओगे तो हमको समझेगी, क्योंकि हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 107 है तो तेरी प्रॉपर्टी एग्जैक्ट 107 में ही बिकनी चाहिए, क्योंकि इसी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो जनरल मार्केट में भाव है, अब मार्केट में जो जनरल भाव है अलग है और मेरी जो डील हुई होगी थोड़े अलग प्राइस पे हुई होगी, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा, और थोड़ा बहुत कितना होना, 10% जितना तू कमती दिखा रहा है ना तेरे को हम चीटर नहीं बोलेंगे, उतना डिफरेंस होना स्वाभाविक है, ये कम दिखाने वालों के लिए बोल रहे हैं,
सी ज्यादा दिखाने वाला तो 1 रुपया भी ज्यादा दिखाएगा, थैंक यू बहुत अच्छा है, तू ज्यादा भी टैक्स आएगा ना, लेकिन कम दिखाने वाले को गवर्नमेंट चीटर, कम दिखा रहे देखना, कम दिखाने वाले को गवर्नमेंट कैसे बोलते हो तुम लोग चीटर हो पापी हो, लेकिन कम दिखाने वालों के लिए बोला, कम दिखाने वालों, थोड़ा बहुत कम दिखाए तो चलेगा, थोड़ा बहुत मतलब 10% और एक्चुअल प्राइस, हाँ 10% सबको याद है, लेकिन किस पे लेना, एक्चुअल पे, तो इसका एक्चुअल का 10% निकालना कितना आता है, 100 रुपये का 10 आ गया, और अपना डिफरेंस तो 10 से भी कम है, तो ये डिफरेंस बड़ा है कि छोटा है, और इतना मामूली डिफरेंस है तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं नहीं तू चीटर नहीं है, फिर तेरे पे ना हम लोग ये वाला अमाउंट नहीं ठोपेंगे, है ना, ये अमाउंट नहीं ठोपेंगे, तेरा जो एक्चुअल है वही हमें स्वीकार है, क्योंकि तू सच्चा है, और इसमें सच्चाई क्यों लगी, क्योंकि उसने कमती दिखा है लेकिन ज़्यादा कम भी नहीं है ना, कितने कम तक चलता है, 10 रुपीज़ तक, और मेरा तो 7 का ही डिफरेंस है, तो 7 जितना कम दिखा है तो चलता है, लेकिन अब ये वाला केस बताओ, ये वाला इधर देखो, मैंने कुछ ज़्यादा ही कम दिखा है, मार्केट में वैल्यू 160 है और मैं खाली 100 ही दिखा रहा हूँ, मतलब तो कम दिखा रहे हो भी कितना कम, 60 रुपये से, तो ये छोटा डिफरेंस है कि बड़ा है, बड़ा है, कैसे निकालने का, पहले 10% निकालो 100 का, तो कितना हो गया 10 रुपीज़, और 10 रुपीज़ से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, इतना ज़्यादा डिफरेंस, बोला तू ज़्यादा ही कमती दिखा रहे हो, तू चीटर है, तू पापी है, और पापी लोग का है ना अपने को एक्चुअल प्राइस पे ट्रस्ट नहीं होता, तो उसके ऊपर हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ठोक देंगे। ये देखो इधर क्या लिखा, पढ़ो, अगर छोटा सा डिफरेंस है, मामूली सा डिफरेंस है बिटवीन एचडीवी एंड एक्चुअल प्राइस तो चलेगा, ये देखो टिक किया मतलब चलेगा, मतलब फिर तेरी एक्चुअल अमाउंट हमें स्वीकार है, और अगर बड़ा डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है तो तेरा एक्चुअल छोटा छोटा अमाउंट कुछ ज़्यादा ही छोटा है नहीं चलेगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो ये वाला रूल भी याद रखना, और ये 10% ऑफ एक्चुअल प्राइस निकालना होता है। अब सुनो, ये वाला केस तो खत्म हो गया, अभी इसके ऊपर है ना कुछ और पॉइंट आने वाले, इसके ऊपर टेल मी, इधर तो मैं सच्चा साबित हो गया ना कि मेरी सेलिंग प्राइस कम है लेकिन ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ा तो कम होगा ही ना यार, तो इधर तो मैं जीत गया, लेकिन इधर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट मेरे गिरेबान पे क्या इल्ज़ाम लगा रही है, तू चीटर है, तू पापी है, तू 100 रुपया दिखा रहा है, इसकी वैल्यू 100 नहीं 160 होनी चाहिए, क्यों तूने कुछ ज़्यादा ही कमती दिखा है। तो अब सुनो, ये वाले पॉइंट को सुनो ना, और एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, लेकिन यही पॉइंट नेक्स्ट पेज में जा रहा, दिखने गए अमाउंट याद है क्या था, 160 था ना, ये देखो सेम है। अब देखो बिग डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसे में पता है कभी कभी 80 लोग आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, अरे आपको मेरे प्राइस में 60 रुपये का डिफरेंस दिख रहा है, क्यों, क्योंकि आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फालतू है, मतलब वो मानने को तैयार नहीं है कि वो चीटिंग कर रहा है, उसको लग रहा है मैं एक्चुअल सही हूँ, आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डिफेक्टिव है, मतलब एसएससी का आर्ग्यूमेंट क्या है, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को डिफेक्टिव बोल रहा है, ये गलत है, आप लोग 160 हमारे पे ठोप कैसे सकते हो, मैं मम्मी कसम खा के बोलता हूँ मैंने प्रॉपर्टी 100 में बेची है, अरे मतलब वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो पता है इधर भी इनकम टैक्स वालों ने क्या बोला है कि अगर किसी को हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को चैलेंज करना है तो करो, हम आपके ऊपर ये 160 को ठोपने नहीं वाले, आपको अगर चैलेंज करना है तो चैलेंज करो, लेकिन ये चैलेंज करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, मैं वैल्यूएशन ऑफिसर, और वैल्यूएशन ऑफिसर है इनकम टैक्स ऑफिस में बैठता है, इनकम टैक्स ऑफिस में बैठा हुआ आदमी है, उसको मैं अप्लाई करके बोलूँगा सर ये 160 है ना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, ये मेरे हिसाब से 160 गलत है, आप कुछ कीजिए, ये मैं किसको अप्लाई करूँगा, वैल्यूएशन ऑफिसर, वैल्यूएशन ऑफिसर कहाँ बैठता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉई है, तो उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और पता है वैल्यूएशन ऑफिसर बोला कोई बात नहीं बेटा, क्या बात है, तेरी प्रॉपर्टी कहाँ है, बोरेली स्टेशन पे, नहीं स्टेशन से थोड़ी दूर है, मतलब वो प्रॉपर्टी का डिटेल्स मांगेगा, वो पूरी प्रॉपर्टी को डिटेल्स लेने के बाद देखो क्या किया उसने, उसने बोला कि भाई तेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू 140 है, ये वीओ का मतलब क्या है, वैल्यूएशन ऑफिसर, वो बोलता है तेरी प्रॉपर्टी का वैल्यू तो 140 है, तो देखो फिर असेसी बोला देखा ना ये 160 तो मेरे पे ऐसे ही चेपा जा रहा था,
160 थोड़ी मैं बोल रहा हूँ, मेरे घर का कोई 160 देने को तैयार नहीं है। और वैल्यूएशन ऑफिसर ने अगर 140 बोला ना तो 140 ही चलेगी। फिर ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह पे 140 आ जाएगा। फिर विचर इज हायर करो, विचर इज हायर में 140 और 100 में हायर क्या है, 140, तो अभी 140 है ना। तो मतलब देखो ये फायदा है, मतलब किसी को भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर प्रॉब्लमेटिक लग रही है ना, यू कैन रेफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर। और वैल्यूएशन ऑफिसर अगर उसने कमती करके दिया ना तो कमती वाला चलेगा। पता है इसकी क्यों जीत हुई और ये 160 की हार क्यों हुई, कि 160 है ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जनरल मार्केट वैल्यू है, और जनरल मार्केट वैल्यू तो जनरल है ना, और वैल्यूएशन ऑफिसर जो 140 बताया ना वो मेरी प्रॉपर्टी को देख के बताया। हो सकता है मार्केट में 160 का भाव चल रहा है लेकिन मेरा घर कोई पुरानी बिल्डिंग में है, और पुरानी बिल्डिंग में भी टॉप फ्लोर पे, बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं है, और मतलब स्टेशन से बहुत दूर है, मतलब वो बिल्डिंग की कंडीशन बहुत ख़राब है। तो ऐसे ख़राब कंडीशन में घर होता है तो उसका प्राइस कम मिलता है ना। तो इतना ज़्यादा रिसर्च कौन किया, वैल्यूएशन ऑफिसर। सी एक एरिया में मार्केट में भाव अच्छा चल रहा होगा लेकिन उस एरिया में मेरी बिल्डिंग तो थर्ड क्लास है तो उसका वैल्यू नहीं कम, ज़्यादा नहीं है, कम है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसकी वैल्यू दी। सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू गवर्नमेंट क्या बोलता है, जनरल है ना, लेकिन जनरल गया भाड़ में जब तेरे प्रॉपर्टी का कंडीशन ही ख़राब है और उसकी वैल्यूएशन खाली 140 निकलती है तो वही सच है। लेकिन कभी कभी उल्टा भी पड़ता है, ये देखो लुक हियर, मतलब मैंने वैल्यूएशन ऑफिसर को बोला नहीं मेरे घर का 160 तो वैल्यू है ही नहीं, और वैल्यूएशन ऑफिसर ने बाद में दिमाग लगाया तेरा घर कहाँ है सब डिटेल्स मांगा, फिर उसने नोटिस किया भाई इसका घर तो एकदम प्राइम लोकेशन में, मतलब यहाँ तो सेलिब्रिटीज लोग रहते हैं इसकी बिल्डिंग में, मतलब बिल्डिंग इतनी पॉश है, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस वगैरह, इतना जोरदार बिल्डिंग है, इसके घर का तो कोई भी 200 रुपया दे देगा, मतलब मेरे घर का वैल्यू 200 निकल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर 200 है तो तेरे पे 200 नहीं ठोपेंगे, जबकि 200 रुपये एक रियल वैल्यू है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी की कंडीशन अच्छी है तो उसका तो 200 भी कोई दे देगा, लेकिन गवर्नमेंट बोलेगी नहीं यार जाने दे, हम तो 160 में संतुष्ट थे, तेरे को 160 में प्रॉब्लम है तो उसको कम करवा ले, होता है तो ज़्यादा देर पे ठोपेंगे नहीं। मतलब ये गवर्नमेंट का बड़प्पन है, क्योंकि सी गवर्नमेंट अगर बोलेगी ना बहुत तेरे को खुजली थी ना वैल्यूएशन ऑफिसर के जाने की, अभी ये ले 200 तेरे पे चेप देंगे, तो पब्लिक के ऊपर हरेसमेंट है यार। बेचारा एक आदमी बोल रहा है मैंने 100 में प्रॉपर्टी बेचा है, उस पर 160 वैसे भी ठोप रहे और उसमें भी बेचारा दुखी क्या हो गया, ले 200 कर दिया, ऐसा गवर्नमेंट नहीं करेगी। इन शॉर्ट पता है रूल क्या है, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर लेना पड़ता है। देख फॉर्मूला बैठता है क्या, अरे किन दोनों में से, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू, इन दोनों में से लोअर वाला पकड़ने का। तो सी मेरे 140 वाले एग्जाम्पल में लोअर क्या आता है, 140, और 200 वाले एग्जाम्पल में 160। मतलब इन शॉर्ट है ना कंक्लूजन क्या निकला, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू दोनों दी होगी ना तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, जो छोटा वाला है ले लेना, फिर वो छोटे वाले को कंपेयर कर, फिर विच एवर इज हायर करना चाहिए। ये देखो फाइनल फॉर्मूला इधर निकल के आया, ये देख इन दोनों में से क्या लेना है, लोअर वाला, किन दोनों में से, एचडीबी और वैल्यूएशन ऑफिसर में लोअर वाला, कंपेयर विद एक्चुअल, फिर विच एवर इज हायर। सी एक्चुअल तो सामने रखना ही पड़ता है, कोई एक्चुअल अगर ज्यादा दिखा रहा तो ज्यादा ही लेंगे ना। अब सी मैंने इतने सारे तुमको रूल बताया ना, ये सब 50 सी चल रहा है, अब इसमें बताए कन्फ्यूजन में बता दो क्या होता है, अभी नहीं लगेगा सम्स में होता है। ये देखो पहले मैंने तुमको दो दो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का रूल बताया है ना, फिर मैंने क्या बताया, ये देख 10% डिफरेंस थोड़ा बहुत कम में चलता है, फिर मैंने ये वैल्यूएशन ऑफिसर का बताया। अब है ना एक सम इमेजिन करो, ऐसा दिया देखो, सम में ना एक्चुअल सेल प्राइस भी दिया है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अग्रीमेंट डेट का भी दिया है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रजिस्ट्रेशन डेट का भी दिया है, वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू भी दिया है, सब खोल के रख दिया सब में। अरे इमेजिन क्वेश्चन में चार फिगर दिए, कौन से,
एक्चुअल सेल प्राइस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन अग्रीमेंट डेट, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रजिस्ट्रेशन डेट और वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू, इतने सारे फिगर दिए। लफड़ा क्या होता है, मैं ये मेरी सिखाई हुई चीज़ बच्चों को अच्छी तरह समझी है लेकिन एग्जाम में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, ये चार अमाउंट में बौखला जाता है। तो उसी उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक मेरी ट्रिक से ना गारंटी राइट आंसर आएगा। और ये ट्रिक की वैल्यू तुमको अभी नहीं समझेगी लेकिन जो गलती करेगा ना उसको मालूम है जोरदार ट्रिक है। ये देखो ट्रिक क्या है, सबसे पहले ना पहले क्वेश्चन इमेजिन, क्वेश्चन में चार फिगर क्या है, एक्चुअल, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन एग्रीमेंट डेट, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन डेट और वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू। तो उसी सबसे पहले ना वैल्यूएशन ऑफिसर के वैल्यू को देखना ही मत, पहले सिलेक्ट द एचडीवी। ये देखो क्या लिखा है, सबसे पहले अपना काम क्या होगा कि दो दो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में से किसी एक को सिलेक्ट कर, और वो सिलेक्शन करने आएगा। अरे कैसे अरे बने पड़ा ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपने एग्रीमेंट डेट की बिंदास ले लेंगे लेकिन शर्त यह है कि ऑन और बिफोर एग्रीमेंट डेट पार्ट और होल ऑफ द कंसिडरेशन शुड बी रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट या ईसीएस। मतलब पार्टी से पैसा आ गया चेक वेक में ऑन और बिफोर एग्रीमेंट डेट तो अपने एग्रीमेंट डेट कर लेंगे, लेकिन वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो रजिस्ट्रेशन डेट का, तो ये सिलेक्ट करने आएगा। तुम लोग देख रहे हो क्वेश्चन में वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू भी दिया है, उस पर मैं ध्यान भी नहीं दूंगा अभी, है ना। मैंने एचडीबी सिलेक्ट कर ली, अब मेरा दूसरा काम क्या होगा, कंपेयर एचडीबी विद द एक्चुअल प्राइस। अब मैं 10% का ज्ञान यूज करूंगा कि सर ने बताया था 10% जितना कोई कमती दिखा रहा है तो उसको चीटर नहीं बोलते, उतना तो कम होगा ही ना, तो एक्चुअल कोई ले लेंगे, था ना, वो वाला नॉलेज यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करोगे, कंपेयर एक्चुअल और एचडीबी, और एचडीबी पहले सिलेक्ट कर चुका हूं तो सिलेक्टेड वाले एचडीबी कंपेयर करो एक्चुअल से। फिर ये देखो, अगर है ना ऐसा है, एक्चुअल मेरा 100 है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेरा 123 है, तो चेक करना चाहिए 14 डिफरेंस है कि 12 डिफरेंस है। अरे डिफरेंस कितना, 23 का है ना, इसको 14 डिफरेंस बोलेंगे कि 12। छोटा मतलब 10% जितना होना चाहिए, 10% किसका निकालते हैं, अरे 10% एक्चुअल का निकालते हैं ना, तो एक्चुअल का 10% 10 है और मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है 23, तो 14 डिफरेंस है कि 12 है, हाँ 12 डिफरेंस है, तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला चेप दो। बड़ा वाला फॉर्मूला मतलब एक्चुअल और एचडीबी और वैल्यूएशन ऑफिसर में से लोअर, फिर विचार इज हायर। लेकिन अगर ये एक्चुअल इतना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 104 है खाली, तो डिफरेंस तो 4 ही है, और मतलब वो 10 रुपये से कम है, 14 डिफरेंस है, तो एफसी इज द एक्चुअल सेल प्राइस। सी तुम लोग ये फ्लो चार्ट को रिस्पेक्ट करके चलोगे ना, गारंटी राइट होगा। सी तुम लोग को इसकी वैल्यू अभी नहीं समझेगी लेकिन सम में बार बार गड़बड़ होगी ना, तब लगेगा यार गड़बड़ को अवॉइड करने के लिए यही तरीका बेस्ट है। और इसका टफ से टफ सम भी आ गया ना, गारंटी इससे राइट जाएगा। तो फर्स्ट व्हाट टू डू, सिलेक्ट एचडीबी, कंपेयर विद एक्चुअल, छोटा डिफरेंस है तो एक्चुअल को ही ले लो, और अगर बड़ा डिफरेंस है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, एक्चुअल सेल प्राइस और इन दोनों में से जो लोअर है वो वैल्यूएशन ऑफ द एचडीबी, एंड फिर अमंग्स द टू विचर इज हायर। ओके, तो ये सेक्शन 50C था, 50C। फिर इसके बाद है ना अगला सेक्शन देखो, 51, फोरफीचर ऑफ एडवांस मनी रिसीव्ड। मतलब ये देखो, बहुत बार क्या हम लोग प्रॉपर्टी बेच रहे होते हैं ना, मैं मान लो कोई प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, फील कर बेच रहा हूँ, और प्रॉपर्टी बेचते टाइम सामने वाले से मैंने कुछ टोकन मनी लिया होगा। टोकन मनी मतलब कुछ एडवांस वगैरह लेते हैं ना, तो अगर मैंने टोकन मनी लिया है लेकिन क्या हुआ मालूम है, एक से ना, तो सी इधर क्या हो रहा है, इमेजिन मैं किसी को प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ और उससे मैंने थोड़ा एडवांस मनी लिया था, मीन्स हम लोग की डील नक्की हो गई थी और मैंने बोला ठीक है, मैं जब प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ तो खरीदने को तैयार ही है, जब अपना डील पक्का हो गया तो थोड़ा बहुत एडवांस दे दे, तो उससे मैंने कुछ एडवांस मनी लिया। फिर बाद में थोड़े टाइम के बाद है ना, जो बायर था ना, बायर मैं तो सेलर हूँ ना, उसने बैकआउट कर लिया। बैकआउट कर लिया मतलब उसने अपनी बातों से पलट गया, पहले बड़ी बड़ी बातें करके गया था, हाँ तेरी प्रॉपर्टी तो मुझे बहुत पसंद है, मैं तो खरीद लूँगा, और उसने मुझे एडवांस में कुछ पैसा भी दिया था, लेकिन फिर बाद में उसने बैकआउट किया।
अब बैकआउट करने के बाद उसका कोई रीजन भी हो सकता है, शायद वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया, पैसा नहीं होगा, जो भी रीजन है, लेकिन मेरा तो मूड ऑफ हो गया ना। मैं तो बड़ी मुश्किल से, मुझे कोई बायर मिला था मेरी प्रॉपर्टी का और मैं खुश था, चलो मेरी प्रॉपर्टी बिक गई, फाइनली बिक गई, लेकिन एंड मोमेंट पे उसने मेरे को टांग दिया। तो मैंने गुस्से में क्या किया, उससे जो एडवांस के नाम पे कुछ पैसा लिया था हड़प लिया। और किसी से एडवांस मनी लेके हम लोग हड़प लेते हैं ना, उसको बोलते हैं फोरफीचर। फोरफीचर का मतलब क्या है, किसी से लिया हुआ पैसा हड़प लो, उसको रिटर्न मत करो, उसको बोलते हैं फोरफीट करना। कंपनी इश्यू और शेयर जब बढ़ते ना, शेयर फोरफीचर, शेयर फीचर फोरफीचर। फोरफीचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल मनी फाइनल कॉल मनी में रखड़ाता है, तो उसने एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी पे जो कंपनी हड़प लेती है उसका पैसा। तो फोरफीचर का मतलब ही होता है किसी से पैसा लिया वो हड़प लो अगर वो दगेबाजी करेगा तो। और शेयर होल्डर दगाबाजी क्या करता है, फर्स्ट कॉल मनी देता नहीं है, फाइनल कॉल नहीं देता, तो कंपनी उससे एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे जो लेती है वो हड़प लेती है। इधर इश्यू शेयर नहीं हो रहा है, इधर फ्लैट बेचने का बात हुआ। लेकिन फ्लैट बेचने का बात हुआ था, तूने खरीदने का बोलेगा तो खरीद ना, लेकिन तू बाद में अचानक बैकआउट करेगा तो मैं तुझसे जो टोकन मनी लिया था हड़प लूंगा। और बाद में सामने वाला भी मुझको ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है कि वो भी अपनी गलती मान रहा है ना। इतनी बड़ी बड़ी डील में हाँ बोल के गया, सोच मैं 2 करोड़ का प्रॉपर्टी बेच रहा था, लेकिन एंड मोमेंट पे डिच किया तो मुझे खराब लगा। और उसने भी सॉरी बोला, सॉरी क्या, भाड़ में तेरा पैसा मैं हड़प लिया। अब सुनो मेरे एग्जाम्पल साथ, मान लो एक्स वॉज द सेलर, वाई वॉज द बायर, और वाई से हमने एडवांस लिया था 50,000 और वाई ने एंड मोमेंट पे बैकआउट कर लिया। तो बैकआउट कर लिया तो हमने क्या किया, उससे लिया हुआ टोकन मनी हड़प लिया। लेकिन सी, कभी भी किसी से पैसा लेके हम हड़प लेते हैं ना, तो लॉ क्या बोलता है, हम ऐसे मानेंगे तेरी प्रॉपर्टी बिकी तो नहीं, लेकिन तेरी प्रॉपर्टी का कॉस्ट रिकवर हो गया, प्रॉपर्टी बिकते बिकते रह गई, क्योंकि सामने वाले ने बैकआउट किया। तो प्रॉपर्टी बिक जाती तो कैपिटल गेन आता, लेकिन प्रॉपर्टी बिकी कि नहीं बिकी, नहीं बिकी, लेकिन उस सिलसिले में तूने उससे जो एडवांस पैसा लेके हड़पा था ना, हम मानेंगे तेरा प्रॉपर्टी बिका तो नहीं, लेकिन तेरे प्रॉपर्टी का कॉस्ट रिकवर हो गया। सिर्फ दो चीज़ें, प्रॉपर्टी बिक जाना इज बिक जाना, इधर प्रॉपर्टी बिका के प्रॉपर्टी का कॉस्ट रिकवर हो गया, प्रॉपर्टी का कॉस्ट रिकवर। और कॉस्ट रिकवर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई जिस प्रॉपर्टी के लिए मैं डील किया था उसके पीछे मेरी कॉस्ट लगी है। अब सामने वाले ने टांग दिया, मेरे को डिच किया, तो मैंने उससे पैसा हड़पा, तो मेरा तो कॉस्ट रिकवर हो गया ना। मतलब प्रॉपर्टी अभी भी मेरे पास थे, लेकिन मेरे प्रॉपर्टी की कॉस्ट थोड़ी रिकवर हो गई। तो इन शॉर्ट ये देखो कंक्लूजन क्या है, कभी भी किसी से एडवांस पैसा लेके प्रॉपर्टी फाइनली बेचते नहीं, हड़प के रख लेते, तो उससे अपना कॉस्ट कम हो जाता है। जैसे मान लो मेरे एग्जाम्पल में प्रॉपर्टी 5 लाख का था, तो अभी ऐसा मानेंगे प्रॉपर्टी 4,50,000 का है। कैपिटल गेन तो नहीं आता था ना, क्योंकि कैपिटल गेन तो होते होते रह गया, लेकिन इसको मानेंगे कि प्रॉपर्टी का कॉस्ट रिकवर हो गया। ओके, अब इसका इफेक्ट देखो कैसे आएगा। अब ये प्रॉपर्टी उसने है ना आगे जाके बेची, अब देखो किसको बेची, जेड को। जेड ने अपने को टांग नहीं दिया, इसने डिच नहीं किया, इसने बैकआउट नहीं किया, ये धोखेबाज नहीं था, इसने मेरी प्रॉपर्टी खरीदी कितने में, 80 लाख में। अब देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, प्रॉपर्टी 80 लाख में बेचा तो ये सेलिंग प्राइस इधर आ गया, बराबर है, फिर नेट कंसिडरेशन भी सेम। फिर देखो जब मैं इंडेक्स कॉस्ट करूंगा ना, तो देखो मैंने कॉस्ट क्या लिखी है, 5 लाख में से 50,000 को कट करके कॉस्ट लिखा है। ऐसे मेरी प्रॉपर्टी 5 लाख की थी, लेकिन ये वाले इंसिडेंट में मैंने उसका टोकन मनी एडवांस लेके हड़प लिया था ना, तो मेरा कॉस्ट कमती हो गया था, तो कमती वाला कॉस्ट इधर डालेंगे, ये सेक्शन 51 में लिखा है। ओके, और ये इंडेक्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म हो गया, प्रॉपर्टी कब खरीदा था, 8-9 में, बेचा कभी 23-24, तो पीरियड बड़ा है, तो इट विल बी लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म में इंडेक्स कैसे करते, कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेस, तो ऊपर ये ईयर का इंडेक्स आएगा विच इज 348 और नीचे ये ईयर का इंडेक्स आएगा। और पैसा कभी हड़पा था वो ईयर का इंडेक्स मत देखो, हड़पने वाले ईयर का काम नहीं है, क्योंकि सी जो पैसा हड़पा था वो तो कॉस्ट में से कट लिया, और जो बची हुई कॉस्ट है वो तो 8-9 की है ना, तो 8-9 का
इंडेक्स नीचे आएगा और 23, 24 का इंडेक्स ऊपर आएगा, ओके। लेकिन सुनो, ये कब करना है अनुमे, अगर किसी से एडवांस मनी लेके 1 अप्रैल 2014 के पहले हड़ पाए तो, क्योंकि 2014 में अमेंडमेंट आया था कि अभी कोई पैसा हड़पा ना तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखा देना है, और जिस ईयर में हड़पा उस ईयर में टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो गया ना तो लेस फ्रॉम कॉस्ट नहीं करेंगे। अरे बजट में चेंज आया था, ये देखो इधर 1 अप्रैल 2014 से न्यू रूल आया था। पहले का रूल क्या था, लेस फ्रॉम कॉस्ट एज पर सेक्शन 51, बट अभी रूल क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो सी अपने को दोनों रूल से परिचित होना है, क्योंकि सी प्रॉपर्टी भले मैं अभी बेच रहा हूँ लेकिन जो एडवांस पैसा लेके मैंने हड़प लिया था वो हड़पने का ट्रांजेक्शन कब हुआ वो देखना चाहिए। यू शुड सी द डेट ऑफ हड़पना, इफ द हड़पिंग डेट इज बिफोर 1/4/14 तो लेस फ्रॉम कॉस्ट। ये देख मेरे एग्जाम्पल में देख, मैंने पैसा कब हड़पा था, 11/12, हाँ अभी दिमाग लगा, 11/12 मतलब 1/4/14 के पहले था तो लेस फ्रॉम कॉस्ट। लेकिन अगर ये 11/12 के बदले सुन 1/4/14 या बाद की डेट होती, मान लो 17/18 होता, अरे 17/18 में पैसा हड़पा होता तो कॉस्ट में से लेस नहीं करता, फिर मैं अपनी कॉस्ट को 5 लाख ही रहने देता और जो पैसा हड़पा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसका नोट लिख देने का 17/18 में जो पैसा हड़पा गया है वो 17/18 में टैक्स आ जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जब ही हड़पा तभी टैक्सेबल, ओके। ये अमेंडमेंट गवर्नमेंट क्यों निकाली थी उसके लॉजिक में भी घुस नहीं रहा, रिविजन लेक्चर है ना, बस तुम लोग याद कर लो 1/4/14 की तारीख को रट लो, उसके पहले है तो लेस फ्रॉम कॉस्ट। और डेट क्या देखना चाहिए, एडवांस कब लिया हो मत देखो, हड़पा कब। जैसे इन लोग ने बोले एडवांस तो 1/4/14 के पहले लिया था लेकिन हड़पने वाला काम आफ्टर हुआ है, तो आफ्टर वाला मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सो यू डोंट हैव टू सी व्हेन डिड यू रिसीव द एडवांस, यू हैव टू सी द डेट व्हेन यू फोरफिटेड इट, फोरफिटेड का डेट से जज करने का, ओके। तो ये सेक्शन 51 हो गया अपना, ओके। फिर लुक हियर, अपने चैप्टर का स्टेटस देखो, ये सेक्शन वाइज चल रहा है ना अपना, ये सेक्शनों की दुनिया में अपने देखो, ये जो मैंने मार्क किए ना उसके बाद और कौन से सेक्शन हो गए, ये 49(2AA) भी हुआ अपना है ना, फिर 49(9) भी हो गया अपना, 50C भी हो गया, 51 भी हो गया अपना, ओके। अभी भी अपना बचा है ना, तो लुक हियर, इसमें है ना अभी मैं एक छोटा सा सेक्शन काट देता हूँ जो सिंपल वाला है, ये देखो ये देखो, स्लम सेल का एक सेक्शन खत्म कर दो, स्लम सेल का, ओके। ये देखो 50B इज फॉर स्लम सेल, सेक्शन 50B इज फॉर स्लम सेल। ये सुनने में डेंजरस लग रहा है लेकिन मैं जिस तरह तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, ट्रस्ट में बहुत छोटा लगेगा तुमको। ये देखो मैंने इसकी अच्छी तैयारी करके रखी है, लुक हियर। स्लम सेल में क्या होता है, हमने ना अपना एक बिजनेस बेचा है, जैसे मान लो एक्स लिमिटेड के 3 बिजनेस है, ABC, कितने बिजनेस है, 3, और उसमें से इन लोग ने सोचा कि हम डिवीजन सी को बेच रहे हैं। और कभी भी धंधा बेचते हैं ना तो हम लोग उसका प्राइस कैसे चार्ज करते हैं, नेट एसेट मेथड से पीसी कंप्यूट होता है, परचेस कंसिडरेशन, हम लोग एक एक एसेट का वैल्यूएशन करते हैं। ये देखो ऐसे वैल्यूएशन होता है, मतलब धंधे में जितने भी एसेट है ना एक एक एसेट की वैल्यू को जोड़ जोड़ के फिर माइनस लाइबिलिटीज करके पीसी आता है। लेकिन वो तो नॉर्मल सेल हो गया, स्लम सेल में क्या होता है, हम लोग एक एक एसेट की वैल्यू को जोड़ जोड़ के प्राइस डिसाइड नहीं करते, पूरा लमसम में बेच देते हैं, पूरा लमसम। और लमसम मतलब सिंगल प्राइस है, उसमें लैंड मशीनरी बिल्डिंग सबका कॉमन प्राइस चार्ज कर दिया लमसम में, उसको बोलते हैं स्लम सेल। स्लम मतलब लमसम वर्ड से बना स्लम सेल, स्लम लमसम। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना कोचिंग क्लासेस बेचूं, तो मेरे कोचिंग क्लासेस में तो क्या है, बेंचेस भी है, एयर कंडीशंस भी है ना, जगह है पूरी क्लास की, कैमरा है, प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर से है ना,
अगर मैं एक एक का अलग अलग प्राइस जोड़ के निकालूँ ना तो स्लम सेल नहीं होता है। स्लम सेल कब बोलेंगे, जब मैं सामने वाले को बोलूँगा कि मेरी पूरी क्लासेस लेके जा, कंप्यूटर कैमरा प्रोजेक्टर सब कुछ बेंचेस सब लेके जाओ, मुझे 2 करोड़ रुपया दे दो। अब 2 करोड़ मैंने सबका एक कॉमन इकट्ठा प्राइस चार्ज किया, तब बोलते हैं स्लम सेल। ओके, अब तकलीफ क्या होती है, अगर मैंने एक एक का अलग अलग भाव मांगा होता ना, बेंचेस का इतना दे दे, प्रोजेक्टर का इतना दे दे, कैमरा का इतना दे दे, तो क्या कैपिटल गेन निकालना इजी हो जाता है। हर एसेट की प्राइस पता है तो हर एसेट का कैपिटल गेन निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ बेंचेस ले लो, एसी ले लो, कंप्यूटर ले लो, प्रोजेक्टर ले लो, सब ले लो, 2 करोड़ दे दो, अब डील तो 2 मिनट में हो गई, लेकिन कैपिटल गेन्स कैसे निकालूंगा कि 2 करोड़ मैंने कितनी सारी चीज़ों का मांगा है, बेंचेस, प्रोजेक्टर, कैमरा, कंप्यूटर, एयर कंडीशन, तो फिर कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे। तो ऐसे में लॉ क्या बोलता है, सिंस एक एक एसेट की प्राइस डिसाइड नहीं हुई थी ना, पूरे धंधे का एक लमसम प्राइस डिसाइड हुआ था ना, तो ऐसे मान पूरा धंधा एक ही चीज़ है। जबकि कोचिंग क्लास के धंधे में चीज़ें अनेक है, कंप्यूटर है, कैमरा है, एसी है, बेंचेस है, लेकिन सिंस हमने प्राइस लमसम में कोट किया ना, तो ऐसे मानो एक ही चीज बेची है, बिजनेस। तो ये देखो इधर भी ऐसा ही हुआ था, जैसे मान लो डिवीजन सी अपना कोचिंग क्लास है, अब कोचिंग क्लास में तो बहुत सारे एसेट्स बेचे होंगे, लेकिन सिंस हमने प्राइस 1 करोड़ लमसम नक्की किया था, तो उसका एक सिंगल कैपिटल गेंस कंप्यूट होगा। एक्चुअली तो है ना, इतने सारे एसेट्स बेचते तो मल्टीपल कैपिटल गेंस कंप्यूट होना चाहिए। ओके, लेकिन इधर हम लोग मल्टीपल नहीं सिंगल कंप्यूटेशन करेंगे। ये देखो सिंगल कंप्यूटेशन कैसे होगी, लुक हियर, इधर देखो क्या लिखा है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, इसमें मैंने डिवीजन सी को ही एक कैपिटल एसेट गिन लिया है। जैसे मान लो ना डिवीजन सी कोचिंग क्लास का डिवीजन था, अरे डिवीजन मतलब कंपनी के 3 धंधे, और सी जरूरी नहीं कि 3 डिवीजन वालों में स्लम सेल होता है, ये ऐसे ही एग्जाम्पल है। अरे हो सकता है कि मेरा एक ही धंधा है पूरा स्लम सेल में बिक गया, वैसा भी हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसे ही रैंडमली एग्जाम्पल लिया है कि कंपनी का 3 धंधा था, 2 धंधा तो इन लोग चला रहे, लेकिन एक कोचिंग क्लास वाला धंधा इन लोग ने लमसम प्राइस पे बेच दिया, तो पूरे धंधे को एक सिंगल कैपिटल एसेट माना। अब बताओ कैसे आएगा, एफईओसी का मतलब क्या होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब बदले में क्या मिला, मेरी कोचिंग क्लास चली गई, लेकिन ये देखो मैंने क्या एग्जाम्पल लिया है, 1 करोड़ मिला, ये देखो 1 करोड़ लिया ना, मेरी कोचिंग क्लास चली गई लेकिन बदले में क्या मिला, 1 करोड़। ओके, तो 1 करोड़ मेरा फुल वैल्यू कंसिडरेशन है। फिर ट्रांसफर एक्सपेंस जान दो नहीं है, ट्रांसफर एक्सपेंस हो सकता था मेरी कोचिंग क्लास बिकवाने के लिए कोई दलाल आया था, उसको दलाली देना पड़ा, तो लेस हो सकता, लेकिन नहीं है, जान दो, तो नेट कंसिडरेशन आ गया। अब है ना मेरे को क्या माइनस करना है, कॉस्ट। ओके, अब कॉस्ट किसकी, पूरे धंधे की कॉस्ट चाहिए, और मेरे कोचिंग क्लास के धंधे में तो एक चीज़ है क्या, अनेक चीज़ है, अनेक है, इतने कैमरा है, प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर, बेंचेस है, लेकिन क्या है, पूरे धंधे का कॉस्ट सिंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरे धंधे का प्राइस भी तो सिंगल था, तो कॉस्ट भी तो सिंगल होना चाहिए, और उस सिंगल कॉस्ट को बोलते हैं नेटवर्थ। क्या बोलते हैं, सिंगल कॉस्ट को नेटवर्थ, मतलब उस धंधे का नेटवर्थ निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं यही एग्जाम्पल ले लूँ ना, मैंने अपनी कोचिंग क्लास स्लम सेल में बेची है, तो कोचिंग क्लास का नेटवर्थ निकालना पड़ेगा, और वो कोचिंग क्लासेस की बैलेंस शीट से आएगा, मतलब क्वेश्चन में बैलेंस शीट देंगे इन लोग। ये देखो ऐसा क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया होगा, और बैलेंस शीट से नेटवर्थ आएगा, इधर देख लो एक बार, ये कैसे निकालना है बता दो, लेकिन एक बार डायरेक्टली देखो ना, 80 लाख क्या है, नेटवर्थ है, कैसे निकाला है बताऊंगा, लेकिन इधर नेटवर्थ को मानेंगे कॉस्ट, और जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन्स, और इधर पता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे डिसाइड करेंगे, धंधे की लाइफ देखो। जैसे ये देखो अपना डिवीजन सी है, ये कोचिंग क्लास वाला धंधा था, और मान लो ये कोचिंग क्लास 20 साल चला ही है, तो 20 साल पुराना धंधा मतलब लॉन्ग टर्म, सी इधर हम लोग है ना उस धंधे को एक चीज मान रहे, जबकि धंधे में तो मशीन फर्नीचर बहुत कुछ होता है ना, लेकिन वी हैव फॉरगॉटन मशीन फर्नीचर जमीन बिल्डिंग वगैरह, वी ट्रीट द होल धंधा इज वन थिंग। तो ये देखो मेरे एग्जाम्पल में मान लो 20 साल से धंधा चलाया, और अब अगर मैंने वो कोचिंग क्लास का धंधा बेच दिया तो लॉन्ग टर्म हो गया। ओके,
तो ये लॉन्ग टर्म है, लेकिन इसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, स्लम सेल में इंडेक्सेशन नहीं मिलता। अब इसका लॉजिक मैं बता नहीं रहा हूँ, रेगुलर लेक्चर में लॉजिक बता दो, लेकिन उसमें क्या 15-20 मिनट और घुस जाते अपने, लेकिन इधर अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसका लॉजिक समझने के बाद भी अल्टीमेटली करना क्या है, इंडेक्सेशन नॉट अलाउड, खत्म। स्लम सेल में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग होगा तो लॉन्ग लिखेंगे, शॉर्ट होगा तो शॉर्ट लिखेंगे, और वो डिसीजन कैसे होगा, धंधे की लाइफ से, और ये 20 ईयर्स तो लॉन्ग टर्म, मैंने तो जानबूझ के लॉन्ग टर्म बनाया, दिखा नहीं, देख बच्चा लॉन्ग टर्म में फिर भी इंडेक्सेशन नहीं किया, लेकिन ठीक है इंडेक्स नहीं करना है, लेकिन ये कैसे आता है 80 लाख्स। उसके लिए देखो क्वेश्चन में ना एक बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट में देखो कैसे करना है, एक समय इसको जूम करके बता रहा, बहुत मस्त चीज है, देखो बैलेंस शीट पे ध्यान देना, बैलेंस शीट में ना शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को छोड़ दे, बाकी सब प्लस माइनस कर दो, एसेट साइड प्लस, लाइबिलिटी साइड माइनस, किसको छोड़ने का, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, एसेट साइड में होता है ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह, वो छोड़ दे, बाकी सब प्लस माइनस कर दो। लेकिन सुनो उसमें भी नियम क्या है, लुक हियर, एसेट साइड में ना जो डेप्रिशिएबल एसेट होगा उसका WDV लेंगे एज पर इनकम टैक्स, डेप्रिशिएबल एसेट का, अरे डेप्रिशिएबल मतलब जिन एसेट में डेप्रिशिएशन आता है ना उसमें बैलेंस शीट का आंकड़ा मत लेना, अरे बैलेंस शीट में तो भगवान जाने कैसे डेप्रिशिएशन प्रोवाइड किया होगा, बैलेंस शीट अकाउंट्स वालों की होती है, अकाउंट्स का डेप्रिशिएशन अलग ही होता है, इसे जो एसेट डेप्रिशिएबल होंगे ना उसका बैलेंस शीट फिगर मत लेना, क्योंकि बैलेंस शीट फिगर इज WDV एज पर अकाउंट्स एंड वी वॉन्ट WDV एज पर टैक्स, और एज पर टैक्स वाले WDV क्वेश्चन में दी हुई होगी, तो अपने को WDV कौन सी लेनी है, एज पर इनकम टैक्स, लेकिन ये WDV मच किस पे होगा, डेप्रिशिएबल एसेट पे, लेकिन बैलेंस शीट में जो एसेट पे डेप्रिशिएशन नहीं आता, डेप्रिशिएशन किस पे नहीं आता, लैंड हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, करंट एसेट्स, लोन से एडवांसेस, डेटर्स वेटर्स होता है ना, वो सब थोड़ी डेप्रिशिएबल है, तो उसका सीधा बुक वैल्यू ले लो। और सुनो ये एरो का मतलब विचर इज लेस नहीं किया है मैंने, ये एरो मतलब मैं ऐसे लाइन बता रहा हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक सबको जोड़ ले, और लाइबिलिटी साइड में भी सबको घटा दे, अरे एरो मतलब ऐसे लाइन बता रहा हूँ, ये सब प्लस कर और सब कुछ माइनस कर दे, नहीं तो क्या कोई बच्चा मिसअंडरस्टैंड कर लेगा, ये विचर इज लोअर है, अरे मत देख इसको हटा दे यार, इसको मत ध्यान दे, ओके हटा ही देता हूँ, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, हट जा। तो बताओ क्या करोगे, बताओ बेस्ट ऐसे याद हो, इसको छोड़ देना यार, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और मिसलेनियस को छोड़ दे, बाकी सब ले लो, और बताए ये भी ऐसे याद रहो, सब बुक वैल्यू 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 एक्सेप्ट डेप्रिशिएबल एसेट में WDV एज पर इनकम टैक्स, वो या तो दिया होगा या ढूंढना पड़ेगा, दिया होगा तो ले लेना, नहीं दिया होगा तो मालूम डेटा देंगे, क्या डेटा देंगे कि जो डेप्रिशिएबल एसेट है 4 साल पहले ये भाव में खरीदे थे उसका ओरिजिनल कॉस्ट देंगे, एंड फिर इनकम टैक्स पे डेप्रिशिएशन का रेट मालूम है ना तुमको, जैसे कंप्यूटर का 40% है तो 40% कट 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 करके WDV निकाल लेना, अरे मतलब ये WDV निकालना को रॉकेट साइंस नहीं है, खाली इतना समझ रखना कि अपने को इनकम टैक्स का चाहिए, अब दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो ढूंढ लेंगे, और ढूंढने के लिए डेटा क्या देंगे, ओरिजिनल कॉस्ट वो 2-3 साल पहले का देंगे, अपने को उसको WDV में कन्वर्ट करने तो आता ही है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से आएंगे तो क्या करेंगे, जिस साल में खरीदा था वो 180 डेज से कम था तो आधे साल का लेंगे, और वो मैन्युफैक्चरिंग वाला है तो उस साल में एडिशनल डेप्रिशन लेंगे, और लेस देन 180 डेज से तो एडिशनल डेप्रिशन आधा लेंगे, आधा नेक्स्ट ईयर लेंगे, मतलब पूरा इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार डेप्रिशिएशन निकालना। और स्लम सेल साल के बीच में होगा ना तो इस साल का डेप्रिशन मत पकड़ना, अरे स्लम सेल साल के बीच में हुआ तो कितने लोग तो क्या WDV निकालने के लिए क्या करेंगे, इस साल के बीच तक का WDV निकाल लेंगे। सी इनकम टैक्स में ईयर ऑफ सेल में डेप्रिशिएशन नहीं आता, मैंने एक दिन पढ़ाया था परचेज वाले ईयर में फुल ईयर हाफ ईयर होता है, बाद में सब फुल ईयर ही फुल ईयर होता है, ईयर ऑफ सेल में डेप्रिशिएशन नहीं आता, तो
तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया ना, 1 दिसंबर को स्लम सेल दिया है, तो आधे अकाउंट्स के जो पुजारी लोग हैं ना, अकाउंट्स जो प्यार करते हैं, वो लोग 1 दिसंबर को स्लम सेल हुआ है तो दिसंबर तक का भी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देंगे। ये मत करना, इनकम टैक्स में ईयर ऑफ सेल का डेप्रिसिएशन इग्नोर होता है। तो मुझे बताओ, अगर ऐसा दिया है कि अपने पास, एक्चुअली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बैलेंस शीट में अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट होगा तो उसका WDV कैसे निकालना है? अगर कोई बोला सर रेडीमेड दिया है तो अच्छी बात है ना, निकालना पड़े तो कैसे निकालेगा? ओरिजिनल कॉस्ट में से इतने सालों का डेप्रिशन कट कर, लेकिन करंट ईयर का मत कट करना, ईयर ऑफ स्लम सेल का डेप्रिशन इग्नोर कर देना बस। तो ये नेटवर्थ आ गया। और एक चीज, ये डेप्रिशिएबल एसेट का WDV एज पर इनकम टैक्स लेते हैं ना, अगर इधर कोई 35AD वाला एसेट हुआ ना, अरे 35AD था ना, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, हॉस्पिटल, होटल, हाउसिंग, हाउसिंग, ऐसा कोई एसेट हुआ तो उसका तो इनकम टैक्स में वैल्यू जीरो हो जाता है, क्योंकि 35AD में फुल कॉस्ट डिडक्शन मिलता है, और फुल कॉस्ट मिला मतलब WDV नील, तो उसका नील ही पकड़ो, मतलब फिर उसका WDV निकालो में मत, निकालो तो भी क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट का फुल कॉस्ट डिडक्शन मिल गया तो नील हो गया, तो उसका रिटर्न डाउन वैल्यू इज लाइक नील। ओके, तो मुझे बताओ क्या करना है, बताओ नेटवर्थ कैसे निकालेंगे बता दो। एक और चीज सुन लो, सॉरी एक और चीज रह गई, अगर ये बुक वैल्यू दिख रहा है ना, इसमें अगर कुछ रिवैल्यूएशन किया होगा तो रिवैल्यूड फिगर मत लेना, ओरिजिनल फिगर लेना। जैसे मान लो बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो 100 रुपये को इन लोग ने 133 कर दिया था, तो 133 तो रीवैल्यूड फिगर है, लेकिन रीवैल्यूड लोगे कि ओरिजिनल फिगर, ओरिजिनल। तो अगर इन लोग ने एसेट्स को रीवैल्यू किया है ना, तो रीवैल्यूड फिगर मत लेना, ओरिजिनल लेना चाहिए। ओके, और एक चीज सुन लो, अगर कोई बैलेंस शीट में सेल्फ जनरेटेड एसेट हुआ, जैसे गुडविल है, तो एक्चुअली सेल्फ जनरेटेड एसेट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होना भी नहीं चाहिए, गुडविल जो खुद जनरेट किया है, फिर भी अगर इन लोग ने रिकॉर्ड किया तो हम लोग तो उसका जीरो ही पकड़ेंगे। फाइनली मेरे को बताओ नेटवर्थ के क्या क्या पॉइंट्स बताए। ये देखो, एक बार में सुन लेना शॉर्ट में, ये देखो ये बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट किसकी सुनो, अपने को ना जो डिविजन बेचा ना स्लम सेल में उसका ही बैलेंस शीट देंगे। तो सी बैलेंस शीट में से क्या क्या छोड़ देंगे, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, मिसलेनियस को छोड़ दे, बाकी सब प्लस माइनस कर दो, और सब बुक वैल्यू बुक वैल्यू बुक वैल्यू बुक वैल्यू पे आएगा, लेकिन जो डेप्रिशिएबल एसेट होगा उसका WDV एज पर इनकम टैक्स, और एज पर इनकम टैक्स वाला दिया है तो ले लो, नहीं दिया है तो फाइंड आउट करो, ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिशिएशन काट काट के, लेकिन करंट ईयर का डेप्रिशिएशन काटना मत। ओके, एंड फिर जहाँ जहाँ हम लोग बुक वैल्यू ले रहे ना, रीवैल्यूड फिगर मत लेना, अगर रीवैल्यू किया है तो रीवैल्यूड वाला लेंगे कि ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल वाला लेंगे, चाहे रीवैल्यू करके बढ़ाया हो कि घटाया हो, अपने को रीवैल्यूड वाला नहीं, ओरिजिनल फिगर लेना है। और 35D वाला एसेट उसका जीरो पकड़ना, सेल्फ जनरेट एसेट उसका भी जीरो पकड़ना, ये बातों का ध्यान रखते हुए नेटवर्थ निकालना। और स्लम सेल के सब में नेटवर्थ ही मेन होता है, वो आ गया ना तो राइट हो गया। लेकिन सी, ये FEOC में क्या लिया था, लमसम प्राइस, इसमें भी इन लोग है ना क्वेश्चन में बोलते बहुत बार कि ऐसे तो ये धंधे को 1 करोड़ में बेचा था, लेकिन ये धंधे का मार्केट वैल्यू 2 करोड़ है, मतलब धंधे का मार्केट वैल्यू 2 करोड़ है, तो विचर इज हायर करना पड़ता है, और धंधे का मार्केट वैल्यू है ना, ये देख ऐसे करके दिया होगा, FMV एज पर रूल 11 UAE। और पता है किसी भी धंधे का मार्केट वैल्यू निकालने का टेक्निक है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, इंटर के बच्चों के लिए। ये जो मैंने बोला ना कि जो धंधा मैंने 1 करोड़ में बेचा है उसका मार्केट में क्या वैल्यू है, मतलब 1 करोड़ तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 1 करोड़ में बेचा है, लेकिन उसका क्या प्राइस होना चाहिए मार्केट के हिसाब से, वो निकालने के लिए डिटेल रूल्स है इनकम टैक्स में, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपने को दिया होगा क्वेश्चन में, ये देखो ऐसे बोल के दिया होगा, FMV एज पर रूल 11 UAE। उसका मतलब ही क्या है कि तूने जो धंधा 1 करोड़ में बेचा है ना, उसका मार्केट में वैल्यू तो 2 करोड़ है, तो चीटर तूने 1 करोड़ क्यों दिखाया, फिर 2 करोड़ दे, और अगर मैंने ज़्यादा दिखाया तो ज़्यादा, विचर इज हायर। लेकिन सी, तुम लोग इसका ज़्यादा टेंशन मत लो, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन।
सीए फाइनल में तो ये कैलकुलेट करना भी सिखाना पड़ता है। इन शॉर्ट देखो ये रट लो, एफईओसी में एफएमवी एस पर रूल 11 यूएई विच विल बी गिवन और एक्चुअल लमसम प्राइस विच इज हायर, फिर लेस ट्रांसफर एक्सपेंस लिखा नहीं है लेकिन होगा तो लेस कर देना, फिर कॉस्ट में नेटवर्थ आएगा। इंडेक्स तो करना ही मत, शॉर्ट होगा तो शॉर्ट लिखना, लॉन्ग होगा तो लॉन्ग लिखना, जो है वो लिखना, लेकिन इंडेक्सेशन नहीं होगा। और नेटवर्थ कैसे निकालना मैंने बता दिया था बैलेंस शीट के द्वारा। ओके, तो ये अपना 50-20 स्लम सेल खत्म हो गया। ओके, अब जो बचा है ना, अब मेन है ना 54 का एक झुंड बचा है, 54 का एक झुंड बचा है। और शेयर्स एंड सिक्योरिटी में होता है ना एसटीटी पेड होता है वो, ये दो मेन चीज़ें वो कल के लेक्चर में हो जाएगी। ओके, और उसके बाद जो कुछ बचा भी है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन अभी क्या बचा है, 54 वाले सेक्शंस और शेयर्स को लेके कैपिटल गेंस होता है ग्रैंडफादरिंग 112A 111A वो कुछ चीज़ बचा है, वो मैं कल ख़त्म कर दूंगा, फिर कैपिटल गेंस अपना समाप्त। ओके, रिवाइज एंड कम, प्लीज़ रिवाइज एंड कम, इतना थरो कर लेना, साथ साथ में सम सॉल्व कर लोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारा।